कन्वर्जन यूनिट का परिवर्तन कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन मतलब मात्रकों का परिवर्तन जैसे मीटर सेंटीमीटर हेक्टोमीटर वगैरह वगैरह तो सबसे पहले हम लंबाई का कन्वर्जन करेंगे आज ठीक है इसमें देखिए क्या क्या होता है एक तो ये होता है जो लंबाई वाला या दूरी वाला एक होता है लिक्विड का कन्वर्जन जैसे लीटर मिलीलीटर दूध का पैकेट लेते होंगे पाँच सौ एम है ना तेल लेते होंगे मस्टर्ड आयल देखिए उसमें लिखा होता है नौ सौ बारह ग्राम या एक लीटर ऐसा कुछ देखे हो हम दूरी या लंबाई या लिक्विड का हो गया एक और होता है वो कौन सा होता है वजन का ग्राम किलोग्राम सेंटीग्राम डेसीग्राम मिलीग्राम है ना सुन हो कि नहीं सोना चांदी किस में तोलते हैं मिली ग्राम में भी बहुत होता है ना ग्राम तो बड़ी बात होती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती हैं सबसे पहला सवाल का जवाब दीजिए कोई बताएगा एनी वन पहला क्वेश्चन क्या कहता है कह रहा साथियों कि एक मीटर में कितना होता है क्या सेंटीमीटर पहले आप थोड़ा सा देखेंगे फिर हम इसको समझाएंगे कि इसको याद कैसे करते हैं निकालते कैसे समझते कैसे तो एक मीटर में होता है सौ सेंटीमीटर वन का बी वाला ऑप्शन सही है रंजू पटेल जी ममता रानी मीरा गुप्ता काजल आलोक विक्रम बातचीत बंधव सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिए सेकेंड नंबर में जवाब दीजिए क्या होगा एक सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है या एक मीटर में कितना किलोमीटर होता है एक बार आप ट्राई करेंगे चार पांच क्वेश्चन ऐसे हम करेंगे फिर इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इसको समझते कैसे रटना नहीं है बैठ के एक मीटर बराबर सौ सेंटीमीटर एक मीटर सौ सेंटीमीटर एक किलोमीटर एक हजार मीटर ऐसा करोगे भूल जाएगा जितने भी साथी आए हैं इस सेशन को लाइक जरूर करें बिल्कुल दिल से ईमानदारी के साथ एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होता है और एक सेंटीमीटर में एक बटा सौ तो तो ऑप्शन नहीं यार लग रहा है मुझे यहाँ पे ये आला जीरो होना चाहिए जीरो होना चाहिए नहीं वन में कोई ऑप्शन सही नहीं है सही है कि नहीं देखो एक्चुअली होता क्या है साथी मेरे कि एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होता जानते हो नहीं तो एक सेंटीमीटर में एक बटा सौ मीटर ठीक है तो बी वाला सही हो जाएगा अगर हम थोड़ा चेंज कर देंगे तो बढ़िया कोई दिक्कत ना किसी को चलो तीन वाले में जवाब दीजिए थर्ड में ए बी सी क्या सही होगा चलो भाई जल्दी करो सचिन रीशु भूपेश नीरज मिश्रा ममता गुड्डी यादव महिमा अमौर्या जिनको भी सीखना है क्लास को लाइक करना है मैं बताऊंगा इसका मतलब समझाऊंगा अभी कॉन्सेप्ट चलो देखो साथ ही मेरे एक किलोमीटर में जो होता है वो एक हजार मीटर होता है तो वन मीटर में वन अपान वन थाउजेंड किलोमीटर होता है ठीक है इसमें सी वाला होगा क्या होगा तीन में सी वाला होगा सी आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ मिस्टर सोनम दुबे बात मत करिए चार नंबर में जवाब दीजिए अच्छा थोड़ा सा मैं समझा दूं क्या पांच क्वेश्चन कर लो फिर बताता हूं इसका मतलब कैसे याद कैसे करते हैं जिनको भी गणित सीखनी है बिल्कुल दिल लगा के आराम से बैठना है पूरा क्लास देखना है छोड़ के नहीं जाना बीच में छोड़ के गए तो आप जानो आपका काम एक किलोमीटर में कितना मीटर फोर का सबसे पहला कोई जवाब दिया है तो उनका नाम है क्या पता है कुछ नाम ही नहीं है उनका आसमान में उड़ रहे हो भूपेश चतुर्वेदी सही तरीके से जिन्होंने बताया बाकी सब बी सी बी सी लिख रहे हैं गलत तरीका है अगर फोर में तुम्हें लग रहा बी है तो आप कमेंट में फोर बी लिखोगे सी लग रहा है तो फोर सी लिखोगे ये सही तरीका है तो एक किलोमीटर में एक हजार मीटर होता है सी वाला फोर सी फोर सी नहीं फोर का सी ऑप्शन इसका मतलब ये है ढाई मीटर में कितना सेंटीमीटर भैया हम्म चूंकि ए रुकना वन मीटर में सौ सेंटीमीटर तो ढाई मीटर बराबर ढाई गुड़ा सौ यानी ढाई गुड़ा सौ पच्चीस सौ एक अंक पर दशमलव लगाओगे दो सौ पचास आएगा बी वाला पांच में बी वाला सही है निशान सिंह बहुत अच्छा हाँ <coughs> सुकृति यादव अयोध्या इनका नाम है चलो भैया हो गया बढ़िया आगे बढ़े <coughs> आइए अब कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन आगे भी है लेकिन अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बात करें इसको प्यार से देखिए समझिए क्या लिखा है चलो अब समझते हैं कि इसको जानते कैसे एक्चुअली में होता क्या इनकी पूरी कहानी क्या है स्टोरी के पीछे तो ये कुछ नाम है इसे <coughs> याद कर लेना मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो और भैया किलो मीटर ये सबके आगे मीटर लगा लोगे ठीक है सबके आगे मीटर के आगे मीटर नहीं लगाओगे बस मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर ठीक है यहां मीटर की बात कर रहे हैं मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर हेक्टोमीटर मीटर के आगे नहीं लगाओगे मीटर <laughs> और ये जो हर जगह मैंने ये जीरो लगा दिया फिर इसको नहीं लगाएंगे जो पूरा लिखोगे तो समझ गए ये मेन कहानी है साथ तो बहिनियां ये इन्हीं को याद करना है बस सात है ना ये गिनो सात ना चलो अब कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आते कैसे हैं रटना नहीं है किसी को मैथ में रटा नहीं जाता है कि रट के याद कर लोगे भूल जाएगा जिंदगी में जिंदगी की फितरत यही है कि जिसको याद करना चाहो वो याद आती नहीं और जिसको भूलना चाहो भूलती है नहीं तो फिर याद ना करो और ना भूलो चलो देखो जैसे मैंने कहा ये मीटर है ना मैंने कहा कि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर बताओ बता भैया देखो जिनको याद है वो तो कह देंगे सौ सेंटीमीटर लेकिन एक्चुअली सौ सेंटीमीटर समझेंगे कैसे कि होता है कब क्यों थोड़ा तरीका बता रहा हूं थोड़ा फट कर देखना ये मीटर है ना हम्म इनकी नंबरिंग कर लो पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात है ना ये सात है हमें क्या करना मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो देखो मेरे यार यहाँ पे समझो मीटर से सेंटीमीटर में जाना है यहां से यहां तक ऐसे मीटर से तीर गई सेंटीमीटर में मीटर चार नंबर पर है सेंटीमीटर दो नंबर पर है मीटर का नंबर क्या है चार और सेंटीमीटर का दो घटाओगे क्या आएगा दो ठीक है तो आप क्या करोगे दो आया ना वन के बाद दो जीरो लगा दो बस हो गया अब बोलना नहीं है तरीका होता निकालने का याद नहीं करना रटना नहीं है एक मीटर में सौ सेंटीमीटर ठीक है चलो ये हो गया अब अगर मैं कहूं कि एक मीटर में कितना मिलीमीटर यमय यम। बताओ एक मीटर में कितना मिलीमीटर बहुत आसान है चलो देखो आओ इधर ए भाई मिट जा यार तुम मिलीमीटर देखो भैया ये तीर निकलेगी कहां से मीटर से यमयम मिलीमीटर में तो चार नंबर पर है का मीटर चार नंबर पर है मिलीमीटर एक नंबर पर है चार में से एक हटाओ तीन यानी एक के बाद तुम तीन जीरो लगा दो कोई गलत नहीं कर सकता गूगल पर सर्च कर लो एक मीटर में एक हजार मिलीमीटर होता है एक बार कमेंट करके बताओ ये तरीका समझ में आ रहा है मस्त है भूलना नहीं कभी नहीं रटना नहीं है तुमको याद नहीं करना कभी कभी याद ही नहीं करना है एक को गलत नहीं हो सकता गूगल पर सर्च कर लेना बाद में और बताना मुझे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो चलो और आगे बढ़े चल भैया एक और देखा फिर ही में लगे हाथ अब देखो अगर आपको निकालना हो कि वन सेंटीमीटर में ए रुक रे दादा दा रुक वन सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर चलो आप बताओ सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर भाई साहब सेंटीमीटर को पकड़ो कहां ये बगल है दोनों पड़ोसन है ए रहा है? चलो सेंटीमीटर से मिलीमीटर तो ये दो नंबर पर है वो एक नंबर पर है दो में से एक घटा लो भाई साहब दो में से एक घटाओगे चुप्पे से एक लिखोगे और तुम वन के बाद एक जीरो लगा दो बस एक सेंटीमीटर में होता है दस मिलीमीटर महेश समझ में आ रहा है महेश इनका नाम है सिंगोट प्रिया शुक्ला सभी को समझ में आ रहा है तो सेशन को फटाफट लाइक कर दो मेरे भाइयों चलो रटना नहीं पड़ेगा लेकिन अभी इसमें एक एक पेंच है थोड़ा सा पेंच मतलब जान रहे हो अभी इसमें तो लोचा है वो तो बताऊंगा अभी रुकोगे तो ये ऊपर ऊपर काम करता है नीचे नहीं काम करता है नीचे के लिए थोड़ा अलग चीज है अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे का मतलब क्या है? रुक गया। देखो ऊपर नीचे का मतलब है समझना थोड़ा सा ये केवल एक दिशा में काम करता है ट्रिक नीचे से ऊपर जाना होता अब ऊपर से नीचे आना हो तो नहीं काम करता फिर अलग सिस्टम होता है थोड़ा सा रुकना एक मिनट रुकना आधा ठीक है चलें आगे आ चलो देखो ये नीचे से ऊपर जाता है जैसे अगर मैं कहूं कि इसको मिटा दे रहा हूं समझने वाली बात थी बस जैसे अगर मैं कहा कि एक किलोमीटर ए यार मिट का है को जाता बार बार ये एक किलोमीटर में कितना मीटर अब बताओ ये कैसे होगा समझना समझना ये भाई साहब किलोमीटर सात नंबर पे आते हैं कहाँ पे है ये सात नंबर पे इनका घर है यहां पे इनका टेलीफोन मिलाओ मीटर के पास किलोमीटर सात नंबर पर है मीटर चार नंबर पर है घटा लो तो गिनती मिली तीन और तुम एक काम करो यहाँ एक के बाद लगा दो तीन थी जीरो बस खत्म एक किलोमीटर में एक हजार मीटर सभी को समझ में आता है एकदम बढ़िया होता है ना पक्का अच्छा वाला चलो फिर बढ़िया है सब ठीक ठाक है रटना नहीं है मैं बता रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं सिखाता हूं तो सीख जाओ समझ रहे हो ना हम्म सीख जाओ चलो देखो ये हो गया अब अगर हम यहां पे बात करें एक हेक्टोमीटर एक हेक्टो में कितना मीटर कमेंट करके बताओ फटाफट चलो एक हेक्टो में कितना मीटर बताइए अलोक कुमार श्वेता खदीजा परवीन जल्दी फटाफट हर कोई जवाब देगा चलो देर ना करो एक बहुत अच्छा बच्चा वेरी गुड वेरी गुड एच बी ऑफिसियल यूपी सतासी गेमिंग, ये नाम है सब आसमान से आए ये मंगल ग्रह से अभी जल्दी में लैंड किए जो ही आ रहा कोई दस बता रहा है कोई सौ बता रहा है जीरो ही तो लगाना है कौन तो सात सात जीरो लगा दे रहे हैं जैसे लग रहा बट रहा है फ्री का लगा दो जितना मन करे चलो भाई साहब देखो यहाँ पे समझो अच्छे से ईमानदारी से बिल्कुल प्यार से ये हेक्टोमीटर और मीटर दोनों पड़ोसी पड़ोसन है पड़ोसन पड़ोसन है तो क्या हाल है इनकी तुम समझा सकते हो बगल बगल है तो क्या हाल चाल हो सकती है घटाओगे एक आएगा यानी एक हेक्टोमीटर में दस मीटर होता है मतलब हेक्टोमीटर बड़ा होता है मीटर छोटा होता है उसका दस गुना होता है वो प्रिया कुछ समझ में आ रहा है मतलब आपको कुछ भी रटना नहीं है इन्हीं सातों को याद कर लो बस कौन सी मिली फेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर ये तीनों में काम करता है लंबाई वाले में भी और ग्राम किलोग्राम वजन वाले में भी और लिक्विड वाले में भी लीटर मिली लीटर वाले में सिर्फ आपको क्या करना है यहां मीटर की जगह पर ग्राम हुं? करना है बस ठीक है मिलीग्राम सेंटीग्राम डेसी ग्राम, मीटर की जगह ग्राम कर देना बस फिर डेका ग्राम हेक्टोग्राम किलोग्राम यानी सेंटर में आपको यह बदलना होगा बस मीटर को ग्राम और उधर क्या करोगे लीटर यानी मीटर ग्राम और लीटर ये तीन चीज चेंज करना है बस हर जगह ये काम करेगा और पूरा कन्वर्जन की कहानी इसी के अंदर है और ऐसे सब में होगा समझ रहे हो कि नहीं सचिन कुमार बच्चा पढ़ लो पहले तुम पढ़ लो थोड़ा कहीं से ब्लॉक करो इनको भाई इनको ब्लॉक करो दोबारा इनका कमेंट ना आए चलो गूगल पे सर्च कर लो फिर मुझे बताना एक मिनट यार ये नीचे से ऊपर चला गया क्या सॉरी सॉरी रुको 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 एक मिनट ये नीचे से ऊपर चला गया थोड़ा रुकना मैंने कहा कि ऊपर से नीचे वाला एक अलग हिसाब है ना ये हेक्टो से मीटर में चले गए हम ये गड़बड़ कर दिए अब तक क्या कर रहे थे हम नहीं नहीं सही तो है कंफ्यूज तो कर देता भाई हाँ इसमें देखिए कहते ना कुछ ऐसे मैं मुँह से क्या ही बोलूं आ जाते हैं आप कुछ लोग कहेंगे कॉन्फिडेंस नहीं है देखिए एक्चुअली क्या है अगर आपको कोई भी राशि नीचे से ऊपर वाली प्राप्त करनी है तो ये तरीका ऐसा ही है कंफ्यूजन बनाया उसको मैंने ब्लॉक भी कर दिया और अगर ऊपर से नीचे आना है तो अलग होता है ऊपर से नीचे कैसे समझो जैसे अगर आपको ये करना है भाई ट्रिक है ये कोई कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा है जैसे अगर कहें कि एक मीटर में कितना डेका मीटर होता है एक मीटर में कितना डेका मीटर होता है तो अब आपको नीचे से ऊपर आना है नीचे से ऊपर नहीं आना है ऊपर से नीचे आना है ठीक है तो ये मीटर फिर डेका में आएगा यानी नीचे आ रहा है ना इसमें चेंज हो जाता है क्या होता है इसमें आप वन अपान वन करोगे और जो जीरो लगाओगे वो नीचे लगाओगे बस समझ गए ना बस इतना करना है समझ में आया ना गूगल पर सर्च कर लेना बताना फिर समझ में आया आपको कोई भी नंबर में अगर ऊपर से नीचे की कोई राशि निकालनी है यानी जैसे मीटर से हमें डेका में जाना है से जैसे अगर मैं कि एक मीटर में कितना किलोमीटर बताओ एक मीटर में कितना किलोमीटर बोलो भाई एक मीटर में कितना किलोमीटर तो देखो बहुत सिंपल सा है हमें मीटर से किलोमीटर में आना है यानी हमें ऊपर से नीचे को आना है ठीक है ऊपर से नीचे को आना है तो हम सबसे पहले यहां वन अपान वन लिख देंगे तुरंत अब मीटर जो है सॉरी किलोमीटर सात नंबर पे है मीटर जो है किस पे है सीधा फीदा लिखो मीटर से आना मीटर चार पर है किलोमीटर सात पे है घटाओगे माइनस तीन आएगा जब ये गिनती माइनस में आएगी तो यहां पर भिन्न के रूप में लिखेंगे वन अपान वन करके लिखे रहेंगे और जितना गिनती आएगी माइनस में उतना जीरो लगा देंगे बस तो एक मीटर में एक बटा एक हजार किलोमीटर होता है ये ऊपर से नीचे वाली राशि के लिए है <coughs> यार मेरा दिमाग इसमें कुछ डिस्टर्ब था क्या hmm? हम्म डेका था, था पीछे वाले में कहीं देखिए तरीका मैं सही ही बता रहा हूं उसमें कुछ एक मिनट देखते हैं <coughs> रुको थोड़ा सा पीछे वाले में देखते हैं ये सही है कोई बात नहीं हाँ इसमें थोड़ा सा कहाँ गया यार वो क्वेश्चन मिट क्या क्या हो देखिए तरीका समझिए जो मैंने तरीका था बताया कहीं अगर भूल चूक से मैंने एक आध जीरो कम लगाया एक आठ ही ज़्यादा लगा दिया तो उतना तो आप समझ सकते हैं है ना कभी कभी हो जाता है कहीं लेकिन ऐसा हमारी कोशिश है कि नहीं होता अक्सर अगर दस बताऊंगा तो एक आध दो या आधा कहीं हो गया तो अलग बात है ठीक है शायद उसमें मैंने आपको हेक्टो से मीटर में बदलने में एक बटा दस या ऐसा कुछ किया था ना जो भी ये तरीका समझ लीजिए दूसरे में समझ लीजिए कैसे है देखिए आइए आगे बढ़े अब फिर से अगर हम कहें कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है सेंटीमीटर से मीटर में समझना तो एक सेंटीमीटर में कितना मीटर चलो बताओ देखो बहुत आसान है सेंटीमीटर से मीटर में आना है सेंटीमीटर है साथियों दो नंबर पर मीटर है चार नंबर पर घटाएंगे तो माइनस में दो आएगा अगर ये माइनस में आएगा तो इसे एक बटा एक लिखेंगे ऐसे ठीक है और चूंकि माइनस में दो आ रहा है तो नीचे दो ठी यानी एक सेंटीमीटर में एक बटा सौ मीटर समझ में आया ना ये तरीका होता है अब कहीं मैंने मान लीजिए भूल के यहाँ एक जीरो लिखा या तीन जीरो लगा दिया तो उतना तो आप समझ सकते हो कि जो यहां गिनती आई लिखेंगे वही सभी को समझ में आ रहा है तो फटाफट सेशन को लाइक करें ईमानदारी के साथ जल्दी करें देर ना करें हुँ? यही तो है ना जिंदगी में तुम कितना भी अच्छा कर लो अगर तुमने एक छोटी सी गलती कर दिया ना तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे ये हो गया समझ में आया चलिए ठीक है और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं चलो भाई तो अभी हम ऊपर से नीचे वाले में आ रहे हैं अगर मैं बात करूं कि एक मिलीमीटर में कितना मीटर एक मिलीमीटर में कितना मीटर समझना यहाँ पे मिलीमीटर एक नंबर पर है और मीटर चार नंबर पर है घटाओगे माइनस का तीन आएगा और चूंकि माइनस में आ रहा है तो आप इसे एक बटा एक लिखोगे तीन आ रहा है घटाने तीन जीरो नीचे लगाओगे बस हो गया एक मिलीमीटर में एक बटा एक हजार मीटर छाप लो भैया समझ में आ रहा है किसी को कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना तो फटाफट सभी लोग क्लास को लाइक करो भैया चला जल्दी फटाफट लाइक करो चलो बढ़िया है कोनो दिक्कत नहीं किसी को ना चलें आगे बढ़े नो डाउट नो परेशानी चलो फिर ठीक ठाक है सब बढ़िया है चलिए देखिए अब हम्म तो लगभग सब हो ही गया है अच्छा एक बात बताओ एक किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर हो किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर आपने देखा होगा सड़क वणक रोड किसमें नापेंगे रोड किसमें नापेंगे सड़क देखिए अलग अलग चीजों को नापने के लिए इसमें से अलग अलग राशि का प्रयोग किया जाता है जैसे मान लीजिए हमें यहां सूर्य से चंद्रमा के बीच की दूरी नापने की बात नहीं करेंगे मुझे नहीं पता धरती से आसमान की दूरी किलोमीटर में नहीं नापते हैं प्रकाश वर्ष में नापते हैं दूरी का सबसे बड़ा मात्र वर्ष होता है समझ रहे हो अगर आपका घर आपके शहर से मान लीजिए गांव में आप रहते हैं हजार मीटर या सौ मीटर मीटर नहीं सॉरी किलोमीटर में है तो उसे मीटर में नहीं नापेंगे सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे अगर ये पेन नापना किस में नापेंगे बताओ कमेंट करके चलो ये पेन किस में नापेंगे किलोमीटर में नहीं नापेंगे ना इसको कि हमारी पेन दो किलोमीटर की है किसमें सेंटीमीटर में क्योंकि मीटर से भी छोटी है ये तो जो जैसे सुटेबल होता है उसको वहां प्रयोग करते हैं समझ रहे हो कि नहीं अगर किसी इंसान की लंबाई नापना तो किसमें नापते है? किलो में ना हैं किलोमीटर में नहीं नापते ना भाई फलाने की लंबाई जो है पांच किलोमीटर है नहीं ना किसमें नापते हैं मीटर में भी नाप सकते हैं लेकिन मीटर में ही नहीं नापते हैं क्योंकि लंबाई में छोटी छोटी चीजें इंसान की लंबाई मैंने रखती हैं तो अधिकतर उनको सेंटीमीटर में नापते हैं या फीट में नापते हैं है ना समझ रहे हो कि नहीं आइए इस पर बात करते हैं कि किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर किलोमीटर सात नंबर पर है सेंटीमीटर दो नंबर पर है घटाओगे आएगा पांच यानी नीचे से अगर ऊपर को हमें जाना है सीधा फीधा तो हम सीधा फीधा वन के बाद में पांच जीरो लगाएंगे। कितना जीरो लगाओबा भैया पांच जीरो लगाओगे एक किलोमीटर में कितना एक लाख सेंटीमीटर इकाई दाई सैकड़ा हजार दफ हजार लाख समझ में आया ना सभी को कोनो दिक्कत नहीं ना चलो समझ में आया कोनो दिक्कत ना किसी को तो अब हमें लागत आ तू सीख गया तो चला लग जा फिर काम पे चला फटाफट लग जा छह नंबर क्वेश्चन पे बताओ दस सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर बताओ बड़ा ही स्मार्ट है सब तू तो कह रहा है काजल तो कह रहा है हाँ बोल क्या बोल रहा है आइए दस सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर आपको पता है कि सेंटीमीटर मिलीमीटर के जस्ट नीचे होता है आ? यानी एक सेंटीमीटर में दस एम एल एम एल नहीं एम मिलीमीटर है हाँ मीटर की बात हुई लीटर की नहीं तो ये उसका उल्टा हो जाएगा उल्टा का का हो जाएगा दादा एक सेंटीमीटर में दस एम एम तो भाई साहब दस में सौ हो जाएगा बी वाला सही है सिक्स में बी हो जाएगा बी इतना देर में कौन बताता है जी राखी कुमारी कमेंट आ रहा आपका मैंने देखा आपका कमेंट आ रहा था चलिए सेवन में बताइए अगर आपको लग रहा है कि सेवन में सी वाला है तो कमेंट में सेवन सी लिखो अगर आपको लग रहा है दस मीटर है तो सेवन में ए लिखिए जल्दी करें प्रतीक्षा तिवारी सिंपल भाई सिंपल नाम है आपका कि सिंपल नाम है क्या कहें बहुत अच्छा वेरी गुड सौ सेंटीमीटर में कितना मीटर भाई साहब एक मीटर में सौ सेंटीमीटर तो सौ सेंटीमीटर में एक मीटर चाय कनवाई दरिया खींचो तब थोड़ा असर करेगा दरिया घुमा पकड़ोगे तबो असर करेगा बात वही हुई इधर सब सेटिंग कर रहा है कमेंट में देखो तुम्हें बताया ना बहुत बार ये इंटरनेट वाला प्यार बहुत होता है खराब समझ रहे हो कि नहीं जिसको तुम बेबी समझ के रिचार्ज कराते हो छ महीना ना मिलने के बाद तुम बेहोश हो जाओगे तो इस चक्कर में ना रहो इंटरनेट वाला प्यार बड़ा खतरनाक होता है इंटरनेट में सिर्फ पढ़ाई काम की है बस बाकी सब गड़बड़ होता है जो तुम्हें दिखता है वैसा होता नहीं है जो लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं बढ़िया से एकदम फर्स्ट मतलब क्या ही बताऊं आजकल युवाओं में इतना ट्रेंड है है ना जो जितना नंगा घूम रहा है उतना स्मार्ट है उतना ब्यूटीफुल है उतना क्यूट है तो ये क्या है ये जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में वैसे होते नहीं है वीडियो में एडिटिंग होती है बहुत सारे फिल्टर होते हैं वो सब दिखता है तुम्हें समझ रहे हो कहते हैं जो दिखता है वही दिखता है चलो तो बात को समझो बस अंदर की बात पांच किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर बताइए आठ में जवाब दीजिए ए या बी या सी क्या होगा आठ ए आठ सी या आठ बी क्या आएगा भाई परी को भगाओ यहां से ब्लॉक करो इनको इनको ब्लॉक करो यहाँ कुछ जुगाड़ खोजने यहां पे चले आगे एक किलोमीटर में एक हजार मीटर होता है एक किलोमीटर में एक हजार मीटर होता है तो पांच किलोमीटर में पांच हजार मीटर ए भैया कहाँ है वो सी वाला आठ में सी कौन सा आठ में सी नौ में बताओ क्या होगा अभी मैं बता चुका हूं कैसे समझते हैं मत पूछना कि को करवा दे रहे हो इसको आ? देखो कितने महान आत्माएं हैं ये परी के साथ साथ ये परा को भी ब्लॉक करिए फटाफट ब्लॉक करिए इनको दोबारा आने ना पाए ये दिखाई ना पड़े छत्तीस सौ सेंटीमीटर में कितना मीटर बताइए लड़कों को मैं बार बार सावधान करता हूं है क्या कि लड़का लड़की के चक्कर में बर्बाद हमेशा लड़का ही होता है अधिकतर केस में कहीं बड़ा सातिर निकल गया तो अलग बात है नहीं तो लड़का ही बर्बाद होता है बताऊं मैं कैसे देखो जो ये कमेंट में देख रहे हो वो तो देख ही रहे हो अगर तुम लोगों में बहुत अच्छी वाली मोहब्बत हो गई बढ़िया वाली दोनों मिलकर समय बर्बाद करोगे इसमें दोनों दशा में बर्बाद ही होता है अगर अच्छा बन गया तब भी धोखा मिल गया तब भी तब तो दिल टूट जाएगा तो बेवफाई वाला सुनेगा और अच्छा वाला रहेगा तो टाइम बर्बाद करेगा दोनों बर्बाद ही होता है और लड़का ज्यादा बर्बाद काहे को होता है भाई सिंपल सी बात है तुम्हारे लोग का बहुत अच्छा चल रहा है टाइम खूब अच्छे पास हो रहा है और ये हमेशा तो ऐसा चलेगा नहीं दो तीन चार साल बाद क्या होगा न तुमको नौकरी मिलेगी ना उसको नौकरी मिलेगी लेकिन उसके लिए तो कोई पढ़ रहा है घर वाले खोज के उसकी कर देंगे सरकारी नौकरी वाले के साथ है बिया भले उसकी उम्र उसके बाप के बराबर हो कोई दिक्कत नहीं बस गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए अधिकतर भारतीयों की सोच ऐसी है ठीक है और कमाने वाला होना चाहिए और चाहे चप्रसीय हो तो उसकी तो सेटल हो जाएगी भले कुछ नहीं दाल रोटी मिलेगी तुम्हारा क्या होगा बेरोजगार लड़का और विधवा महिला का दर्द कोई समझ नहीं पाता जनाब पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो समझ रहे हो ना तो बस आगे मैं क्या ही बताऊं ज्यादा मत बुलाओ <laughs> समझ रहे हो ना तो पढ़ लो भैया चलो छत्तीस सौ सेंटीमीटर में कितना मीटर पहले ये बताओ कि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर बताइए जल्दी कमेंट करिए फटाफट नौ नंबर में क्या होगा जल्दी करें वेरी गुड बहुत अच्छा सबसे पहला कोई जवाब दिया है निशान सिंह अमेजिंग बॉय भूपेश चतुर्वेदी काजल प्रिया अंजलि सोनम राखी देखो भाई सिंपल सी बात है कि एक मीटर में होता है सौ सेंटीमीटर और ये मीटर में जा रहा है ऐसे देखो एक मीटर में सौ सेंटीमीटर तो एक सेंटीमीटर में एक बटा सौ मीटर तो 3600 सेंटीमीटर में आप क्या करोगे 3600 को 100 से करोगे भाग तो ये हो जाएगा बी वाला फाई नाइन में बी 100 से भाग करोगे आ जाएगा आगे बढ़े कोनो दिक्कत ना किसी को दस नंबर बताओ एक स्टडी बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट ना करो भैया दस नंबर में आ जाओ चलो आधा मीटर में कितना सेंटीमीटर हो फलाने लोग बताओ ना देखो एक्चुअली में एक मीटर में होता है कितना सेंटीमीटर एक मीटर में कितना सेंटीमीटर बताओ ना अभी अभी बताया हूं फट से बताओ चलो आप ऐसे कमेंट करो दस में ए या दस में बी अगर इसमें तुम्हें लगता है ये पचहत्तर है, तो है तो लिख दो दस डी अगर लग रहा है कि पच्चीस है तो लिख दो दस सी तभी हम कमेंट पढ़ेंगे अगर लग रहा है कि पचास है तो दस ए ये तरीका है बहुत अच्छा वेरी गुड टेन नंबर में अगर कोई जवाब दिया है तो उनका नाम है गुड्डी यादव सोनम दुबे काजल आर्या निशान जूही इकरा आदित्य अंजलि और भी बहुत लोग बताए हैं सबका नाम थोड़ा है बोल अब थोड़ा तो भाव खाना चाहिए ना किसी को हद से ज्यादा भाव दोगे तो रद्दी के भाव बना देगा वो तो मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा तो तुम लोग रद्दी के भाव ही बना दोगे चलो देखो एक मीटर भैया होता है सौ सेंटीमीटर तो सिंपल था दिमाग लगाओ वैसे ही एक बटा दो मीटर बराबर एक बटा दो गुड़ा सौ पचास सेंटीमीटर कितना पचास दस में ए। ग्यारह नंबर में जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर इलेवन चलिए इलेवन में अगर तुम्हें लगता है ये एक सौ चालीस है तो लिख दो ग्यारह ए अगर लगता है कि अस्सी है तो लिख दो भाई साहब ग्यारह डी तो का कुछ और लागत था लिख देना जल्दी करें इलेवन में सबसे पहले अगर कोई जवाब दिया है तो उनका नाम है आलोक एंड लोकेश दोनों भाई हैं ये भूपेश नीरज पंकज चेतन तिवारी जल्दी करें जल्दबाजी नहीं आइए बहुत अच्छा ये थोड़ा सा सवाल दिमाग वाला है खोपड़ी थोड़ा सा हिला के खुजला के ऐसे बताओ चलो देखो देखो एक्चुअल में बात ये है गुरु कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहां रिलेशन किसका किसका मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन हो रहा है परिवर्तन हो रहा है तो आप लिखोगे जानोगे कि एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होता है होता है ना तो तुम एक काम करोगे सात बटा पांच मीटर बराबर क्या करोगे सात बट्टा पांच को सौ से करोगे गुड़ा हा? ऐसे तो होता है कि नहीं होता है ना अगर एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होता है तो दुई मीटर में दुई सौ सेंटीमीटर कैसे आता है ऐसे तो आता है ना दू मीटर बराबर दू गुड़े सौ करते हैं तो दो सौ हो जाता है पांच मीटर में पाँच सौ सेंटीमीटर कैसे आता है सही बोल रहा हूँ ना बता देना नहीं कभी कभी मैं खोपड़ी खनक जाती है चलो नहीं ऐसा नहीं यार ऐसी बात नहीं है वैसे बोल दिया चलो तो ये कटेगा बीस आ जाएगा सात दुना एक सौ चालीस सात दुना एक सौ चालीस नहीं बीस था वहां पे मैं दो में गुड़ा किया जीरो वैसे मुफ्त में उतार लिया इसलिए सात दूना बोला तो एक आएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए वाला सही जवाब है ग्यारह ए कमेंट में आप लोग लिखोगे बिल्कुल इज्जत के साथ ग्यारह ए है ना समझ रहे हो कि नहीं हम्म इज्जत के साथ मैंने ऐसा बोला मैंने कहीं देखा था अभी कि एक घर में मेहमान आए तो छोटा बच्चा था ऐसे कुछ कहानी थी बोले कि उसके पिताजी जाओ बेटा बुला लो अंकल जी को खाना खाने तो अंकल जी चलो खाना खाओ घर नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते इज्जत के साथ बोलते हैं बच्चे ने कहा अंकल जी इज्जत के साथ चल के खाना खाइए चुटकुल्ला थोड़ा बनाने की कोशिश किया बट बना नहीं चलो देखो जाने दो छोड़ो ट्वेल्थ नंबर में आज कितना आएगा एक किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर भैया बताओ मुझे भी नहीं पता है चलो कितना आएगा एक किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर देखिए ऐसे गिनिए मिली सेंटी डेसी मीटर और आगे क्या रहा मिली सेंटी डेसी मीटर मिली सेंटी डेफी मीटर फिर डेका फिर हेक्टो फिर किलोमीटर ये किलोमीटर के जस्ट ऊपर है किलोमीटर के जस्ट ऊपर है और किलोमीटर से हमें मीट हेक्टो में बदलना है देख लो दिखा देता हूं तुम्हें देखो अब आया आया कहां ये है किलोमीटर और हेक्टोमीटर पड़ोसी पड़ोसी है तो भैया हो जब पड़ोसी पड़ोसन है तो फिर क्या दिक्कत है फिर किलोमीटर से अगर हेक्टोमीटर में जाना है तो दस होगा यानी एक मी... एक कहाँ गया यार ये नहीं था रुको एक मिनट ये आया अब ये था ना तो कितना होगा दस 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 बारह नंबर में बी नंबर सही है इकरा आकाश निशांत सीमा ये तो पढ़ने नहीं आती है ये तो सिर्फ अपने उनको देखने आती है दिखा दो एक बार कहाँ है क्या कर रहे हैं समझ रहे हो कि नहीं वो होती है फली वाली मोहब्बत मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक बात बताऊं हमारे एक दोस्त है यहीं पास में ही रहते हैं उनकी गर्लफ्रेंड से उनकी लड़ाई हो जाती है ना तो मुझको फोन करके कहती है प्लीज एक बार दिखा दो मुझे बस दूर से दिखा दो वीडियो कॉल में वो कर क्या रहे है? मैं एक बार देख लूँ बस और मुझे देख रहे हैं उगित गरियाएगी है आज पक्का कि तुमने क्लास में ईसा काहे को बोल दिया लेकिन मैं किसी का नाम नहीं बोला फिलहाल यही बगल में ही रहते हैं हमारे समझ रहे हो ना ये होती है वो वाली मोहब्बत हम्म चलो आगे बढ़े और कुछ तो इतने परम हासिको होते हैं जो रात भर सांसें सुनते सुनते सो जाते हैं फोन चलता रहता है जितनी भी तरह की आवाजें आती हैं सब सुनाई पड़ती रहती अरे देखा हूं यार अनुभव किया हूं हम भी तो इसी ग्राह है, पे हैं धरती पे ही तो हैं चलो देखो दस डेकामीटर मीटर में कितना मीटर होता है बताइए कितना होता है डेका मीटर से मीटर चलो फिर से गिनते हैं डेकामीटर मीटर से मीटर मिली सेंटी डेसी मीटर फिर डेका हेक्टो किलोमीटर नहीं किलो अलग मीटर अलग थोड़े किलोमीटर कम रहता है मिली सेंटी डेसी मीटर फिर डेका डेका जस्ट मीटर के नीचे होता है जस्ट नीचे होता है और डेका से हमें क्या करना है मीटर में बदलना है यानी जस्ट एक स्टेप ऊपर बढ़ना है मतलब दस होगा तेरह में भी बी होगा थर्टीन में भी बी नंबर होगा समझ में आ रहा है ना हाँ <coughs> किसी को कोई दिक्कत नहीं ना चलो तो मुझे लग रहा है कि यही होगा देखो अब मीटर जो है और डेका मीटर इन दोनों में क्या रिलेशन है कहां गए दिखाओ इनको भाई रिलेशन दिखाओ इनको ये मिल जा रहे दादा ये डेका कहाँ गया मीटर कहाँ गया ये है मीटर ये है डेका ना ये डेका कहाँ यार क्या लिखा है डेक्टा लिखा है हमें दिख रहा है सही मिली फेंटी डे मीटर डेका हेक्टो ये सीधा सीधा डेका मीटर आएगा डेक्टा लिखा है देखो आप जाके दिखाई पड़ा था तो उन लोग को दिखाई नहीं पड़ा था ये डेका मीटर होता डेक्टा नहीं होता है ठीक <coughs> है तो इसके जस्ट नीचे होता है अगर इसे मीटर में जाएंगे तो कितना होगा दस ठीक है दस समझ में आया ना कोई दिक्कत ना किसी को तो तेरह नंबर क्वेश्चन होएगा भैया चौदह पंद्रह में आ जाओ चलो एक मीटर में कितना हेक्टोमीटर बताइए फोर्टीन नंबर में जवाब दीजिए दिख रहा है ना सभी को मनीषा जी बिल्कुल बताया मैंने चल भैया फोर्टीन में आ जाओ फोर्टीन नंबर में आ जाओ फोर्टीन में आ जाओ फोर्टीन में किसी का थोपड़ा लाल हो रहा है क्या बात है गर्मी लग रही है क्या ठंडी में अच्छा वो मेरा जैकेट लाल कलर का है ना इसलिए देखने वालों का खोपड़ी लाल हो रही होगी हाँ मैं समझ गया चलो देखो <coughs> आगे बढ़े तो मीटर से किस में जाएंगे हेक्टो में ठीक है मिली सेंटी डेसी मीटर फिर देखा हेक्टो किलोमीटर अच्छा यही लिख ही देते हैं जल्दी फटाफट कमेंट करिए ये होमवर्क है मैं इसको नहीं बताऊंगा इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा इसको भी खुद से कर लोगे ठीक है ये हो गया खत्म कोई को, कोई दिक्कत नहीं ना सब बता दिया ना मैंने किसी को कोनो परेशानी तो बता दो मुझे मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर तीन तीन साथ ठीक है अब देखो मीटर से हेक्टो में जा रहे हैं यहाँ पे देखो मीटर यहाँ है हेक्टो यहाँ है भाई साहब ऊपर से नीचे में जाना है एक बटा में आएगा ये ना और दो के अंतराल पे है हम्म अगर यहाँ पे काउंटिंग करेंगे एक दो तीन चार पांच दो आएगा दो का अंतराल रहेगा एक बटा सो आएगा। सी वाला है चौदह में सी समझ में आया ना एकड़ वगैरह अलग चीज होती है ठीक है एकड़ जो है वो जमीन की माप करने का एक पैमाना होता है एकड़ या हेक्टेयर हेक्टेयर एकड़ से बड़ा होता है ठीक है अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। गज भी होता है गज फुट ये सभी यूनिट ही हैं। बताएंगे सबके बारे में बताएंगे अभी मोटी मोटी बातें करते हैं मतलब कि जो ज्यादा यूज होते हैं मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर सब सुने होंगे लेकिन ये एकड़ हेक्टेयर ये थोड़ी अलग तरह की बातें कम यूज में आती भाई साहब मीटर से हेक्टो में जाना है मीटर यहां है, हेक्टो यहां है यह भी नीचे ही जाना है तो क्या होगा मीटर से हेक्टोमीटर एक बटा सौ होगा इसमें कौन ऑप्शन सही नहीं मुझे लग रहा है नहीं 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 होगा 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 देखो एक मीटर में एक बटा सौ हेक्टोमीटर तो कह रहा दो सौ मीटर में कितना होगा दो सौ से इसको ऐसे गुड़ा करोगे इसमें दो आएगा आंसर सिर्फ और सिर्फ दो आएगा तो पंद्रह में भी बी आएगा इस समय आप पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट यानी राशि का परिवर्तन है ना मात्रकों का परिवर्तन या राशि परिवर्तन कुछ भी आप कह सकते हो बहुत ही बेसिक से मैंने शुरू किया है एकदम सुनने से एकदम जीरो से तो चलिए जनाब पहले सवाल का जवाब दीजिए अगर इसमें आपको लगता है कि ये पंद्रह सही है तो आप कमेंट में लिखेंगे वन बी पहले हम पांच क्वेश्चन करेंगे फिर हम आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कल हमने आपको मीटर वाला बता दिया था यानी लंबाई वाला बता दिया था आज हम बेट वाला बताएंगे यानी भार वाला आपको लगता है पंद्रह सो कमेंट मुझे सबका दिख रहा है थोड़ा तफली रखेंगे दस मिनट तो मैं सबका नाम भी बोलूंगा ठीक है जो आंसर देगा उसका नाम तो तुरंत बोला जाएगा बढ़िया चलिए वेरी गुड बहुत अच्छा इसका सही आंसर है एक हजार ग्राम मैं आपको ऐसा जुगाड़ भी बताऊंगा आज कि आप रटेंगे नहीं याद नहीं करेंगे ये आपको खुद बखुद याद हो जाएगा कैसे बताता हूं तो साथ ही मेरे पहले सवाल का जो सही जवाब है वो है वन ए इसमें सबसे पहले जो सही जवाब दिया था अगर कोई उनका नाम है भूपेश चतुर्वेदी अजय सिंह आदित्य काजल सिंह नंबर का जवाब दीजिए फटाफट जल्दी करें जल्दबाजी नहीं बताइए डेढ़ के जी में कितने ग्राम होते हैं अगर आपने दुकान से जा करके कहा कि मुझे डेढ़ के जी चीनी चाहिए हुँ? तो दुकानदार अगर आपको ग्राम में दिखाता है वजन तो कितने ग्राम तोल के देगा भाई आप कहोगे ग्राम में काहे को दिखाता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती हैं इलेक्ट्रॉनिक वेट वगैरह वे हो सकता है तो तुम्हें ग्राम में ही दिख रहा हो कितने ग्राम बताओ बहुत सारी चीजों में पैकेटों पे ग्राम में ही वजन लिखा जाता है भले एक किलो का है अधिकतर चीजों में वन के का कोई भी आप पैकेट लेते हो वन के नहीं रहता है नौ सौ बारह के सॉरी ग्राम नौ ग्राम नौ ग्राम वगैरह वगैरह कुछ ग्राम कमे रहता है हुँ? आगे बढ़े चलो तो कितना हो जाएगा इसका सही जवाब है पंद्रह सौ देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं <laughs> मैंने ऐसा बोला क्यों अधिकतर हर चीजों में ऐसा होता है भाई साहब अच्छा मेरे पास पैकेट है तुम्हें दिखाता हूँ एक पैकेट अभी हाल ही में मेरे पास है शायद तुम्हें दिखे या ना दिखे मेरी कोशिश होगी कि मैं दिखाऊंगा ये मेरे पास एक पैकेट है देखो ये इसे बोलते हैं ओट्स मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हें सिर्फ दिखा रहा हूँ इसमें देखो वन के का इसको बोलते हैं बट इसमें नौ ग्राम है हो सकता है क्लियर हो रहा हो नहीं हो रहा होगा वैसे उम्मीद है कि हो रहा होगा हो रहा है 900 ग्राम जबकि वन के जी की पैकेट है वन के जी इसको बोला जाता है समझ रहे हो देखो मैंने जो दिखाया सभी को दिख रहा था क्या हम्म? तो ये चीज आपको इसलिए जानना भी जरूरी है कि वन के जी का भी कोई चीज अगर आप लेते हो तो वो वन के जी नहीं रहता है अधिकतर चीजों में कम रहता है उसमें क्या रहता है बेमानी हर जगह है और कंपनियां सब फायदा चाहती हैं तीफरे का जब आप बताओ चलो का जवाब दीजिए दिखा था ना कि नहीं पैकेट में दिखा था ना चलिए थर्ड में थर्ड ए थर्ड बी या थर्ड सी क्या कह रहे हो भाई जल्दी करो चलिए आगे बढ़े <coughs> दिखा था मैं तो उसी के चक्कर में आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं चलो इसका आंसर होगा अड़तीस सौ ग्राम कितना होगा अड़तीस सौ ग्राम चलो अपने घर में देख लेना कोई सामान उठा के पैकेट वाला उसमें ग्राम ही लिखा होता है ये आंसर कैसे आ रहा है नहीं समझ में आ रहा होगा अभी बताऊंगा कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी क्लास को लाइक शेयर कर रहे मैसेज है चलिए फोर नंबर में जवाब दीजिए प्रांजल ठाकुर गीता आलोक ममता प्रियांशु गिरीश काजल ब्यूटी ब्लॉग बबीता राठौर सभी का कमेंट आ रहा है मुझ तक दिख रहा है चलो भाई ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ये आप कर ही नहीं पाओगे सात बटा सौ के में कितने ग्राम होंगे देखो एक्चुअली में मैं छोटी सी बात आपको बताऊंगा पहले वन के में वन थाउजेंड ग्राम होता है कैसे होता है क्यों होता है मैं सब दिखाऊंगा अभी थोड़ा फताफली रखें सबर रखें तो साथ ही मेरे जो सात बटा सौ के है इसको तुम बाद में लिखोगे देखो दो के में क्या होगा दु गुड़ा एक हजार दिख रहा है बराबर होगा दो हजार ग्राम ठीक है वैसे सात बटा सौ के जी में क्या होगा पता है तुम्हें? जैसे उधर गुड़ा हुआ था दो से वैसे इसमें एक हजार से गुड़ा होगा दो जीरो से दो जीरो निपट जाएगा हो जाएगा सत्तर ग्राम <laughs> <laughs> फोर में सही जवाब अगर कोई दिया है सबसे पहले तो भूपेश ने बताया है सही तरीके से आदित्य गौड़ और गीता वर्मा आलोक साहबाज ममता प्रियांशु बहुत अच्छा वेरी गुड अगनू साहू भैया दो जीरो कटा है सत्तर होगा सात तो सौ नहीं होगा सत्तर तो भी वाला सही पांच नंबर बता लोगे चलो मैं कॉन्सेप्ट बात कर लेता हूँ फिर क्वेश्चन करते हैं नहीं तो आप कहोगे ये मजा नहीं आ रही ना पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए कल मैंने आपको लेंथ वाला मेजरमेंट बताया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट आप पढ़ रहे हैं राशि परिवर्तन कन्वर्जन ऑफ लेंथ कल मैंने आपको ये बताया था तो इसमें ये चीज होती है मेन इसको लिख लीजिए ये सब में आती है मिली सेंटी देसी आज हम कन्वर्जन आप बेट कर रहे हैं तो मीटर नहीं लिखेंगे नीचे मिली फेंटी डेसी ग्राम डे का हेक्टो किलो ठीक है यहां पे हर जगह आप ग्राम लगाओगे मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूं फिलहाल के लिए ग्राम यहां पे ग्राम यहां पे ग्राम यहां पे ग्राम नहीं लगाओगे बगल में ग्राम के बगल ग्राम नहीं नो। यहाँ पर भी आप ग्राम लगाओगे ये ग्राम समझते चलना बस याद नहीं करना पड़ेगा यार अभी दौड़ के याद हो जाएगा भूलेगा नहीं तुम्हें बिल्कुल वैसे नहीं बोलेगा जैसे वो नहीं बोल रही तुम्हारी जिंदगी से आप देखो कैसे पैलन की काउंटिंग कर का लो वन सात राशियां हैं ये हम्म सात मूल राशियां जानते हो कक्षा अच्छा नौ में पढ़े थे लंबाई द्रव्यमान समय ताप ज्योतिर्ता विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा मैं क्या बोल गया नहीं समझ पाए चलो जाने दो उसको देखो इधर तो ये सात है अब देखिए अगर हमें केजी से ग्राम में जाना है समझना। अगर हम कहूं कि भाई साहब 1 केजी में कितने ग्राम होगा तो आपको एक काम करना है देखना है कि ग्राम और किलोग्राम में क्या रिलेशन है इनके सामने सात नंबर है इनके सामने चार नंबर है तुम एक काम करो सात को पकड़ो और चार से दो घटाए मतलब इनको दो। आएगा तीन यहां पर एक लिखना है और तीन जीरो लगा दो बस हो गया जितना गिनती आएगी उतना सुनना लगाओगे बस ये कंसेप्ट याद रखना ये तब लागू होगा जब आप नीचे से ऊपर वाली राशि में चेंज करोगे ये तीर ऊपर को रहेगी नीचे को नहीं ऐसे सब में होगा किसी में देख लो तुम चलो आसान आसान पहले बताऊंगा जा रहा ना ये एम जी मिलीग्राम चल भैया एक ग्राम में कितना मिलीग्राम बताओ चलो मिलीग्राम यमजी आपने देखा होगा सोना चांदी वगैरह यमजी में तौलते हैं है ना जो बहुत ही कीमती धातुएं होती हैं महंगी होती हैं वो उनको मिलीग्राम में तोला जाता है किलो में नहीं होता है कोई सोने होने की चीज किलो में नहीं खरीदता है मुझे एक किलो का अंगूठी चाहिए तो MG एम जी के नीचे भी मात्रक होते हैं उनके बारे में बात हमें नहीं करेंगे फिलहाल अभी चलो अब ग्राम की बात हो रही है जा रहा है किसमें मिलीग्राम में इसमें मिली इस अब देखो इनका नंबर चार है इनका नंबर एक है तो भाई साहब चार में से आप एक घटाओगे आएगा तीन आप लिखोगे एक के आगे तीन जीरो एक ग्राम में एक हजार मिलीग्राम कितना एक ग्राम में एक हजार मिलीग्राम अजय सिंह समझ में आ रहा है रेशु रायल प्रियांशु आलोक मीरा गुप्ता भाई सभी लोग क्लास को लाइक करो फटाफट ऐसे मजा नहीं आ रही ये बैच आप ही लोग की आदत की वजह से सप्ताह में दो दिन हो गई है ठीक है आपकी बार भरे चल गई शनिवार रविवार को भी मिला के चार दिन हो गया बाकी ये बैच सिर्फ दो दिन हो गई है क्योंकि आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो बीच में जिज्ञासा बैच इसीलिए घुस गई और वो चार दिन चलेगी ये दो दिन चलेगी क्योंकि आप लोग इस बैच को शेयर नहीं करते हो फिर ये मत कहना मुझसे कि काहे को धीमा चल रही है तेज काहे को नहीं चल रही है चलो भैया तो समझ में आ रहा है कुछ तो इस तरीके से आप कर लोगे अच्छा एक ग्राम में कितना सेंटीग्राम बताइए एक ग्राम में कितना सेंटीग्राम जल्दी बताओ फटाफट चलो जल्दी करो भाई गो फास्ट आइए एक ग्राम ग्राम चार नंबर पर है सेंटीग्राम दो नंबर पर है तो चार में से सबसे पहले दो घटाएंगे आएगा दो आप यहां एक लिखोगे एक के बाद दो जीरो लगाओगे यही तरीका है गूगल पर सर्च कर लेना कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो मुझे बता देना इसमें सबसे पहला अगर कोई जवाब दिया है उनका नाम गरिमा त्रिवेदी काजल सिंह दिव्यांश अग्निहोत्री राजापुर गेमिंग भैया सिर्फ इंसान का नाम बोलूंगा मैं जानवर का नाम भगवान का नाम या कोई पेड़ पहाड़ नदियाँ का नाम रख दोगे तो मैंने बोलने वाला क्योंकि वो पढ़ने लायक नहीं है मुझे लगता है वो बहुत नॉलेज वाले पहले से ऑलरेडी हैं एक एच जी क्या होगा हेक्टोग्राम हाँ हेक्टोग्राम में चच्चा कितना ग्राम होगा हो चलो बताओ देखो बहुत आसान है मैं बताता हूं एक जो हेक्टोग्राम है उसमें कितना ग्राम चलो पकड़ो हेक्टोग्राम पे छः नंबर है ग्राम में चार नंबर है तो छः में से चार घटाओगे आएगा दो कितना आएगा दो आएगा तो आप यहाँ पर क्या करोगे वन के बाद दो जीरो बढ़ाओगे एक हेक्टोग्राम में सौ ग्राम समझ में आया ना तो एक के जी में एक हजार ग्राम एक हेक्टोग्राम में सौ ग्राम हुं? अच्छा एक किलो में कितना हेक्टोग्राम हो मिटाऊ इसको कहा छोटा कर दे रहा हूं तुमको दिखाई ना पड़ेगा इतना छोटा कर दूंगा लो दिखाता है कहा अगर बहनों दिखाता है तो बड़ा ये बताओ कि एक केजी में कितना हेक्टोग्राम जल्दी करें वन के जी में कितना हेक्टोग्राम ये हेक्टो तो सुना नहीं होगा ना नहीं अभी इसके आगे एकड़ हेक्टेयर गज ना? और कैसे छप्पन गज का दामन ऐसा कोई सॉन्ग भी है ना तो अभी वर्ग गज फिट ये सब भी पढ़ोगे आगे कन्वर्जन में लेकिन ये हो जाएंगी एप्लीकेशन वाली क्लास क्योंकि सब यही पढ़ा देंगे तो फिर वहां वाले का करेंगे कुछ लोग बहुत सर हैं लग रहा है मंजन वंजन करके आए मुंह धुल के बहुत अच्छा चलो वेरी गुड भाई साहब जो के जी है सात नंबर पे है हेक्टोग्राम छः नंबर पर है सात में से छः घटाओगे एक आएगा आप एक के बाद एक जीरो लगाओगे वन के जी में दस हेक्टोग्राम कितना दस हेक्टोग्राम तो सब एक समझ में आएगा ना एकदम पक्का अच्छे से ना ठीक है अब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में हम जानते हैं अच्छा इसी का जस्ट उल्टा आप चलेंगे जस्ट उल्टा ये बताओ कि एक के में कितना ग्राम सबा पता होगा भैया एक हजार ग्राम ना तो ये बताओ फिर एक ग्राम में कितना के याद रखना जस्ट इसी का ऐसे नीचे आ जाएगा ये बस अगर एक के में एक हजार ग्राम तो एक ग्राम में एक बटा एक हजार के जी ठीक समझ गया ना चलो ये समझने वाली चीज है अक्सर इनका मुकाबला हो जाता है वन ग्राम में कितना मिलीग्राम? ग्राम यम जी तो भाई साहब एक हजार ना देखो चार नंबर पे ही है एक नंबर पे है तो यह याद रखना फिर कि एक यमजी जो है वो एक बटा एक हजार ग्राम के बराबर है याद रखना इसको हुँ? अगर हम एक बार सांस ले, ले ले बीच में रुक के ना सब लगे थे चिल्लाने अरे आवाज नहीं आ रही है बोल काहे को नहीं रहा है हम्म और अपना लाइक वाइक नहीं कर रहे है ना बोल रहे को लोग तो मैं कहे को बोलूं जब हम बोला करें ना तो जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो तेज से बोला करो आंसर दिया करो जिससे अगल बगल वाले आपके जाने कि आप पढ़ रहे हो और मैं आपका नाम भी बोल दूंगा बीच में तो उनको लगेगा कि नहीं नहीं सही पढ़ रहा है ठीक है तो और बताऊं एक चलो इनको मिटा दे रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो बहुत जल्दी दू सेकंड में कौन कौन तेज से बोलेगा इतना तेज मत बोलना नहीं कोई सो रहा बगल में चप्पल भी पड़ जाए हाँ रात भी रात का टाइम पढ़ाते हैं हम अब कुछ निशाचर प्राणी होते हैं रात में पढ़ते नहीं सो जाते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं चलो आगे बढ़े तो आप मुझे ये बताओ कि एक ग्राम में तो हो ही रहा भैया एक ग्राम में कितना हेक्टोग्राम एच जी मान लो चलो एक ग्राम में कितना हेक्टोग्राम बताइए आइए देखिए एक ग्राम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है अगर ये ग्राम ऊपर है हेक्टोग्राम नीचे है हमें ऊपर से नीचे आना है तो ऐसी कंडीशन में साथी मेरे यहां पे आप वन अपान वन लिखते हो ठीक है ग्राम से हेक्टो में जा रहा है ऊपर से नीचे को एरो आ रहा है तो हेक्टो छ नंबर पे है ग्राम चार नंबर पे है तो चार में से छह घटाओगे माइनस में दो आएगा माइनस में जब आता है तो ये जो जीरो दूठी बढ़ेगा वो नीचे बढ़ता है ऐसे हर में ठीक है तो एक ग्राम में एक बटा सौ हेक्टोग्राम अगर किलोग्राम बोलेंगे तो एक बटा एक हजार के जी बढ़िया आगे बढ़े चल भाई छह नंबर पे आ जाओ फटाफट फिर देर ना करो कहाँ तक भाई यार होएगा छह नंबर पे आ जाओ आप बता लोगे फिर प्यार से चलो ईमानदारी के साथ बताओ फिर ममता रानी जी कितना आएगा योगेश कुमार चच्चा तुम भी बता दो बबीता मीरा कुछ लोग कमेंट करते हैं कुछ लोग देखते हैं कि के 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 नाम बोलता है हम देख ली थोड़ा सा तो बाकी पढ़े लिखे के के भला भा है ना ऐसी बात नहीं है चलो देखो पहले ये बताओ कि एक ग्राम में कितना के जी हो अभी जस्ट बताया हूँ तुमको इतना होता है ना सबको पता है ठीक है तो भाई साहब एक, एक आंसर कहा हुए दुई सौ का गुड़ा कर एक बटा एक हजार फ है ना तो दु सौ ग्राम बराबर हो जाए दुई सौ गुड़ा एक बटा एक हजार दो जीरो फे दो जीरो निपट जाएगा दो पंचे दस एक बटा पांच जीरो पॉइंट टू आंसर होगा तो यू कैन से सिक्स सी आंसर है सिक्स सी सही है भूपेश कुसुम सोनकर सागर यादव सोनम दुबे प्रियांशु अमेजिंग बॉय इसे बहुत प्यार से देखो एकदम दिल से एक एक अक्षर पकड़ पकड़ के पढ़ो क्या लिखा है स्क्रीन शॉट लेके रख लो भैया अब ये मत पूछना कि इसका अगला पार्ट व काहे को नहीं मिल रहा यूट्यूब पे कुछ लोग एकदम अकल के अंधे और आंख के बहरे होते हैं वो सब कुछ देखेंगे फिर कहेंगे एक पार्ट व काहे ना मिलता है तुम नहीं देखते हो तो हम क्या करें ये नहीं मिलेगा लाइव के बाद सात नंबर में जवाब दीजिए जल्दी करें सात नंबर में जवाब दीजिए बहुत अच्छा वेरी गुड चलो भाई आगे बढ़े सेवन में क्या होगा पांच सौ ग्राम में कितना केजी चलिए जल्दी जवाब दीजिए सेवन ए सेवन बी सेवन सी क्या होगा सबसे पहले अगर इसमें कोई जवाब दिया है देखो एक बार करोगे कमेंट कुछ लोगों को लगता है हम ऐसे लिख देंगे ए, 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 तो हमारे कमेंट जरूर पढ़ेंगे उनका कमेंट ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है हम तक दिखता नहीं है बहुत अच्छा भाई साहब ग्राम में बदलना है ग्राम में है केजी में बदलना है तो एक बटा एक हजार से कर बाई गुड़ा दो जीरो दो जीरो निपट जाएगा एक का बचेगा यार दू जीरो कटेगा यहाँ ज्यादा गड़बड़ कर ना करो ना दो जीरो कटेगा दो ठीक ये इतना बचेगा एक बटा दो जीरो पॉइंट पांच के जी आए हो भैया सात में ए सही है सात ए किसी को कोई डाउट नहीं नीतीश सोनी आ रहा समझ में आठवां नंबर में आ जाओ चाचा फिर चलो हम्म जल्दी करें जल्दबाजी नहीं बहुत जल्दी करें चलिए एक लोग का ना लव हो रहा है एक लोग से पता है एक कमेंट में लव हो रहा है बस उनको अब उनको मैंने ना 1800 सौ सेकेंड के लिए ब्लॉक कर दिया है चलो एक सवाल बन गया अभी एक थोड़ा सा रंगीन मिजाज टाइप का लड़का आया था पढ़ने के लिए उसने किसी को लव यू बोल दिया और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया 1800 सौ सेकेंड के लिए तो बताओ कितने मिनट के लिए ब्लॉक किया जवाब दीजिए अभी वो समझ गए जिनको मैंने किया कितना मिनट के लिए ब्लॉक किया है जल्दी करिए अभी कन्वर्जन ऑफ यूनिट में टाइम का कन्वर्जन भी पढ़ेंगे आरती सिंह जी बिल्कुल ठीक है बता भाई ये क्वेश्चन बन गया वो भी बता दे जिसको ब्लॉक किया है अच्छा एक दिन मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था क्या पता है कि सब लोग कहते हैं माँ बाप ने सिखाया टीचर ने सिखाया है कि हर किसी से प्यार करो प्यार फिरो रहो लेकिन जब मैं हर किसी से प्यार करता हूँ तो मेरी वाली मुझको बहुत मारती है इसका क्या बात है कहते तुम हर जगह लगे रहते हो तो फिर ये हर किसी से प्यार करने वाली उम्र कब होती भाई अब आप लोग आंसर बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर हम्म 5 एम में कितना ग्राम होगा चलो देखो समझो भाई साहब mg और ग्राम पहले बात तो ये बताओ कि एक ग्राम में कितना एम होगा एक ग्राम में कितना एम होगा? होगा ठीक है अठारह सौ सेकेंड में छह से भाग करोगे तो 18 अठारह उसका आंसर बता देता हूं तीस मिनट के लिए ब्लॉक किया गया था ना आधे घंटे के लिए मिली फेंटी डेसी ग्राम एक हजार एम होता है एक ग्राम एक हजार एम जी? तो क्या होगा एक ग्राम तो जान लिए एक एमजी एक बटा एक हजार ग्राम तो ये चूंकि एमजी में है इसको ग्राम में चेंज करना है तो क्या करेंगे एक बटा एक हजार से गुड़ा करेंगे ए भाई ऐसे तुम सीधा सीधा जीरो बदल लो ना यार जीरो पॉइंट जीरो जीरो पांच आएगा आ? सही है इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है ना हम्म क्यों सही है कि गलत है यार रुको एक बार फिर से देखो चलो एक तरीका तो ये हो गया अगर इसे आपने दो सौ कर लिया तो आप दशमलव में भाग करोगे तब भी वही जाएगा सीधा सीधा लिखो काहे को काटो पीटोगे हटाओ सही है जीरो पॉइंट जीरो जीरो पांच इसमें कोई भी सही नहीं है आठ नंबर में डी वाला सही है कुछ लोग बी बता रहे हैं बी कैसे होगा यार हम्म देखो ये सीरीज सबको पता है अभी जो मैंने बनाया था मिली डेसी और ग्राम ये पता है ना अगर इनकी काउंटिंग करो तो एक दो तीन चार नंबर पे है चार में से एक कटाओगे तीन यानी एक ग्राम में एक हजार एम होता है तो एक एम में क्या होगा एक बटा एक हजार ठीक है पांच से भाग दे लिया बढ़िया चलो आगे बढ़ो हो गया नौ नंबर में आगे बढ़े देखो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो रेगुलर क्लास में आते हैं जो ऐसे कभी कभी भूल भटक के आ गए हैं उनके पल्ले नहीं पड़ेगा रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है मैथ नहीं आती है हम गारंटी लेते सिखाने की लेकिन अगर आपका एक ही दिन जोश आता है और अगले दिन ठंडा हो जाता है कि हम नहीं पढ़ेंगे अब ख़त्म तब नहीं हो सकता है चलो बताओ कि तीन हजार ग्राम में केजी कितना केजी हो तीस केजी, 3 तीन 300 केजी, तीन सौ के जी जीरो पॉइंट तीन के जी बताओ जवाब दीजिए नाइन नंबर में आठ में आठ है राइट हाँ हाँ इसमें ऑप्शन राइट हो सकता है यार जो लिखा गया उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन था तो एक मिनट रुको जो मैंने आंसर निकाला था यहाँ ये भी गलत नहीं था फिलहाल लेकिन ऑप्शन भी सही था इसमें ऑप्शन भी इसमें सही था ए वाला एक्चुअली जब इसको पांच बटा एक हजार आप करोगे तो इसको डिवाइड करो ना एक बटा दो सौ आएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें ए वाला सही था जैसे दिया था मैंने आंसर अलग तरीके से लिख दिया तो वो मैच नहीं किया बहुत अच्छा नाइन नंबर में कोई जवाब दिया है तो उनका नाम है समृति कश्यप जूही आरू भूपेश अंजलि नीतीश दिलखुश भाई साहब देखो सबको पता है कि एक ग्राम में होता है एक हजार ग्राम के जी जानते हो तो एक बार हां बोल दो इसको फटाफट जानते हो तो तीन हजार ग्राम में हो जाएगा तीन हजार गुड़े एक बटा एक हजार ये भाई एक ग्राम में एक हजार के जी कहापटिया कहाँ जा रही है दादा रुक जाए एक मिनट देखने वाले तो पागल हो जाएंगे आज इसीलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है पूरा देखा करो जो लोग इतने देख के चले जाते हैं वो तो गाते जाके एक किलो में एक ग्राम एक ग्राम में एक किलो है ना तो एक ग्राम में एक बटा एक हजार के होता है देखो सब लोग बोल भी दिए हाँ मतलब मैंने गलत ली दिया तो गलत भी बोल दिया हाँ ये तो भाई चल रहा है चिड़िया उड़ बिल्ली उड़ भैंस उड़ गाय उड़ जानवर उड़ सब उड़ा दे रहे हैं हुँ? चल भैया जाने दो उड़ाने दो तो इनको जब डिवाइड करोगे तीन जीरो से तीन जीरो तो आएगा तीन के जी सो तो इसका आंसर होगा तीन के जी जो टॉपिक है आज ये जिंदगी से रिलेट करेगा आपने कभी ना कभी दूध नाम सुना होगा मिल्क मुझे लगता है कि इंसान की उत्पत्ति के बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है है न उसको मापा किस में जाता है लीटर में एम में उसी की इकाई है है ना तो हम इस समय सीख रहे हैं क्या कन्वर्जन ऐसे ही बोलते है ना इंग्लिश सही ना स्पेलिंग मुझे बताना अंग्रेजी हमारी थोड़ी लचक पचक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट राशि परिवर्तन ना मात्रकों का परिवर्तन जिसमें आज हम लीटर से मिलीलीटर और लीटर से इंग्लिश में लिखा है किलो लीटर से लीटर किलो लीटर से लीटर लीटर से किलो लीटर डेसीलीटर लीटर वगैरह लीटर वगैरह वगैरह ठीक है इसके पहले जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिविजन करेंगे आप लोग एक बार ट्राई करिए उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे चलिए जवाब दीजिए तीन चार क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे फिर हम रेगुलर टॉपिक पे बढ़ेंगे ठीक है चलो भाई जिनको लगता है कि फर्स्ट में ए सही है 3.6 केजी वो लिखेंगे मेरे भैया 1 ए का लिखवा 1 ए और जिनका को लागत आए कि नहीं ये तो गलत है ये ई वाला सही है हुआ तो वन डी लिख देंगे वो बस चलो काजल सिंह आर्या अनार सिंह जावेद अख्तर सहनाज परवीन रोहित पंकज आशीष नैना यादव आलोक कुमार पापा की प्रिंसेस ये इनका नाम है इसके बाद मैं और किसी का नाम नहीं लूंगा चलो बढ़िया है गुड साथियों आप सभी को पता है क्या पता है अरे गधा यही पता है कि पहले सब पढ़ा चुका है बस और का पढ़ाया ना दो क्लास पढ़ाया ना अब तक एक में आपको किलोमीटर से मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर डेका हेक्टा ये सब पढ़ाया है एक में आपको मैंने पढ़ाया ग्राम से किलोग्राम हेक्टोग्राम देसी ग्राम मिली ग्राम यानी एम जी ओमजी जिसमें सोना चांदी तोलते हैं भी सिखाया है ना तो एक के जी में एक हजार ग्राम होता है तो एक ग्राम में एक बटा एक हजार के जी होता है एक बटा एक हजार से इसको क्या करोगे गुड़ा करोगे मतलब सीधा लाइन में कहें तो हजार से भाग करोगे तो तीन अंक पर दशमलव लगेगा और करेक्ट आंसर इज सी यानी वन सी सही सेकंड में एक बार में जवाब दीजिए चलिए जिनको नहीं आता होगा सबर करेंगे तफल्ली करेंगे थोड़ा सा मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये सब होता कैसे है बताऊंगा रुकना जाना नहीं चलो जो ही आरू हाँ कमेंट आपका आ रहा है मिस्टर बात ना करो कोई भी बाबू ठीक है ना नो बातचीत नहीं चलिए एक ग्राम में कितना केजी होता है देखो भैया कहते हैं ना का कि अगर ओ न्यूटन का कोई नियम होता है पड़े हो साइंस वाले कि अगर एक थप्पड़ आप दीवार पे मारोगे ना जितना दिवालिया लागे हाथों में लागे हम्म थोड़ा सा कम समझ पाएंगे इसको चलो समझोगे अभी देखिए वन के में होता है कितना एक हजार ग्राम ठीक है तो एक ग्राम में क्या हो जाता है एक वटा एक हजार के बस यही ठीक है समझ गए ना सभी क्या होता है एक बटा एक हजार बस यानी वही क्या आ जाता है उसका भाग हो जाता है बस ठीक है समझ गए ना कोई डाउट नहीं किसी को चलिए अगला सवाल बताइए नेक्स्ट चले हो गया <coughs> आओ भैया चलो देखो इधर कॉन्सेप्ट बताऊंगा बताऊंगा ये कैसे होता है थोड़ा फिर चलो दो लीटर में कितना एम होता है बहुत अच्छा इसमें अगर कोई जवाब दिया है सबसे पहले अगर कोई जवाब दिया है तो उनका नाम मैं जरूर बोलूंगा और उनका नाम है काजल सिंह मोहम्मद अरसाद राधापाल वेरी गुड हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है ठीक है सब ही पढ़ेगा आइए ठीक है तो एक लीटर में होता है एक हजार एम एल कैसे होता है क्यों होता है कब होता है वो सब बताऊंगा बस एक मिनट में चलो तो दो लीटर में हो जाएगा दो हजार एम एल सो यू कैन से थ्री फीज करेक्ट आंसर हम्म चौरासी लीटर में कितना एम होता है बताइए भाई साहब एक लीटर में एक हजार एम एल वन लीटर इक्वल वन थाउजेंड एम एल सो so, एटी फोर लीटर इक्वल एटी फोर इंटू वन थाउजेंड और गुड़ा कर एकदम आसान है बिल्कुल हलवा है देखा दे। चौरासी का अगर एक हजार में गुड़ा करे कहना भैया बहुत ही मजेदार है तीन ठीक जीरो लिख लिया इसे और एक के गुड़ा कर चौरासी में चौरासी होगा बस खाता हम खिलाड़ी तीन ठीक सुनना चाहिए इसी वाला सही है अब जो तुम तुक्का लगा सकते हो सब में सी सही हो रहा है अब ये सवाल वाल हम आगे फिर करवाएंगे इसको स्क्रीन देखिए प्यार से एक तरफ से पढ़ लीजिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में नहीं जिनको भी फ्री पढ़ना है मेरे यारों वो चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लास को डेली शेयर किया करें रेगुलर शेयर करें खूब दबा के अगला क्वेश्चन पे चलने के पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे आइए कंसेप्ट पहले मैं बताता हूं फिर क्वेश्चन होगा बाद में कुछ लोग मैंने मन करिए आ रहे हैं मार लंबा लंबा फेंक रहा है पता नहीं कहाँ कहां से आ रहा है कुछ बुझात ना है ना देखो दिख रहा है एम एल हिंदी में लिखा भैया मिली सेंटी डेसी लीटर डे का हेक्टो किलो देखो यहां पर एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं लिक्विड का जो यूनिट है उसका कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम हर जगह लगाएंगे लास्ट में लीटर ठीक है ज्यादा ऊपर चला चलाई चलो तो मिली के बाद क्या लीटर मिलीलीटर सेंटीलीटर सेंटी डेफी लीटर और लीटर तो लीटर है इसके आगे लीटर लीटर नहीं लगाएंगे ठीक है डेका लीटर हेक्टोलीटर एंड ये किलो लीटर ऐसा जुगाड़ बता दे अब तो काना गुरु आज की बात कब भुलावा ना तू चाह के ना बुला पागा ठीक है भुला ना सकोगे तुम हमें भूल कर भी ख्यालों में मैं याद आता रहूंगा देखो कैसे ये मैं नहीं गा रहा हूं ये गाएगा देखो जैसे अधिकांश जो जरूरी चीजें हैं जैसे हम लोग पानी दूध तेल ये सब जिंदगी में यूज करते हैं है, है ना उनकी माप लीटर में होती है अगर आप लोग में से कोई मस्टर्ड आयल सरसों का तेल खरीदा है दुकान से तो बॉटल में अगर पीछे पलट के देखोगे ध्यान से ऐसे तो लिखा रहता है वन ऐसे यल इक्वल या बराबर कुछ भी उसमें कामा वमा लगा के ग्राम में भी लिखा रहता है एक लीटर में वहां पर वो एक हजार ग्राम नहीं देते हैं तेल कोई जानता है क्यों हुँ? देखो ग्राम अलग चीज है मैंने बताया ना ठोस वस्तुओं का वजन करने के लिए अधिकांशतः ग्राम किलोग्राम ये यूनिट यूज करते हैं लेकिन लिक्विड को लीटर मिलीलीटर में ऐसा नहीं है कि जो लिक्विड है उसको लीटर मिलीलीटर में ही माप करते हैं किलोग्राम में भी करते हैं लेकिन फिर वहां थोड़ा सा पेज उल्टा पुलटा हो जाता है वो बाद में बताऊंगा जैसे एक लीटर जो पानी का बेट है कुछ अलग हो सकता है लीटर पेट्रोल का वजन कुछ और होगा एक लीटर सरसों का तेल का वजन कुछ और होगा क्यों क्योंकि उसमें डेंसिटी करती घनत तो ऐसे बोलते ना वो सब बात बात करेंगे आगे की बात है अभी, बेसिक बेसिक पहले चलिए ना हुँ? देखो भैया आगे देखो पहले समझा 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 बात ना कर रखे देखा तो अधिकांश ये पूछा जाता है कि एक लीटर बराबर एक लीटर नहीं यही हाँ लिख लो पहले एक लीटर में कितना एम एल पहले का देखा वन लीटर में कितना मिलीलीटर बताइए हम मानते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है तुमको भी कुछ नहीं आता है जिंदगी में इसको जरूर मान के चलना कभी ये मत सोचना कि हमें सब आता है हम तीस बार खान है नहीं जिंदगी ऐसे चलती है हमेशा इंसान सीखता है और सिखाता है एक गदहे से भी सीखा जा सकता है सड़क पे मंदिर के सामने रोड पे कहीं भी उल्टा पुल्टा जगह में एक भिखारी भी बैठा पड़ा है ना उससे भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो उसकी सहन शक्ति से सीख सकते हो इस सर्दियों में जब आप खिड़की नहीं खोलते हो घर की वो वहीं एक चद्दर कम्बल में या कुछ भी नहीं रहता पड़ा रहता है पूरा रात सीख सकते हो ना उससे इतना कि नहीं सबर करना मजबूरी का ना देखो चलो उस पर बाद में बात करेंगे कहोगे तो ये सब फालतू बात है देखो एक लीटर में एक हजार एम होता है अभी बताया था कैसे होता है देखो लीटर यहां है पहले इनकी काउंटिंग करो एक सात है ना ये टोटल, मिली फेंटी डेटर डेका हेक्टो किलो लीटर ग्राम वाले में करोगे तो मिली फेंटी डेसी ग्राम और डेका हेक्टो किलोग्राम हर जगह ग्राम ग्राम कर दोगे अगर आप दूरी के बारे में इसको यूज कर रहे हो यानी डिस्टेंस तो आप हर जगह मीटर यूज कर दोगे ठीक है तो ये हो जाएगा मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, फिर मीटर डेका मीटर किलोमीटर किलो मतलब ये सातों वही रहेंगे सिर्फ इधर वाला चेंज होता बस आइए हमें लीटर से किस में चेंज करना भाई साहब मिलीलीटर में लीटर वाला नंबर कितना है फोर है मिलीलीटर वाला कितना नंबर पे है वन पे है इनको घटाया भैया तीन, तीन आवा तीन ना अभी काम वन। और तीन आ रहा है तो तीन बस रटना नहीं है कभी रटना की जरूरत नहीं लगेगी याद करना ही नहीं पड़ेगा ठीक चलो आगे जो ज्यादा यूज होता है दूसरा वन किलो लीटर वन किलो लीटर में कितना लीटर बताओ हम्म देखो बहुत आसान है किलो लीटर वाला सात नंबर पे है लीटर वाला चार नंबर पे है इनमें से घटाओ तो तीन आएगा यानी के बाद में तीन जीरो लगाना है लीटर कहोगे सब में एक हजार होता है का नहीं बताऊंगा अभी ये सब में ऐसा नहीं होता है छाप लो फटाफट भैया छापो जाबेद आपको ब्लॉक किया जाएगा आपका बहुत जा रहा है ओवर हो रहा है कुछ ज्यादा अति हो गया है काजल आर्या को भी ब्लॉक किया जाएगा परमानेंट आइए ठीक है यहां से आपको याद करके चलना है सारी चीजें समझ के यहां थोड़ा सा उल्टा मैटर देखना वन मिली लीटर में समझना यहां से यमयल में कितना लीटर भैया वन मिली लीटर में कितना लीटर क्या तुम्हें लगता है कि लीटर को ही मिली लीटर में बदला जाएगा नहीं मिली लीटर को भी लीटर में बदला जाएगा हम्म हम्म होता है होता है दोनों तरफ इधर से उधर इधर से उधर तो आइए यहाँ जुगाड़ वाला बात बताता हूं भाई जुगाड़ वाले में क्या है हमें यमेल लीटर में चेंज करना है तो हमारा एरो इधर को आएगा आए वन से फोर में जा रहे हैं तो वन से फोर घटाओ भैया माइनस में आएगा ना बबुआ माइनस का तीन जब माइनस आएगा ऐसी कंडीशन में यहां आप वन अपान वन लिखोगे अभी तक हम वन लिखते थे जीरो लगा देते थे ऊपर ना ऐसा नहीं करेंगे अगर माइनस में गिनती आ रही उल्टा घट रहा है तो ऐसे करेंगे और नीचे उतने जीरो लगाएंगे जितना माइनस है तो एक एम में कितना हो जाएगा एक बटा एक हजार लीटर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो मुझे नहीं ना आगे बढ़े रोहित को ब्लॉक कर दिया गया पांच मिनट के लिए <coughs> रूबी तिवारी जी नमस्ते गुड्डी यादव धीरज कुमार राखी कुमारी आया समझ में तो सब भाई समझ गया ना भैया चलो ना समझा भाई और समझा ठीक है तो मैं इसको मिटा रहा हूं लिखना लिख लो फट से इसको मिटा रहा हूं आइए अब ये बताइए मुझे ये जो मेन मेन तो आप समझ रहे हो ये बताइए एक लीटर में कितना किलो लीटर होता है हो एक लीटर में कितना किलो लीटर एक लीटर में कितना किलो लीटर चलो गुड वेरी गुड बहुत अच्छा देखो लीटर से किलो लीटर यहां समझना लीटर चार नंबर पर है किलो लीटर सात नंबर पे है हमें चार में से सात सब करना है माइनस तीन आएगा पहले वन अपान वन लिखोगे नीचे तीन जीरो लगाओगे यानी कितना एक बटा एक हजार किलो लीटर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो भैया केल किलोलीटर देखो एक मतलब क्या है बताता हूं तुम्हें समझो ये कैसे होता है देखो एक्चुअली बात ये है कि अगर यहाँ चार जीरो है तो एक हम चार लिख सकी थे सब एक पता है समझना फिर अब घातांक का एक नियम होता है अगर आपने पढ़ा हो बचपन में जिंदगी में कभी ऐसे वाला पढ़े हो ऐसे होता है अगर ये घात प्लस में है बटे में चली जाती है तो माइनस में उसे हम लिख सकते हैं और अगर वो माइनस में है बटे में जाती है तो प्लस में हो जाती है बस इतना सा ठीक है जी बहुत अच्छा बात है कि आप पहली बार क्लास में आई हो वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत है आपका यशवंत गोस्वामी आकाश सिंह हाँ आया है सब चलो ये समझ में आया तो इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसी में से ही सीखते हैं कुछ इसमें नया नहीं है यार सब समझ में आएगा ना भैया पक्का एकदम झूठ बोला बिल्कुल भी झूठ कौआ काटे और काटे से डरी हो हाँ चलो अब आगे बढ़े ठीक है भैया चलो चलो, चलो 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 भाई चलो 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 तो ये मिलीलीटर से लीटर में लीटर से मिलीलीटर में लीटर से किलोलीटर किलोलीटर से लीटर यही पढ़ा अब तक क्योंकि ये फेमस है चर्चित है ऐसे लोग भी हैं जो चर्चा में नहीं रहते हैं जैसे इधर देखो गांव के बड़े बुजुर्ग ये कम चर्चित रहते हैं इनका यूज भी बहुत कम ही होता है एक लीटर में कितना डे का लीटर बताओ बताइए एक लीटर में कितना डेका लीटर समझना सभी को समझ में आ रहा है ना न? एक लीटर में कितना डेका लीटर चल भैया आओ तो एक लीटर चार नंबर पर है समझना डेका लीटर पांच नंबर पर है लीटर फिर डेका में जा रहे हैं मतलब चार से पांच में जा रहे हैं माइनस वन आ रहा है माइनस वन आ रहा है तो मैंने बताया अगर माइनस में आएगा तो भाई साहब यहाँ वन अपान वन लिखोगे तुम और एक क्या आ रहा है माइनस में ना तो एक का जीरो लगाओगे तो एक लीटर में एक बटा दस डे का लीटर या यू कैन से इतना इक्वल इतना ये माइनस वन ऐसे भी आप लिख सकते हो दोनों बातें एक है मीरा गुप्ता समझ में आ रहा है राखी कुमारी अपना टोला इनका नाम है आ रहा है तो ये हो गया खत्म खिलाड़ी अब मुझे लगता है कि यार आप लोग सीख भी गए होंगे ना पक्का सीख गए इसको मुझे फिर लिखना पड़ेगा पूरा इसलिए मैं काम करता हूँ का? मैं काम करता हूँ इनको सबको मिटा देता हूँ स्क्रीन शॉट ले लो आप सभी स्क्रीन शॉट ले लो इनको मिटा देता हूँ अब चलो मुझे ये बताओ आप सभी फटाफट एक फेंटी में बताइए एक फेंटी में कितना मिलीलीटर बताओ एक फेंटी में कितना मिलीलीटर बताइए जवाब दीजिए जीतू कॉमेडी कलेक्शन जी नमस्ते और कैसे हैं जी आप सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी ढर्रे पे चल रही ना हम्म आइए ठीक है एक फेंटी लीटर में कितना एम एल चलो भैया आ गए फेंटी लीटर से फे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है सो मैं सही जा रहा हूं हुँ? दो से एक में जा रहा हूं भैया माइनस में नहीं आएगा <coughs> जीरो भी नहीं आएगा वन आयोग तो वन के बाद क्या है जितना यहां गिनती आती है उतना जीरो लगाते हैं एक वेंटिलेटर में दस एम एल ठीक है सुनीता गुप्ता बहुत अच्छा कौन दिक्कत ना कहू के, के नहीं तो ये बताओ एक और सवाल कि एक डेफी लीटर डेफी लीटर में कितना लीटर जल्दी करिए ठीक है गुड है बहुत है अच्छा है डेफी लीटर तीन पर है और लीटर जो है वो चार पर है तो भैया तीन से चार घटाओगे। बाबू माइनस का एक आएगा माइनस में आ रहा है तो वही पुरानी कहानी फिर से करोगे जो अब तक करते करते आप बुढ़ाने हो वन अपन वन लिखोगे चूंकि डेफी से लीटर में जा रहा एक कट ही है तो एक जीरो डेफी so, लीटर बराबर आपका ओ, का पावर माइनस का वन एक चीज याद रखना जी इसको ऐसे ही लिखना शुद्ध है और ऐसे लिखना ये थोड़ा कम सही है क्यों क्योंकि जब एक से अधिक गिनती हो जैसे मान लोते इस, अगर घात दो लगाया तो ये हो सकता है पॉसिबल कि दो पे घात ना हो सिर्फ तीन पे ही हो लेकिन अगर इनको एक ब्रेकट में बंद करके ऐसे लगाओगे तो किसी की औकात नहीं कि वो कह दे कि ये घात सिर्फ तीन पे है क्योंकि वो बाप की बकौपति हो गई क्या बोलते हैं तो दोनों को मिलेगा पंकज मिश्रा जाहिद अंसारी सबका कमेंट आ रहा है कॉल पर रिस्पांस नहीं मिल रहा इस समय हमारे टेली थोड़ा सा थके हुए चल रहे हैं मिलेगा जल्दी मिलेगा आइए चलिए सवाल करते हैं छोड़िए वो सब लफड़ा फाइव पे जवाब दीजिए फाइव ए फाइव बी फाइव सी क्या कहते हो आप बताओ चलो बताइए बढ़िया किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं सब समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अगर आपकी आज्ञा है तो। है तो ठीक कह रहा सात हजार ml में कितना लीटर होगा तो बहुत है अच्छा है भैया ये सवाल पहले तो हम ये जाने कि एक लीटर में कितना ml होगा ये तो सबको पता है एक लीटर में एक हजार एम एल सो वन एम एल इक्वल वन अपान वन थाउजेंड लीटर हा तो भैया हो सात हजार एम एल है यहाँ लिखवाइ चूंकि वन एम एल इक्वल वन अपान थाउजेंड लीटर सो uh, so, सेवन ml एम एल इक्वल सेवन थाउजेंड इन टू वन अपान वन है को यार लीटर में बदल रहे हैं भाई साहब लीटर रहेगा लास्ट में लीटर तीन जीरो से तीन जीरो निपट गया तो सात लीटर आएगा ये तरीका था लंबा वाला जो बताया बाकी आंसर वैसे लिख सकते हो तुम आशीष कुमार रोशनी लोधी गुड्डू सोनम दुबे सुधीर सोनी सुधीर जी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए नाम बोलना है तो राम राम चलिए अपना घर में कुछ काम दाम देखिए यहाँ वो करने नहीं आए नाम बोलने माइक लेके हाँ भाई फलाने की तरफ से एक सौ एक रुपए का दान दिया गया है भगवान को सुख शांति प्रदान करें ये नहीं हो रहा यहाँ पे चलो आंसर बताओगे पहले तो बोलेंगे सिर्फ आंसर बताओगे तो बस हो गया ये बढ़िया तो सिक्स नंबर में जवाब दीजिए सिक्स नंबर में जवाब दीजिए अगर आपको लगता है कि चालीस हजार में चालीस लीटर होता है तो आप कमेंट करेंगे सिक्स बी अगर आपको लगता है नहीं ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो चार लीटर होता है तो आप लिख दो सिक्स ए बाकी और ज्यादा लग रहा है तो उधरे वाला देखो चलो किसी को दिक्कत हम्म देखिए आप लोग क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं मजा आ नहीं रही है हम एक नया बैच फिर से ले आएंगे फिर ये बैच और पीछे चला जाएगा इसलिए आप खूब दबा के शेयर करिए निवेदन है आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपके घर में दो मोबाइल फोन है दोनों में रिचार्ज है तो आप वीडियो को दोनों में चलाएं भले एक में पढ़ें निवेदन है आपके घर में भैया भाभी मम्मी अंकल आंटी दादा दादी किसी का मोबाइल है जो रात में इंटरनेट बचा है यूज नहीं करता है तो उसमें भी चला दिया करें भले आप ना पढ़ें सब्सक्राइब कर दें और चला दें लाइक कर दें जिससे संख्या बढ़ेगी क्योंकि इस महंगाई में इस दौर में कोई फ्री में कुछ करता नहीं है तो मैं फ्री में कोशिश कर रहा हूँ इस कोशिश को हारने मत देना आप बस इतना करना है आपको और हा मैथ में अगर आपको बड़ी शर्म लग रही ना ये गुप्त रोग जैसे महसूस हो रही ना तो वो हम दूर करते हैं बिल्कुल चुप के तरीके से कोई जान नहीं पाता है आपको सिर्फ चुप्पे से आगे मोबाइल में पढ़ना है जैसे तुम मोबाइल में देखते हो हो को कोई जानता नहीं क्या देख रहे किससे चैट कर रहे हो किससे बतिया रहे हो तो वैसे चुप्पे चुपे मैथ पढ़ लो कोई नहीं जान पाएगा चलो देखो एम एल से लीटर में कन्वर्ट करना है चूंकि हमें पता है इक्वल होता है लीटर ठीक है तो इसलिए क्या होगा चालीस हजार जो एम एल है एक भैया भाग के दे बा एक हजार फे तो तीन जीरो से तीन निपट जाए बराबर जाए, चालीस लीटर शुद्ध आंसर यही है ऑप्शन नंबर बी सही है बढ़िया चलिए आठ नंबर जवाब दीजिए सात नंबर क्वेश्चन यहाँ कहीं नहीं है वो गया ससुरारी है भाई आठ नंबर बताओ गुलशन निषाद आवाज आ रही है आपकी मीन्स कमेंट आ रहा है हम्म बढ़िया है गुड है बहुत अच्छा है चल भैया आ गया सब भाई जने चलो बल्ले आया तीन लीटर और बीस एम ये थोड़ा अलग तरीका का है इसमें लीटर और एम दोनों है और फाइनली आपको एम में कन्वर्ट करना है तो पहले दुओ पार्ट अलग अलग कर लेंगे तीन लीटर यल मतलब लीटर कुछ और मत समझना बीस एम भैया देखो टोटल हमें एम में ले जाना है मिली लीटर में तो हमें पता है एक लीटर में एक हजार एमएल तो तीन लीटर में तीन हजार एमएल और प्लस ये बीस एम एल तीन हजार में बीस जोड़ दोगे भैया हो तो आ जाएगा तीन हजार बीस एम एल और सो द ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई ये सी वाला आठ में सी सही जिनको जाना है चुप पे से खिसक लो कमेंट ना करो हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं अरे जाना कौन पकड़ा है तुम्हें जा नहीं पढ़ना बर्बाद कर ले अपनी जिंदगी जाके कच्चा बादाम देखो और आज हमारे एक साथी बजा रहे थे गाना वो कौन सा बुलेट पे चीजा क्या बुलेट पे जीजा जानते हो तुम लोग सुने होगे ना अरे हम लोग जा रहे थे कहीं बारात तो वहाँ पे बड़ी पसंद का था उनका तो बजा दिए हमने कहा यार गजब का चीज बजाया तुमने तो मैंने तो पहली बार सुना है देखना चाहिए इसे तो कैसा है तो चाहे वो सब देखो उसमें सबसे मजा आएगा ये मजा थोड़ी आ रहा है, है तो वैसे दिमाग कद ही बनाते हैं हम चलो आगे बढ़े अच्छी चीजें कभी अच्छी लगती नहीं है और जो अच्छी लगती है अक्सर वो अच्छी होती नहीं है तो इस बात को समझो जिंदगी यही है तो नाइन नंबर में जवाब दीजिए नीमन कोई बताएगा नाइन ए नाइन बी नाइन सी क्या आएगा बताइए जवाब दीजिए कुमार मैं सामने से हट जाता हूं ऐसे ऐसे डोलता रहता हूं जैसे आपको लगे कि यहां दिख रहा है पूरा चलो आस्था डेंटल क्लिनिक आ गए हैं डॉक्टर साहब आप चलिए तो ठीक है ये लीटर है इसको एमएल में चेंज, चेंज करना है कन्वर्ट करना है एक हजार से भाग करोगे एक हजार से भाग करोगे चार गिनती है तीन गिनती में वाला हम है, टू पॉइंट फाइव फोर जीरो तो भैया कौन सा नौ में सी नंबर लिखा दस नंबर में जवाब दीजिए फटाफट चलिए टेन नंबर में जवाब दीजिए पंकज मिश्रा कृष्णा यादव ठाकुर ऋषि चौहान अरविंद यादव आस्था डेंटल क्लिनिक जी बहुत बहुत ढेर सारा दिल से धन्यवाद मतलब बचा हुआ सारा धन्यवाद आप ही को दे दिया मैंने अब चलो पढ़ लो ये के एल है केएल मतलब कल्लू राम नहीं किलो लीटर जहां तक हमें पता है क्या मतलब ये किलो लीटर ठीक है जैसे एक लीटर में एक हजार एम होता है वैसे एक किलो लीटर में एक लीटर होता है अभी पढ़ाया था दिखाया था ना दिखाया था ठीक है हमें में करना है। तो तीन, किलो में तीन हजार लीटर हो जाएगा और तीन हजार में तीन सौ जोड़ दोगे तो तीन हजार तीन सौ लीटर होगा आंसर एक सही नहीं है का यार तीन हजार तीन सौ सही होगा एक ऑप्शन नहीं सही है सगरों गलत है तीन हजार प्लस का तीन सौ तो हो ही जाए भैया तैतीस सौ एक नहीं सही है चलो <coughs> ग्यारह नंबर में बताओ एक किलोलीटर में कितना लीटर होता है जवाब दीजिए बहुत अच्छा अभी अभी बताया जस्ट वन थाउजेंड लीटर एक हजार लीटर चलिए फटाफट इसको छापिए ये बैच YouTube पर बिल्कुल फ्री होगी अगर आप इसको लाइक और शेयर करेंगे अगर नहीं करेंगे तो इसमें तेरह घंटा मेरा कुछ नहीं जाता और मैं एक नया बैच चलाता और फिर पूरा मामला पलट जाता समझ रहे हो हो फिर कहोगे कि काहे को बंद हो गई वाली बैच काहे को बंद हो गई क्योंकि तुम पढ़ना चाहते नहीं रात में तुम कुछ और करना चाहते हो दिन में डाउनलोड करना चाहते हो वीडियो जो हम होने नहीं देते हैं तो लाइव आओ रात नौ बजे से और लाइक शेयर करिए फटाफट चलिए आगे बढ़े तो सभी को इतना समझ में आ गया तो एक बार बोलो हाँ यस सब बढ़िया है हम्म बढ़िया है आया सभी को समझ में कि नहीं टाइम मुझे लगता हो चुका है आज टाइम ओवर हो चुका है इसके पहले जो पढ़े हैं उसमें जवाब दे दीजिए सोना चांदी वाला चलिए सवाल है ये बताओ सभी भैया कि अगर हमारे पास दस ग्राम चांदी है दस ग्राम और हम उसका एम में कन्वर्ट करें तो कितना एम होगा मिलीग्राम में बताइए सोना चांदी और अन्य बहुत ही महंगी जो धातुएं हैं उनको मिलीग्राम में ही चेंज करते हैं नॉर्मली मतलब कन्वर्ट करते हैं यानी उसी में उसकी तौल माप करते हैं क्योंकि कोई ग्राम या किलो में नहीं खरीदता है आपने सुना कि कोई दो किलो सोना की अंगूठी बनवाया नहीं और ग्राम के नीचे भी जाते हैं लोग पता नहीं क्या क्या होता है उसमें तोलते हैं ठीक है पुनीता यादव बहुत अच्छा सौरभ गुलशन रूबी तिवारी बहुत अच्छा चल भैया तो एक <coughs> देखना ग्राम मिली फेंटी डेफी ग्राम बताया था ना फिर डेका हेक्टो किलोग्राम बताया था कोई कह रहा एक हजार कोई कह रहा है दो हजार कोई कुछ कह रहा है कहते रहो ना मिली फेंटी डेफी डेका हेक्टो किलोग्राम ठीक है तो हमें क्या करना है ग्राम मिली फेंटी डेफी ग्राम हिया फिजाना है यहां ऊपर भाई साहब एक हजार होगा हो का एक में एक हजार होता है दस है ये तो दस गुड़े एक हजार एक ग्राम में एक हजार मिलीग्राम, तो दस में क्या होगा दस फे गुड़ा करोगे इसमें दस से में एक हजार में तो दस हजार होगा एम जी कितना दस हजार एम जी ये बताइए कि अस्सी से नब्बे के बीच में कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं? चलो जवाब दीजिए अस्सी से नब्बे के बीच में कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं जल्दी करें जल्दबाजी नहीं बताइए कौन कौन सी हैं वो संख्याएं वो बताओ आफी से नब्बे के बीच में अभाज्य संख्याएं बताओ जैसे अस्सी अभाज्य है क्या बताओ दिखाता है सब एक दिखाता है पक्का चला फिर बता दिया फिर एक दम पे अफी फे नब्बे के बीच में सब की आवाज संख्या बताइए बताइए बहुत अच्छा एक ही आठ अरविंद कृष्णा सोनम बढ़िया बोल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ बस वही एक बात जो है मुझे याद मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं बाद में बताऊंगा चलो तो इसमें जो अभाज्य संख्याएं हैं वो मुझे जहां तक लगता है वो एट्टी थ्री है और एट्टी नाइन है और कोनो अभाज्य नहीं है सब भाज्य है ना सोनम दुबे जी बिल्कुल सही वेरी गुड शालिनी यादव पुनीता यादव पुनीता गलत है आपका क्लास में रोज आओ ना कभी कभी नहीं कभी कभी नहीं कभी कभी मेरी जिंदगी में ख्याल आता है जिंदगी में नहीं मन में बाकी बीच में कहा जाता है वो जाता है उसको पकड़ के लेके आओ देखिए थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा ऐसी संख्या या भाज्य होती हैं जिनका फैक्टर यानी गुणनखंड सिर्फ वन हो और वो खुद हो बाकी और कोई ना हो एक वो हो या तो वन हो बाकी कोई ना हो जैसे किसी ने अगर बहुत अच्छी करोड़ों की संपत्ति बना रखा है तो उसका उत्तराधिकारी उसका मालिक या तो वो खुद होता है तो उसका बेटे होता है बाकी कोई और नहीं होता है ना एक से अधिक लड़के हैं तो क्या करेंगे नहीं चलो चलना मत पूछा करो चलो तो एट्टी वन जो है वो अभाज्य नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर वन है तीन है सत्ताईस है क्या है सतासी भी अभाज्य नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर वन है तीन है सतासी है यही कारण है कि ये अभाज्य नहीं है जो लोग बता देते हैं इनको अभाज्य। चट्टे पट्ट में ठीक है रोहित कुमार चुपचाप पढ़ाई कर लो नहीं तुम्हें परमानेंट ब्लॉक कर देंगे समझ रहे हो पढ़ना तो तुम्हें है नहीं मुझे लगता नहीं पढ़ना है कहे को मेरा दिमाग का बचा हुआ भी खत्म कर रहे हो ये आएगा क्लास में या तो सबसे बात करेगा एक बार बोल दिया आप सॉरी 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 मतलब जब तक पढ़ाऊंगा तब तक पढ़ना नहीं सवाल एक बताना क्या ही कहूं इनके माँ बाप ने जो गलती किया उसे सब भोग आगे बढ़े कोई दिक्कत आज पढ़ेंगे सजातीय है, है पद क्या पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ठीक है बीजगणित यानी अलजेबरा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर तो आपका वही है आगे नंबर जो भी चल रही थी उसके आगे कौन सा ट्वेंटी फोर नंबर ट्वेंटी फोर नंबर है विंटर बैच सिंपल नंबर तो आप सबको पता होगा जोड़ना घटाना गुड़ा भाग हम्म कुछ नया देखेंगे आज ये चर पद किसे कहते हैं समझिएगा जिसे इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं अलजेब्रा बिल्कुल स्टार्टिंग से है कुछ थोड़ी सी आवाज जो है या सिस्टम आज थोड़ा लैग कर रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग करना होगा तो मेरी आवाज आ रही है, तो आगे बढ़े एक प्रकार से अब ये क्लास शुरू हो रही है साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक बार सिर्फ एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना और ये आपका जो है क्लास नंबर ट्वेंटी फोर होगा विंटर बैच का आज आप पढ़ेंगे अलजेब्रा मेरी आवाज आ गई तो एक बार सभी हाँ बोल दें फटाफट अलजेबरा बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एकदम शून्य से मतलब यह समझ लीजिए कि जिनको गणित में कुछ भी नहीं आता है उनके लिए अलजेबरा बिल्कुल आज स्टार्ट होगा ठीक है एकदम शुरू होगा आपसे ट्वेंटी फोर नंबर आई है विंटर बैच थंबनेल चेंज हो चुका है जैसे यक्ष में यक्ष जोड़ें तो क्या होगा आज यही सारी कहानी होने वाली है आइए टॉपिक क्या होंगे चर व आचर पद जिन्हें इंग्लिश में वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोलते हैं पद पढ़ेंगे लाइट एंड लाइक टर्म्स प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना एकदम पद किसे कहते हैं दिव्यांशी कमेंट आ रहा है काजल सिंह नैना यादव रितेश कुमार अभय कुमार अक्षय सौरभ लौकुश साक्षी यादव माही जूही आरु सनी कुशवाहा आओ चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं वेरिएबल यानी चार पद यहां पर जो लिखा गया है ये तो एक अलग चीज है हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कहना कि जिसका मान जरूरत या आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है उसे हम चार पद कहते हैं जिसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में मतलब यार कहते हैं अपनी जरूरत के अनुसार बदल जाए जो है ना वही क्या कहते हैं उसको चरपद कहते हैं चर को किसी भी अक्षर से प्रदर्शित किया जा सकता है जैसे कि हम किसी संख्या की जगह या एबीसी लिख सकते हैं ठीक है इसे हम मोटी मोटी भाषा में अगर आपको साफ साफ बोले तो जो चरपद होते हैं साथियों वो से लेकर के जेड तक होते हैं ठीक है इनके गुण प्रगुण की तरह आप यूज कर सकते हो कि चरों की कुल संख्या छब्बीस होती है कितनी छब्बीस होती है ठीक है राजेश समझ में आ रहा है अमन सभी को आ रहा है आशीष पीबीआर स्टडी ऐप में आज से एक नया बैच आया है न्यू बैच आया है उसमें ज्योमेट्री अलजेब्रा अर्थमेटिक सब पढ़ाया जाएगा चलो तो देखो आगे पद समझ गए सभी की नहीं तो कोई भी जो भी वेरिएबल है सभी पद है जैसे ए लिखा यह क्या पद है सी लिखा यह पद है लिखा क्या है क्या पद है यच ये भी पद है आई टी वी जेड वाई कोई भी लेटर जो ए से जेड तक आप जानते हो सभी क्या पद जिन्हें इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं ये जरूरत के अनुसार चेंज हो जाते हैं हम्म इनके मान फिक्स नहीं होते हैं इनके मान सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं देखिए कैसे जैसे यक्ष इक्वल तीन वाई धन पांच यहां पर यक्स का मान साथी मेरे वो स्वतंत्र नहीं है मतलब चेंज हो जाएगा ये वाई पे डिपेंड करता है कुछ समझा कि नहीं पांच नहीं बदलेगा कभी मरते दम तक नहीं बदलेगा ये बिल्कुल ईमानदार है वफादार है कुत्ते से भी ज्यादा वफादार है बट ये दो के बाद इनके मान चेंज हो सकते हैं चेंज हो सकते हैं अगर आप वाई का मान दो रखते हैं तो तीन दुना छह पांच ग्यारह हो जाएगा समझना यहाँ पे क्या हो गया ग्यारह आगे देखना देखना इसको देखा ना ठीक है ये ग्यारह आया अब हम y का मान पांच रखते हैं मान लो चलो चार रखते हैं y का मान चार तीन चौक बारह पांच सत्रह देखो सत्रह आया बदला ना y का मान चेंज तो x का मान सॉरी का मान चेंज तो x का मान चेंज ये डिफाइड नहीं है मतलब फिक्स नहीं होता एक प्रकार से चेंज होता रहता है वेरिएबल वेरी मतलब अलग अलग एवल मतलब उपलब्ध यानी अलग अलग या फिर डिफरेंट डिफरेंस होने के लिए उपलब्ध ऐसा बोल सकते हो ना ऐसा नहीं है सिर्फ यक्ष और वाई की ही कहानी है इसमें अगर इसमें हम यक्स का मान रख दे मान लो सात तो वाई का मान भी चेंज होगा बबुआ ऐसे सात माइनस पांच बराबर तीन वाई घटाओगे कितना आएगा दो तीन वाई ना वाई का मान निकालोगे सबको पता होगा दो बटा तीन आएगा अगर हम यक्स का मान नौ रखेंगे क्या रखेंगे नौ तो इसका मान कुछ और आएगा घटा के देखो नौ से तीन गया पांच सॉरी नौ से पांच गया चार दो बटा दो दो आएगा अगर वाई कमान नौ रखेंगे तो सॉरी यक्स कमान यार यक्स कमान नौ रखेंगे तो वाई कमान दो आएगा लेकिन क्या पांच कहीं चेंज हो रहा है नहीं पांच बिल्कुल जी जान से लगा है वो वैसे ही जुड़ रहा है घट रहा है हिसाब कर रहा है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ये क्या है कॉन्स्टेंट है ये निश्चित होता फिक्स होता है ये कभी बदलता नहीं समझ रहे हो ना इसमें कोई अपडेट नहीं आती ऐसे समझो टेक्नोलॉजी के जमाने में जैसे आपके फोन में ऐप होगा पीवीआर स्टडी का ऐप है यूट्यूब है या इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी उनकी अपडेट आती है पता है अपडेट कर लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत उनके फंक्शन चेंज हो जाते हैं लेकिन आपके फोन के ऊपर की कोई अपडेट आती कभी कि बदल जाए कलर अलग हो जाए नहीं आती ना क्योंकि अपडेटेबल नहीं है ये ये क्या कंस्टेंट है लेकिन ऐप जो है वो वेरिएबल वो चेंज हो सकता है कलर चेंज हो सकता है उसका फंक्शन चेंज हो सकता है वगैरह वगैरह अच्छा। क्लास सिर्फ उनके लिए जो घड़ी सीखना चाहते हैं जो नहीं सीखना चाहते हैं या कुछ और उनके लिए कोई मतलब नहीं है वेरिएबल को इंग्लिश में सॉरी चर पद को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं यहाँ पे लिखा है यहां भी लिखा है यही वहां परिभाषा भी लिखा है बीजे बंजक के विभिन्न घटक होते हैं आइए किसी भी बीज गणती व्यक्ति के चर, चर अवधारणा को समझने के लिए नीचे दी गई छवि छवि पर नजर डाले। में डाला दिया। नजर डालें में दिया चलो आइए अब बात होती है कि चर कितने प्रकार के होते हैं चर दो प्रकार के होते हैं डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट मैं इसको आपकी लाइफ से जोड़ के बताऊंगा बस थोड़ा सा तफली रखना बिल्कुल टेंशन मत लेना हम्म ठीक है भैया मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल लाइफ से जोड़ करके अब इसे एक राजपूत समझ में आ रहा है धीरज कुमार सबको आ रहा ना भैया चलो देखो चर स्वतंत्र और प्रतंत्र दोनों प्रकार के होते हैं स्वतंत्रता दिवस आपने सुना होगा मतलब जिसे बोलते हैं ना आजादी का दिवस सुने हो ना उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में इंडिपेंडेंट डे इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र और डिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र डिपेंडेंट मतलब जैसे मान लीजिए हम हाँ किसी पर डिपेंड है अक्सर आजकल पूरी दुनिया डिपेंड होती है अक्सर उन प्रेमी प्रेमिकाओं को देख लीजिए हस्बैंड वाइफ को देख लीजिए वो एक दूसरे पर डिपेंड कैसे होते हैं अगर किसी का आपका बहुत बड़ा लगाव है अच्छा वाला मोह है तो वो जब चाहेगा तब आप खुशी होंगे जब चाहेगा तब आप रोएंगे जब आप वो चाहेगा आपका मूड सही रहेगा जब वो चाहेगा आपका मूड गड़बड़ रहेगा अधिकतर लोगों की जिंदगी ऐसे ही चल रही है वो खुद पे डिपेंड है ही नहीं हुँ? समझ रहे हो नहीं दोस्त को बोला अपने किया तो नाराज हो गए ही होता, आशिकों में भी ऐसे ही होता है कहना ना माना तो गड़बड़ खोपड़ी खराब आइए उसको बारे में में बाद बात करते पहले आपको मैथ में इसमें समझाएं तो लेकिन है उससे संबंधित ही इसलिए मैं बता रहा हूं जिसे आप भूलें ना देखिए स्वतंत्र चर क्या होता है ऐसा चर जो किसी पर डिपेंड ना हो जैसे देखिए यहां पर क्या है वाई वाई है ना अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो वाई है उसका मान अगर हम कुछ रखें तो x ऑटोमेटिक बदल जाएगा यानी यहां पर जो x है वो वाई पर टोटली डिपेंड है जैसे देखना अगर y की जगह पर दो रखते हैं तीन दुना छह और सात तेरह थर्टीन आया ना आगे देखना अगर हम y की जगह पर पांच रखते हैं पंद्रह सात कितना हो जाएगा बाईस देखिए y का मान अलग अलग रखने पर यक्ष के मान अलग अलग, अलग आए यानी जो यक्ष का मान है वो क्या है वो टोटली डिपेंड है किस पे वाई परतंत्र पर चर है वो यक्ष क्या है परतंत्र चर है वाई क्या है स्वतंत्र चर है समझ रहे हो कि नहीं यहां पे आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं ठीक है सुनील कुमार रूबी तिवारी चुंकी इनका नाम है चुंकी चौहान चले आगे ये सभी को समझ में आया ना तो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर समझ गए ना यानी यक्ष कुछ नहीं कर रहा है वाई मान चेंज हो रहा है यक्ष चेंज हो जा रहा है अधिकतर लोग मेरी बात से रिलेट कर बढ़िया यार बड़ा नोटंकी है भाई आज ये डिस्चार्ज हो गया सिस्टम जो लगाते हैं कान में ये जो लिया हूं, इसका एक नखड़ा है कि दोनों आपस में जाके मिल जाते हैं बंद हो जाते हैं ये जाके सट गया था इसीलिए बंद हो गया था बेटा तुमको मैं कहाँ रखू तुमको मैं ऐसी जगह रखूंगा तुम बंद नहीं हो पाओगे चलो बढ़िया है आगे बढ़े ठीक है हाँ तो हम क्या बता रहे थे कि ऐसे आप लोग में से भी अधिकांश लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अगले को जो कुछ कहते हैं अगर वो नहीं मानता नहीं बदलता तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं हम नाराज हो जाते हैं हम दुखी हो जाते हैं यहाँ तक कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं रिलेशन में देखे होगे ना बहुत बुरे बुरे कदम उठा लेते हैं वो टोटली अगले पर डिपेंड होते हैं अगला अगर अच्छा करेगा तो हम खुश रहेंगे अगला गड़बड़ करेगा हम नाराज हो जाएंगे हम दुखी हो जाएंगे हमारा दिल टूट जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए खुद पर डिपेंड होइए खुद को पूर्ण रूप से समझिए ये समझ गए ना डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट चर तो टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया भैया तो कर लीजिए फटाफट आज की क्लास काफी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि माइक्रोफोन थोड़ा गड़बड़ है मिस्टेक उसमें चल रही कुछ आइए अब करते हैं चर अचर के सवाल चर आचर अगर आप समझ गए हैं तो अब चर आचर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है समझना यहाँ पे पहचानना है बस और कुछ नहीं करना है जैसे ये पहला क्वेश्चन है दिख रहा है नहीं यहाँ पे देख लो मुझे प्रश्न संख्या एक में बताओ आप लोग कि चर पद क्या है बताइए प्रश्न संख्या वन में चर पद बताइए चलिए बहुत अच्छा है इक्वल सेवन बी प्लस सिक्स है मेरे भाई वेरिएबल बताओ फटाफट चलो एकता उपाध्याय साक्षी सेवन बी प्लस बहुत जल्दी करें फटाफट भूपेश चतुर्वेदी बहुत अच्छा सेवन बी ठीक है बहुत अच्छी बात है चल भैया आगे बढ़े मस्त है सब ठीक है इसमें अगर हम चर पद की बात करें प्यारे बच्चों तो जो चर पद है वो ए है और बी है अगर हम इसमें बात करें तो एक वेरिएबल ए है और एक क्या है बी है ठीक है अगर अचर पद की बात करें तो इसमें स्वतंत्र रूप से जो अकेले अचर पद दिख रहा है वो यही है जिसका नाम है छे ठीक है बढ़िया देखिए रोज अच्छे से पढ़ रहे हो कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाती है थोड़ा साथ देना चाहिए ये नहीं कि हम भाग जाए जाओ तो जाओ मेरा क्या घाटा हाँ कभी कभी आज सिस्टम में कुछ इशू चल रहा है तो आपको साथ देना चाहिए रहना चाहिए थोड़ा वेट कर लेना चाहिए पांच वाई इसमें देखो वेरिएबल क्या है वाई है इसमें वेरिएबल क्या है यक्स है ये क्या है वेरिएबल है।, तो है? है कांस्टेंट क्या है कांस्टेंट क्या है इसमें फोर है ये क्या है आचार है ये क्या है दोनों ये दोनों क्या है चरपद है अरे यार चर हाँ चर ये सही है ओके किसी को कोई डाउट नो no डाउट कोनो दिक्कत नहीं ना भैया देख लो पूरा बोर्ड अच्छे दिखाता है ना हम्म ये बैच लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ये बैच अब बुढ़ी हो चुकी है इसमें मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया लेकिन आप नहीं चाहते हो कंप्लीट करें कहेंगे कि पूरा नहीं पढ़ाते यूट्यूब पे आप तो काहे को पढ़ाए तुम तब तक ठंडे हो जाते हो भाई पढ़ने का मन करता नहीं है है ना न अधिकतर ऐसे ही करते हैं दस क्लास देखेंगे पंद्रह देखेंगे छोड़ देंगे नहीं वही अगर आप पांच सात सौ जमा करके देखोगे तो गरज मार मतलब इसे बोलते ना गरज पड़ेगी देखोगे यही प्रॉब्लम है ना भैया यही इसीलिए यूट्यूब पर नहीं चलता पूरा देखेंगे फिलहाल अभी सप्ताह में दो दिन चल रही क्लास क्लास में फोकस करते हैं कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी हैं प्लस सेवन जेड स्क्वायर और टी अब बताइए इसमें चर पद क्या है बताइए वेरिएबल बताइए कितने हैं कौन कौन से हैं दूसरे वाले में वेरिएबल बताइए जल्दी करें डाउन लिखे मतलब क्या ज्यादा ऊपर जा रहा है क्या ये ऊपर ही नहीं देखना आपको जहां तक दिख रहा है वहीं तक देखना है बस चलो भाई बहुत अच्छा भूपेश जूही श्वेता पंकज एक्स वाई जेड वाले में क्या है एक्स वाई जेड और टी भी तो है इसको क्या बुलाया गया भैया यही तो गड़बड़ है मिस्टेक कर रहे हो आप X, y, Z और T भी है इसमें इसमें क्या क्या है एक्स वाई और फी भी है जितने भी लेटर आप देखेंगे ए से लेके जेड तक के वो सभी क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं पहचान तो कोई बड़ी बात नहीं सभी जान गए जितनी भी गिनती के नंबर है वो क्या कांस्टेंट है इसमें कांस्टेंट क्या है बताओ भाई साहब वन अपान थ्री क्या है कांस्टेंट है अचर है ये ये कभी दि... मतलब चेंज नहीं होगा इसमें नाइन अपान थ्री अचर है इसमें फाइव है अचर पद बीज गणितीय व्यंजक किसे कहते हैं जानते हो लिखो भैया दिख रहा है ना बीज गणितीय व्यंजक इंग्लिश वाले लिखेंगे आलजेबरिक एक्सप्रेशन चलो बतावा सब भाई यक्स वाई सात यक्स वाई बताइए क्या इसमें कोई बीज गणतीय बंजक है जवाब दीजिए डी में कौन सा ये प्रतिमा जी बताइए महाबोधि बेगम साक्षी बताइए भैया यहाँ पे जल्दी करिए कि इसमें बीजगणितीय व्यंजक कौन है आइए मैं बताता हूं देखिए जब चर और अचर पद दोनों से मिल करके मिक्स होकर के कुछ पद बनता है तो वो अल्जेबरिक एक्सप्रेशन कहलाता है बीज गणितीय व्यंजक कहलाता है ठीक है अगर अकेले चर है या अकेले अचर है तो वो बीज गणितीय व्यंजक नहीं है वो कोई प्रकार का बहुपद भी नहीं है ठीक है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये बीज व्यंजक है क्योंकि इसमें चर पद है एक्स वाई और अचर पद है सेवन जैसे प्लस टू वाई ये भी क्या बीज गणित इसमें भी चर अचर मिलकर के कोई संक्रिया हो रही है ये सबको समझ में नहीं आएगा इसमें संख्या भी ज्यादा नहीं रहेगी मुझे पता है ये क्लास दिमाग से समझने वालों के लिए सबके लिए नहीं है ये एक प्रकार आप एडवांस मैथ कह सकते हो नाइन वाई प्लस सेवन इसमें चर अचर सब शामिल है जैसे बारह यक्स टी इनका गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा ट्वेल्व टी या ट्वेल्व टी एक्स क्या बीज गढ़ती है बंजक कोई डाउट नहीं किसी को नो डाउट चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है वेरी गुड अब एक नया बैच हमारी कोशिश है कि आ जाए जल्दी ही बताएंगे टेलीग्राम पे सूचित करेंगे डेली जुड़े रहें, बस इसी हमारी कोशिश है एक न्यू बैच लाएंगे यूट्यूब पर फ्री ठीक है बहुत जल्दी लाने वाले हैं जो बच्चे सिर्फ एक महीना में गणित सीखना चाहते हैं वो पीवीआर स्टडी ऐप में ज्वाइन कर लें इसमें आप सिर्फ एक डेढ़ महीना में पूरा सीख जाएंगे ढंग से आइए अब ये चीज आप समझ गए तो अब इसमें मेन चीज ये है पदों का जोड़ना एडिशन ऑफ वेरिएबल लिखिए हम शॉर्टकट में लिख देते हैं एड ऑफ वेरिएबल्स प्यारे बच्चों यहां पर बिल्कुल प्यार से देखना अगर हम नौ में पांच को जोड़ते हैं तो सबको पता है कि चौदह होता फोर्टीन सबको पता है मुझे ये बताओ कि अगर दो यक्ष में हम तीन यक्ष को जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ हम्म आइए देखिए अगर हम यक्ष में यक्ष को जोड़ेंगे तो क्या होगा इसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपको जानना चाहिए पहले सजातीय विजातीय पद क्या हुआ मिट गया कैमरे बंद हो गया अच्छा हुआ कुछ बोला नहीं मैंने आवाज जा रही थी चूंकि चलो ठीक है कैमरा बंद हो गया था तो मुझे लगता है ना वॉइस वाला सिस्टम अलग से रखना चाहिए उससे संबंधित नहीं तो अच्छा रहेगा आवाज भी नहीं तो बंद हो जाती है ना ठीक है हाँ नहीं तो अचानक बंद हो जाता ना गरियाने का बंद करता है लेकिन मैंने आज थोड़ा कंट्रोल किया आप लोग सुन नहीं पाए इसलिए आवाज अलग से थी इसलिए नहीं गई चलो ठीक है तो ये हो गया ऐसी बात नहीं अच्छे लोग हैं तो कितना आएगा ये ये भाई पांच एक्स आएगा और ये यकस में यकस जुड़ेगा कितना दो एक्स अब मैं वही चीज समझा रहा हूँ समझिए थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा बताना जैसे नौ यक्स वाई इसमें यक्स वाई जोड़ेंगे तो ये दस एक्स वाई हो जाता है लेकिन ये होता कैसे है क्यों होता है समझना यहां पे ठीक है समझना थोड़ा सा इसके पहले आपको एक चीज और आना चाहिए देखो यहां पे क्या चीज है जैसे मैंने लिखा नाइन यक्स वाई स्क्वायर तो इसमें होता है गुणांक चारों का गुणांक फिशियंट ऑफ वेरिएबल साथियों इसमें यक्स और वाई क्या है वेरिएबल है और नाइन क्या है कांस्टेंट है तो वेरिएबल और कांस्टेंट का आपस में जो मल्टीपल हो रहा है इसमें जो भी कांस्टेंट है वो उसका गुणांक है जैसे हम कहें कि यक्स वाई का गुणांक क्या है तो भाई साहब यक्स वाई में गुड़ा कैसे हुआ नौ से तो वाई का गुणांक क्या नौ है बहुत अच्छी चीज है जो बता रहा हूं समझना ध्यान से ठीक है अच्छा ये बताओ कि बारह यक्स स्क्वायर वाई में यक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ जल्दी बताओ भैया चलो क्या होगा रोशनी बहुत अच्छा वेरी गुड ठीक है तो प्यारे बच्चों इसमें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का गुणांक नहीं पूछा ये स्क्वायर का पूछा इसको अलग कर लो बाकी का जो है बचा वो सब आंसर है तो बारह वाई क्या आएगा बारह वाई सपा युवा क्या लिखा भाई यही तो आ रहा समझ में जस्सी पाल, स्वेता प्रतिमा लोधी सबका आ रहा है चलो बढ़िया मस्त है ना कोनो दिक्कत नहीं किसी को चलो तो ये बताओ फिर पहला इसमें सब में हमें आप चरों का गुणांक बताइए चरों का गुणांक बताइए इसमें ए स्क्वायर का गुणांक बताओ सभी में चरों का गुणांक बताइए और आज का टाइम ओवर हो रहा है आज का टॉपिक है सजातीय विजातीय पद और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे चर पदों का जोड़ घटाना ठीक है क्या क्या पढ़ेंगे सजातीय विजातीय पद और चार पदों का जोड़ घटाना जवाब दीजिए क्या इसमें से कोई बता सकता है कोई बता सकता है इनमें सजातीय पद बहुत अच्छा बच्चा वेरी गुड कमेंट सबके दिख रहे हैं मुझे बस थोड़ी सी तफल्ली बहुत अच्छा इसमें सजातीय पद अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों ये देखिए एक्स का स्क्वायर है ये वाला है सी वाला है क्यों क्योंकि इसमें चर भी समान है घात भी समान है ठीक है सजातीय होने के लिए चर समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए यहां पर देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है परिभाषा सब दिया है पढ़िए आइए मैं पढ़ के आपको समझाता हूं एक तरफ से चलो देखो समझो आप रहा कि एक बहुपद के वह पद जिनमें समान चर समान चर जो है वो एक से अधिक हो सकते हैं हो चरों के समान घातांक भी हो मतलब चर भी समान हो उनकी घात भी समान हो जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल देखिए समझना कह यहां कि तीन एक्स वाई धन नौ एक्स धन एट एक्स वाई माइनस सात एक्स धन दो गुड़े दो में इसमें तीन 3xy और आठ 8xy सजातीय है काहे को सजातीय है क्योंकि इसमें भी x है और y है इसमें भी x है और y है संयोग से इसमें भी x की घात एक है इसमें भी x की घात एक है इसमें y का घात एक है इसमें y का घात एक है जैसे देखो यहां पर अगर मैंने a लिख दिया तो यहां पे कितनी घात है बताइए a का कितना पावर है क्लास को खूब दबा के सभी साथियों को शेयर करिए निवेदन है आपसे जिससे क्लास रेगुलर चल सके साथियों यूट्यूब पर टोटल फ्री होता है इसका कोई फीस नहीं लगता है साइलेंट किलर आपका कमेंट आ रहा है रूबी देवी अमन कुमार महबूबी बेगम प्रतिमा लौकुश अनुष्का तिवारी शोभित श्वेता सिंह सबके कमेंट आ रहे हैं आइए ठीक है बढ़िया समझिए आगे हाँ पावर इसका वन है अगर किसी भी चर पद पर वेरिएबल्स पर कोई भी प्रकार की घात नहीं लगी है जैसे मान लीजिए यहां यक्ष की घात क्या लगी है पांच समझना ठीक है यहां पर मैंने लिखा यक्ष घात कुछ नहीं लगा है तो यहां पर हमेशा वन माना जाता है क्या मानते हैं भैया एक मानते हैं हमेशा ठीक है हाँ तो आइए समझाते हैं विस्तार से यह सजातीय पद है कैसे क्योंकि इसमें चर जो है यक्ष है और वाई है बढ़िया इसमें भी चर क्या है यक्ष है और वाई है ये क्रम आगे पीछे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें पहले यक्ष है बाद में वाई है इसमें वाई पहले है यक्ष बाद में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फजाती विजातीय में आगे पीछे हो सकता है ठीक है जैसे मल्टीपल में होता है सीरियल चेंज करने से कूड़ा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है दो का गुणा तीन में करोगे तब वो छे होगा और तीन का दो में करोगे तब वो छे होगा वैसे उदाहरण जैसे चक्कू पे तरबूज या तरबूज पे चक्कू कटता चक्कू तो नहीं कटेगा ना समझ गए ठीक है तो ये दोनों क्या है यक्स का पावर टू है इसमें भी यक्स का टू है वाई का एक है इसमें भी वाई का एक है सजातीय पद है। इसमें देखिए चार पद क्या है एक्स है वाई है जड़ है इसमें भी चर पद एक्स वाई जड़ है इसमें घाते देखिए एक है एक है एक है सब में एक एक घात है पहले तो चर समान है दूसरा घात एक एक है तो क्या है सजाती है पद है और देखना इस क्लास को हर कोई नहीं देखेगा क्योंकि इसमें दिमाग लगेगा और दिमाग हर कोई लगाना चाहता नहीं है बहुत दिमाग लगेगा मुझे पता आधा ज्यादा भाग जाएंगे संख्या ज्यादा नहीं होगी खोपड़ी का प्रयोग होगा आज इसमें ये दोनों सजातीय पद नहीं है बताओ क्यों ये दोनों सजातीय पद नहीं है बताओ क्यों जवाब दीजिए दीपक बताओ भैया चलो भूपेश चतुर्वेदी इंद्रजीत राजभर बताइए सौरभ यादव माही नेहा मिश्रा आगे बढ़े बढ़िया कोई दिक्कत नहीं किसी को चलो भैया ये सजातीय पद नहीं है एक्चुअली बात क्या है कि इसमें चर तो यक्स है इसमें भी क्या बोलना था इसमें चर यक्स वाई है इसमें भी यक्स वाई है आप कहोगे आप तो यही बताए थे चर समान होगा तो सजातीय होगा नहीं जनाब एक और बताए थे चर तो समान होना चाहिए घात भी समान होनी चाहिए इनकी पावर एक्स की वन है इसमें भी वन है बट वाई की घात इसमें वन है इसमें टू है इसलिए सजातीय नहीं है समझ रहे हो ना सिर्फ समान जाति होने से ही नहीं पावर भी इक्वल होनी चाहिए सिंपल सा ऐसे बात समझिए आजकल के देश समाज में जो है हमारे यहाँ जो सामाजिक मान्यता है शादी विवाह अपनी ही जाति जाति में होते हैं है ना बाकी कानूनी रूप से आप किसी भी जाति में किसी भी धर्म में शादी विवाह कर सकते हैं मान्य है संविधान के अनुसार लेकिन सामाजिक सिस्टम के अनुसार नहीं तो मैं इसको क्यों बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि जाति समान है अगर दो लोग की लड़का का मान लो कि प्रधानमंत्री का बेटा है या मुख्यमंत्री का बेटा है और लड़की अगर बहुत निहायत गरीब परिवार से मजदूर परिवार से कभी सुने वैसे शादी जल्दी पॉसिबल नहीं होता या लड़की भी अच्छे परिवार से हो सकती है लड़का गरीब परिवार जाति तो समान है लेकिन पावर समान नहीं है पावर समान नहीं है समझ रहे हो ना पावर मतलब जान रहे हो ना पावर मतलब कई रूप से होती है रुतबा पैसा और बहुत सारा सिस्टम है उसके पीछे आप समझ गए होंगे समझदार चलिए आगे बढ़े जाति समान है मतलब चर समान है इक्वल है लेकिन पावर समान नहीं इसलिए सजातीय नहीं है ठीक है ये मैथ की भाषा है इसमें देखिए ये सजातीय है ये तीनों सजातीय ही लिखे गए थे क्योंकि इसमें देखिए चर एक्स वाई है इसमें भी एक्स वाई है गाते भी इक्वल हैं समझ में आया ना मैं पढ़ाता ही हूं पढ़ाने के अलावा बाहर का कुछ नहीं बोलता हूं लेकिन मुझे समझाना पड़ता है एग्जाम्पल के माध्यम से तो लोगों को लगता है कि तो फालतू बात कर रहा है ये मेरी पसंद है जरूरी थोड़ी सब किसी को आए चलो देखो बिजातीय पद क्या होते हैं सेम वही जो अभी बताया था जैसे यहां पर देखिए तीन एक्स वाई है और ये माइनस सेवन एक्स है, है, है इन्हें इंग्लिश में अनलाइक टर्म्स बोलते हैं लेकिन ऐसा क्यों अनलाइक टर्म्स क्यों है क्यों चर एक्स वाई है इसमें इसमें चर सिर्फ एक्स है वाई नहीं है इसलिए क्या है विजातीय पद है क्या है विजातीय पद है सबको समझ में आए हमारी कोशिश ये है भले हम एक घंटा में एक कई टॉपिक पढ़ाएंगे लेकिन जितने लोग आएंगे उनको सीख के जाना है यही मेरी अलग विशेषता है आइए देखिए ये टी है टीफा टमाटर भी जातीय पद है जानते हो क्यों ए वाला भी पद है क्यों ये भी जाती है पद है जानते हो क्यों बताइए जवाब दीजिए और फटाफट क्लास को शेयर करिए दबा के बच्चे आज ज्यादा नहीं क्योंकि आज नोटिफिकेशन नहीं गया इसका कोई बात नहीं भूपेश दीपक सौरभ आकाश सिंह नोटिफिकेशन नहीं गया इस क्लास का कोई बात नहीं अच्छी बात है बाद में जाएगा बाद में देखेंगे चलिए ठीक है ये भी जातीय पद है क्योंकि इसमें यक्स है और टी है इसमें भी यक्स और टी है ठीक है इसमें यक्स की पावर वन है इसमें यक्स की पावर टू है इसमें टी का पावर टू है इसमें टी का पावर वन है घात इक्वल नहीं इसलिए भी जातीय पद है ये भी, भी जातीय पद है क्योंकि इसमें यक्ष वाई है इसमें भी यक्ष वाई है यक्ष का पावर इसमें पांच है इसमें क्या है तीन है इसमें वाई तीन है इसमें वाई चार है इक्वल नहीं है पावर ठीक भैया मस्त है चलो आगे बढ़ी फिर सबाई चला यह देखा सी नंबर के साथ ये भी जातीय पद क्यों है सी वाला सी वाला भी जातीय पद क्यों है माफिया ठीक ठाक हो भैया यह भी, भी जातीय पद है क्योंकि इसमें वाई गायब हो गया है यह पी का पावर टू है यह तो ठीक ठाक है यक्स का पावर वन है यह भी ठीक ठाक है इससे मैच करता है आठ भी है आठ भी है बट वाई गायब हो गया, गया इसमें से ये बागी हो गया भैया तो गड़बड़ हो गया सब बताइए क्वेश्चन बताइए इसमें कौन सा जातीय पद है कमेंट करेंगे आप क्या पता है अगर आपको ए वाला लगता है तो आप कमेंट में लिखेंगे टू ए अगर आपको डी वाला लगता है तो कमेंट में टू डी सी वाला है तो टू सी ऐसे कमेंट करेंगे जल्दी करें फटाफट वेरी फास्ट अगर आपको तो लगता है तो आप टू ए अगर आपको तो पता लगता है तो कमेंट में है तो ऐसे कमेंट करेंगे जल्दी करें फटाफट वेरी फास्ट आगे बढ़े चल भैया बहुत अच्छा अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं इसमें निम्नलिखित में कौन भी है? पद है तो इसमें देखो यक्ष के पावर वन है इसमें टू है घात है ये जो बगल में गिनती है ये पंद्रह घात दो है ये पहला वाला ही है। बाकी सभी समान है गिनती से कोई मतलब नहीं होता एक चीज देखना इनके गुणांक से जैसे यहां पर अगर लिखा है सात स्क्वायर वाई यहाँ पर फिर इतना लिखा है दोनों सजाती है ये जो आगे गुणांक लगा है इस गिनती से कोई मतलब नहीं होता है सिर्फ चर समान हो और घात समान हो ठीक है अगर इसके आगे हम तीन भी लगा दें, तब तभी सजाती है सात लगा दो पांच लगा दो कुछ भी लगा दो गिनती कुछ भी हो मीन्स गुणांक कुछ भी हो सिर्फ और सिर्फ चर पद इक्वल हो दोनों में और घाते भी इक्वल हो बस बताइए तीन में जवाब दीजिए जल्दी करिए थ्री में मीरा गुप्ता सचिन कुमार अखिलेश कुमार पुष्पेंद्र कुमार भूपेश चतुर्वेदी जल्दी करें भैया फटाफट चलिए जिनको कोई इंक्वायरी करना है नीचे मोबाइल नंबर चल रहे हैं ध्यान से देखें उन पे संपर्क करिए बिजातीय पद की पांच है वाई के घात एक है सही है इसमें कोनो दिक्कत नहीं है भाई साहब ये ठीक है फजाती है इसमें टी का घात तीन है एच और जी एक एक घात का है ठीक है इसमें देखो आर वी डब्लू है इसमें आर की घात दो है एम में आर की घात एक है ये इसका घात दो है समझना इसका घात ये तीन है ये बगल में टाइपिंग में नहीं आता इसलिए ऐसा लिखा है तो करेक्ट आंसर है सी वाला थ्री सी सभी छात्र डेली फ्री क्लास के लिए टेलीग्राम पर पीवीआर स्टडी को जरूर ज्वाइन कर लें ईमानदारी के साथ ज्वाइन कर लें पक्का कर लें ठीक है आगे बढ़े सजाती है जाती है आप समझ गए आज तो अगली क्लास दस बजे से है ये क्लास में थोड़ी छोटी रखता हूं ठीक रहेगा ना आज इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया बच्चे कम है ये क्लास थोड़ी छोटी रखता हूं आज आपने सजातीय बिजाती पढ़ लिया है कल हम आपको ये पढ़ाएंगे ये देखो यहाँ पे कल हम आपको ये पढ़ाएंगे जैसे तीन एक्स वाई इसमें वाई जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ इनको होमवर्क करना अगर आपको आता है तो इनको जोड़िए बताइए कितना आएगा इनको जोड़ के आप टॉपिक होगा ध्यान दीजिए क्या है बेसिक अलजेब्रा एडिशन ऑफ वेरिएबल सब्स्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल पिछली कुछ क्लासों में मैंने इसको कवर करने की कोशिश किया लेकिन पूरा नहीं हुआ था बढ़िया है सब मस्त है आगे चलें कमेंट नहीं पढ़ेंगे आज नहीं कमेंट लास्ट में आइए इसका जवाब दीजिए कितने लोग बताएंगे बहुत अच्छा नौ में तीन जोड़ेंगे कितना होगा बारह सिर्फ और सिर्फ गुणांकों को जोड़ते हैं आपस में ये नौ और तीन कितना होगा बारह बारह इसी में है और यक्स का यक्स ही रहेगा इसका आंसर हो जाएगा बी वाला आइए देखिए चर पदों के जोड़ का क्या रूल होता है क्या कंडीशन होती है जब वेरिएबल्स जुड़ते हैं आपस में साथियों उसके लिए कंडीशन वही एक होती है कौन सी कि दिए गए वेरिएबल्स की घाते समान होना चाहिए और चर समान होना चाहिए मतलब पहली कंडीशन है कि चर यानी वेरिएबल्स समान होने चाहिए यानी अगर यक्ष है तो यक्ष यक्ष ही आपस में जुड़ेगा वाई है तो वाई वाई ही आपस में जुड़ेगा समझ रहे हो जैसे आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि गाय से ही गाय के बच्चे पैदा होते हैं कभी गाय से बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ देखे हो नॉर्मली नहीं होता है कलयुग में कुछ भी हो जाए वो अलग बात ठीक है इंसान से इंसान के बच्चे ही पैदा होते हैं कभी इंसान के बंदर का बच्चा पैदा हुआ देखे हो नहीं ना क्योंकि समान कैटेगरी के हैं समान जाति कह सकते हो एक मानव जाति होती है ये नहीं कि वो पंडित जी हैं वो यादव जी हैं और ठाकुर जी हैं ये नहीं इस जाति नहीं इस जाति की बात नहीं हो रही हम्म ये जाति तो इन ठेकेदारों ने बना रखा है समझ रहे हो मानव जाति एक ही जाति है मानव जाति तो मानव जाति में मानव ही पैदा होते हैं मानव से मानो वैसे इसमें मैंने समान चर मतलब सजाती है

ये सभी क्या है एक समान तरीके के हैं क्योंकि इसमें क्या है सभी वेरिएबल सेम है लेकिन इसमें कंडीशन क्या है ये दोनों एक कैटेगरी में आएंगे क्योंकि इनकी घातें एक जैसे हैं और ये अलग हो जाएंगे क्योंकि ये दो दो घात वाला अलग हो जाएगा और तीन तीन सात साथ वाला अलग ठीक है चलिए क्वेश्चन करते हैं तो वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा कमेंट पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे लास्ट में कमेंट पढ़ेंगे पांच मिनट जिनको जो भी कहना है लास्ट में कहना पहले पढ़ाएंगे अब कमेंट वाला लफड़ा नहीं करना चलो कितना आंसर आएगा सोच लीजिए कमेंट कर दीजिए जिनका सही है अपने मन में मान लीजिएगा कि हाँ सही है मैं बता दूंगा सही आंसर सात तीन दस छह सोलह सोलह एक्स स्क्वायर इसका सही जवाब है सी वाला सही है कौन सा सही है सी वाला आइए प्यारे बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में पहले कंस्टेंट यानी जो अचर पद है उनको जोड़ते हैं आपस में जैसे इसमें देखिए कंस्टेंट क्या तीन है सात है छह इनको आपस में जोड़ेंगे तो तीन सात और छ कितना आएगा थर्टीन हम्म एक्स का स्क्वायर है आप इनको बाद में लिखना तेरा आए नहीं आएगा सोलह आएगा ठीक है सात तीन दस छः सोलह ना हो गया खत्म अब बात ही आती इनकी यक्स यक्स की साथियों जुड़ने पर इन पे कोई बदलाव नहीं होता है इनको अलग कलर कर लो जुड़ने में इनमें कोई बदलाव नहीं होता है ये लिख दिए जाते हैं बस इनमें कोई चेंज नहीं होगा उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल बढ़िया तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर बात खत्म अगला सवाल आपकी तरफ आपका इंतजार कर रहा है उसके पहले इसका एक छोटा भाई है उसको भी जरा मिल लीजिए क्या कह रहा है टू ए ये बताओ कि अगर सात वाई स्क्वायर इसमें अगर हम नौ वाई जोड़ें, तो क्या है जुड़ेगा हाँ या नहीं बताओ जुड़ेगा हम्म आप लोग क्लास को अधिकांश बच्चे शेयर नहीं करते हैं ना ही लाइक कर रहे हैं ऐसे काम नहीं चलेगा बाबू ठीक है आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है सनाज परवीन अब्दुल सामद रचना यादव अरविंद अंकित अनिकेत राजकुमार नैना शिवम प्राची महाबोधि बेगम भूपेश सबका कमेंट आ रहा है कमेंट में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा आज चलो ये नहीं जुड़ेगा नॉट पॉसिबल आपस में नहीं जुड़ेगा क्यों क्योंकि इनकी वेरिएबल्स और उनकी पावर सम सेम नहीं इक्वल नहीं टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए अगर आप फ्री क्लास चाहते हैं तो आपको सारी क्लास का लिंक इंफॉर्मेशन अपडेट सब टेलीग्राम पे मिलता है आइए अगले सवाल का जवाब दीजिए कितना आएगा चलो बच्चों आ गए बहुत अच्छा कितने अच्छे हो तुम लोग यार इसमें भी वही होगा सबसे पहले जितने कांस्टेंट हैं उनको जोड़ लेंगे पहले में क्या है बारह है प्लस दूसरे में क्या है थर्टीन तीसरे में क्या है सोलह बराबर कितना आएगा इनको जोड़ो भाई साहब बारह तेरह कितना जाएगा पच्चीस पच्चीस पंद्रह होता है चालीस एक इकतालीस कितना आएगा फोर्टी वन एंड यक्स का क्यूब है तो यक्स का क्यूब ये सबके साथ बराबर बिहेव करेगा ये सब में वैसे आ जाएगा बस यक्स का क्यूब यक्स का क्यूब का क्यूब और यहां भी यक्स का क्यूब जुड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे आ जाता है बढ़िया उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा है देखिए आज थोड़ा हार्ड है इसे एडवांस मैथ भी कहते हैं लोग कुछ कुछ लोग ना अलजेबरा है नॉर्मल मैथ से थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको एडवांस लेवल पे लगाना पड़ता है लेकिन होता आसान है आसान होता है इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता है कुछ बड़ी बात नहीं होती है इजी होता है आगे चलें, सभी को समझ में आ रहा ना किसी को कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना चलिए आइए अब इसमें हम इतनी बड़ी ओझाई नहीं करेंगे लंबा सा डायरेक्ट आंसर लिखते हैं नौ सात सोलह दस छब्बीस दो कितना होगा अट्ठाईस और यक्ष घात चार हो गया आंसर कैन से सी ऑप्शन इज राइट में जवाब दीजिए फाइव नंबर थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप का है देखो भैया यहां पे समझो आप लोग प्यार से वाई है इसमें स्क्वायर में और यक्स है तो पहले हम क्या करेंगे यक्स वाले पद को पकड़ेंगे जो सेम है ये ये आपस में जुड़ेंगे ठीक है तो चर पद जुड़ेंगे छह में दो कितना होगा आठ आठ यक्स का स्क्वायर फिर प्लस अब वाई वाला जुड़ेगा ठीक है तो सात तीन कितना हो जाएगा दस वाई स्क्वायर बस अब ये आपस में नहीं जुड़ सकते हैं जुड़ के कुछ और नहीं बनेगा नहीं जुड़ सकते क्योंकि ये वाई है ये यक्स है सजातीय पद ही जुड़ते हैं मैंने बताया है सजातीय बिजातीय क्या होते हैं इसके लिए आपको क्लास नंबर चौबीस और पच्चीस देखना चाहिए पीछे की क्लास जैसे मैंने शुरू में एग्जाम्पल बताया था कि बिल्ली से बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं बिल्ली से कभी इंसान का बच्चा नहीं पैदा होता इंसान से इंसान के बच्चे पैदा होते हैं क्योंकि समान जाति के होते हैं समान जाति मतलब वो नहीं जाति धर्म जो चल रहा है कट्टरता फैला रहे हैं उसकी बात नहीं समान जाति मतलब मानव जाति एक मानव जाति एक इंसान जानवरों की जाति ठीक है तो वैसे ये क्या है समान जाति के नहीं है मतलब सजातीय नहीं है ये, जाती है ये अलग जाति के हैं अलग जाति के ठीक है हर एक कैटेगरी के अलग अलग हैं यानी या यक्स वाले क्या हैं अलग जाति के हैं वाई वाले अलग हैं और जेड वाले सी वाले बी वाले पी की वो सभी अलग अलग जाति के हैं इनको ऐसे मान के चलिए आप छब्बीस जातियाँ होती हैं है ना पद में छब्बीस लीटर होते हैं यानी वेरिएबल कितने होते हैं छब्बीस पद कितने होते हैं छब्बीस ठीक है ये जुड़ सकता था कब देखो ये ऐसा होता ये ऐसा होता तो ये जुड़ सकता था अब ये सजातीय है समान जाति के हैं यक्स यक्स हैं तो ये अठारह यक्स स्क्वायर हो जाता समझ रहे हो लेकिन ये वाई है यक्स है नहीं जुड़ेगा इसलिए और ये ऐसे होने पर भी जुड़ सकता था ऐसा नहीं सिर्फ यक्स में ही जुड़ता अगर ये आठ वाई स्क्वायर ऐसा होता तब भी ये जुड़ सकता था बट दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए सेम होना चाहिए ऐसा भी जोड़ सकता था क्लियर है बच्चा ना सभी को क्लास को लाइक शेयर करें तेईस सितंबर से न्यू बैच आ रहा पी स्टडी ऐप में हैप्पी न्यू ईयर बैच बेसिक मैथ बिल्कुल शून्य से शिखर तक रजिस्टर करना ना भूलें ज्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर जो चल रहे हैं उन पर संपर्क करके ये बात बताएं कि हाँ मुझे बताया गया बैच आ रहा है यहाँ जो रिकॉर्डिंग यहाँ मिस हो जाएगी आपको नहीं मिलेगी लाइव के बाद उसकी सारे वीडियो रिकॉर्डिंग आप राज राजकुमार यादव सरमेथ्स इस यूट्यूब चैनल पर पा सकते हैं जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाद में स्क्रीन ले लीजिए आइए इसका आंसर कौन बताएगा आप छः नंबर का आइए इसमें देखिए यक्स वाले पद हैं और वाई वाले भी हैं वैसे इसमें भी है तो यक्स वाले के पहले हिसाब करते हैं तो प्यारे बच्चों बारह में सोलह जोड़ेंगे अट्ठाईस यक्स का स्क्वायर भाई ऐसे तो होगा ना बारह सोलह अट्ठाईस एक्स का स्क्वायर ना बस यही और क्या नो no प्रॉब्लम आगे बढ़े ठीक है यक्स वाला हो गया अब वाई वाले में देखो चौदह और सत्रह कितना होगा सात चार ग्यारह एक एक दो एक तीन इकतीस होगा कितना एक्ति ना तो इकतीस वाई स्क्वायर बस हो गया खत्म अब ये दोनों नहीं जुड़ेंगे आपस में मैंने पहले बता दिया जैसे ये दोनों अलग अलग तरह के पद हैं ये एक में है वाई में है दोनों समान चर नहीं है घाते भले समान है बट समान चर नहीं है ठीक है समांचर होने चाहिए सात नंबर में कितने लोग जवाब देंगे चलो बताओ सात नंबर का जवाब दीजिए <coughs> कमल शर्मा किंग सुजीत अरविंद अंजलि अभिषेक भूपेश और कौन है राजकुमार राजकमल राजकुमार पूजा कुमारी विक्की सबका कमेंट आ रहा है मायंक नायक चलो भैया आओ बड़े आगे ये थोड़ा सा अलग हो गया बच्चा पार्टी सबसे पहले तो हमें इनमें जो भिन्न है इनको जोड़ेंगे अलग पहले समझें कि इनका योग आता कितना है फिर बाद में कोई बात करते हैं आओ चार चार काहे को बार बार लिखता है यार इनको पहले जोड़ेंगे तो नौ त्रिक सत्ताइस चार चौक सोलह नौ त्रिक छत्तीस नौ चौक छत्तीस आपको जोड़ना आना चाहिए भिन्न का मैं सिखाऊंगा नहीं इसमें क्योंकि ऑलरेडी सिखा चुका हूं छह सात तेरह हाफिल एक तिरालीस बटा छत्तीस आएगा कितना आएगा तिरालीस बटा छत्तीस प्लस में आएगा याद रहे फोर्टी थ्री अपान थर्टी सिक्स प्लस में आएगा इसमें देखो कहीं है हाँ ये है तो क्या ये आंसर हो जाएगा नहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कभी भी ये भी कभी नहीं है ये दोनों में है क्योंकि तिरालीस बटा छत्तीस इसमें भी है इसमें भी है इन दोनों में एक सही है पहली कंडीशन हो गई पहली कंडीशन में दो ऑप्शन क्लियर क्लीन बोल्ड हो गए दो ही बचे हैं दूसरी कंडीशन वेरिएबल देखेंगे यक्स का दो है वाई का दो है तो यक्स का दो वाई का दो यानी आंसर में भी यक्स का पावर टू वाई का टू आना चाहिए इसमें एक का टू नहीं है यक्स का वन घात है इसलिए ये भी क्लियर गलत ये सही है समझ गए ना तो बच्चा का हो जाएगा भैया तिरालीस बटा छत्तीस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर खत्म बढ़िए आगे घटाना देखिए क्लास की क्वालिटी खराब हो जाती नाम बोलने से बीच में कमेंट पढ़ने से ना सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए कुछ कुछ अंतराल पे बोले वो अलग बात है चलता है चलिए आइए घटाने में सेम नियम होता है सेम नियम वही सेम कंडीशन चर पद बराबर होने चाहिए और घात बराबर होने चाहिए ठीक है जैसे चर पद अगर इसमें आप देखेंगे यक्स वाई है इसमें भी यक्स वाई है घाते भी इक्वल होना चाहिए घात इसमें पाँच है यक्स की इसमें भी पाँच है वाई का एक है इसमें इसमें भी वाई का एक है तो आपस में घट जाएंगे अचर पद से अचर पद घटते हैं नौ में से तीन घटेगा कितना आएगा बच्चा छे नौ में से तीन घटेगा कितना आएगा छ ये हो जाएगा छ और ये यक्स की घात जो है वाई की घात जो है वो ऐसे लिख देंगे आंसर बस यही होता है किसी को कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़े चलिए डीएलएड वालों के लिए टाइम शेड्यूल है यही टाइम शेड्यूल है इसकी जगह पे प्रथम द्वितीय की जगह पे तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर भी हो सकता है इसको नोट कर लें अभी ये फॉलो नहीं हो रहा फिलहाल के लिए लेकिन यही शेड्यूल चलता था पहले यही चलेगा ठीक है YouTube पर फ्री क्लास का टाइम आगे चलिए इसका आंसर कितना आएगा नाइन नंबर में कोई बता सकता है क्या नाइन नंबर का कोई जवाब बता सकता है क्या हम्म एनीवन कोई बता सकता है नाइन नंबर का जवाब यस yes, बहुत अच्छा वेरी गुड आइए बच्चा देखते हैं भैया ग्यारह से सात घटाएंगे आप क्या करेंगे ग्यारह से सात घटाएंगे तो चार आएगा क्या आएगा फोर और यक्ष का घात दो है वाई का एक है तो ये वैसे का वैसे रहेगा जो भी है यक्ष दो वाई एक बस खत्म इसमें कितना आएगा जरा देखना प्यार से पांच बटा सात से तीन बटा सात पहले तो घटा लो कहीं पहले तो आप ये घटा लो आपको पता तो चल जाए तो दो बटा सात आएगा कितना आएगा दो बटा सात और ए बी सी दोनों में है तो ए बी सी लिख सकते हैं कुछ लोग कहेंगे इसमें तो बी सी ए है ए बीसी या बीसी दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि गुड़ा करने पर सीरियल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे इतना आएगा ना वैसे अगर हम इसको ऐसे कर दें तो इसके गुड़ा में कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे तो तीन का दो में गुड़ा करके चार में करें या चार का तीन में करके दो में करें मान उतना ही आता है गुड़ा में सीरियल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ग्यारह नंबर का जवाब कितने लोग बता लेंगे ईमानदारी से बताना दिल पे हाथ रख के झूठ नहीं बोलना चलो न्यू बैच तेईस सितंबर से आ रहा पीबीआर स्टडी ऐप में न्यू ईयर बैच का नाम है क्या नाम है न्यू ईयर सीमा यादव कह रहे कि बच्चा बोल रहे हो को भाई सबको नहीं बोल रहे हैं बच्चा कुछ बच्चे वाले भी हैं यहाँ पे सब बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं कुछ बच्चे लेकिन रियल में होते हैं ठीक है अब आप लोग मान लीजिए बच्चे वाले हैं तो कोई बात नहीं बुरा ना माने यहाँ पे कुछ बच्चे भी होते हैं कुलदीप कुमार नंदनी यादव राजकमल आशीष भूपेश बहुत अच्छा वेरी गुड वैसे तो बच्चा बोलना मेरी आदत है देखो एक बड़ा ना बड़ा गड़बड़ एक मेरे विचार मतलब मन में है आपसे पूछना चाहता हूं कि आजकल के टाइम में अगर किसी को बच्चा बोल दो तो चलता है ठीक है लेकिन अगर तुम इसका इंग्लिश उसको बेबी बोल दिए तो फिर पता नहीं क्या जहर हो जाता है ऐसा कभी सुने हो कहीं नहीं देखो किसी को भी ट्राई करना अगर तुम बच्चा बोलोगे चलेगा अगर तुमने बेबी बोल दिया तो फिर वो एक अलग वर्ड हो गया आगे चले बढ़िया इसका आंसर देखिए पहले तो इसका हम वर्गमूल करेंगे तो छह आएगा तो ये नए अवतार में आएगा इतना इतना अब ये हल करेंगे आप ठीक है नया तरीका से हो गया अब इसको बताओ कितना आएगा बताइए पूजा जी पी वी आर स्टडी ऐप में उपलब्ध है पी वी आर स्टडी ऐप में उपलब्ध है जिनको कोई इंक्वायरी चाहिए नंबर चल रहा है उन पर संपर्क करिए छह में तीन घटाएंगे तीन आएगा अब देखिए पी का पावर तीन है इसमें भी तीन है क्यू का पांच है इसमें भी पांच है तो घाते वैसे रहेंगी इनमें कोई चेंज नहीं होती जोड़ने घटाने में ये गुड़ा में चेंज होता है याद रखना खत्म खत्म खतम, खतम, खतम। आइए बारह नंबर आज ये कुछ क्वेश्चन अधिकांश डीके सर ने लिखा है इसीलिए मैं ना थोड़ा फुर्सत में हो गया हूं अब डीके सर ना मेरी जिम्मेदारी ले रहे हैं धीरे धीरे मैं वहीं बैठा रहूंगा डीके सर निपटा देंगे मैं ना बुजुर्ग हो गया हूं ना इसलिए रिटायर हो रहा हूं धीरे धीरे ठीक है हो गया किसी को कुछ कहना है तो बताइए आइए देखिए इसका आप रूट निकालेंगे सिक्सटी फोर का तो क्या आएगा एट आएगा अब ये पी क्यूब और क्यू का स्क्वायर माइनस सोलह का वर्गमूल चार आएगा क्यू का स्क्वायर एंड पी का क्यूब अब इनको हल कर लीजिए बस आसान है कितने लोग कर लेंगे बताइए जिनको कोई प्रकार की इंक्वायरी चाहिए कुछ भी कहना है वो नंबर पर संपर्क करें बाबू ठीक है नंबर पर कांटेक्ट करें पूछें घटा लीजिए इनको आठ में से चार गया चार और ये आपका देखिए पी का तीन घात है यहाँ भी क्यू का दो है भले सीरियल चेंज है तो हम इन्हें ऐसा भी लिख सकता हूँ इनमें कोई दिक्कत नहीं ध्यान दीजिए सारी क्लास की अपडेट और अन्य प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें एक ही नाम है हर जगह वो है पी वी आर स्टडी पी वी आर स्टडी ज ब्रांड और जो बच्चे टी जी टी पीजीटी नेट जे आर एफ और किसी भी प्रकार की एक प्रकार से कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचर्स भर्ती से संबंधित चाहे वो यूपी बिहार कहीं कभी हो वो दिए गए नंबर पे यहाँ पे जो दिख रहा है उस पर स्क्रीन सेंड करें इसका ध्यान रहे इन कोर्स के प्राइस हैं ये फ्री नहीं है हमारे सहयोगी टीचर्स के माध्यम से चैनल के माध्यम से आपको ये मिलेगा और पूरी टीम के द्वारा आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशन दोनों होंगे इनकी फीस पच्चीस से पैंतालीस सौ के बीच है पर सब्जेक्ट ठीक है तो छोटे बच्चे मैसेज ना करें इसके बारे में उनके काम का चीज़ ये नहीं है जवाब दीजिए थर्टीन में कितने लोग बता लोगे भाई चलो थर्टीन नंबर कितने लोग बता लेंगे आइए ये, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ना हम्म थोड़ा सा ये बड़ा हो सकता है इनका आप हल करेंगे तो चार चौक सोलह चार चौक सोलह आपस में कट कर लेंगे फाइनल में दो आएगा बस बताऊं कैसे देखो इधर इतना आएगा ना इसको हल करोगे दो आएगा क्या आएगा कुल मिला के दो आएगा ए स्क्वायर एंड बी क्यूब माइनस सात सत्ता उनचास छह छत्तीस छह बटा सात ए स्क्वायर एंड बी क्यूब धन बटा देखो ये भी कटेगा चार से चार नवाई छत्तीस चार चौक सोलह नौ बटा चार नौ बटा चार आएगा इसका जब वर्गमूल करोगे आप तो तीन बटा दो आएगा तीन बटा दो बी क्यूब एंड ए स्क्वायर इनको जोड़ घटा लेंगे ना कोई दिक्कत ना किसी को ना भैया कर लोगे ना देखो प्लस प्लस जुड़ेगा माइनस वाला घटेगा तो दो में तीन बटा दो जोड़िए यह जुड़ेगा आपस में दो में तीन बटा दो जोड़िए दो बटा एक कर सकते हो तिरछा गुड़ा कर लो भाई दो दूना चार तीन एक कम तीन दो दूना दो सात बटा दो आएगा कितना आएगा सात बटा दो ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस छ बटा सात ए स्क्वायर बी क्यूब सात बटा दो में छ बटा सात जोड़िए ये दोनों भिन्न आपस में जोड़िए आओ चलो इधर देखो क्रास मल्टीपल करोगे प्यारे बच्चों लोग क्या होगा सेवन सेवन जा फोर्टी प्लस टू, टू सेवन जा फोर्टीन इनको दोनों को ऐड करेंगे फोर्टी नाइन में आप ट्वेल्व ऐड करोगे तो कितना आएगा जानते हो अगर टेन ऐड कर दे तो फिफ्टी नाइन आता टू और एड कर देंगे सिक्सटी वन अपन वन फोर फोर्टीन कितना आएगा सिक्सटी वन अपन फोर्टी नाइन यही तो आया था ना मुझे बोल रहा है कुछ नहीं सही है ये हो गया आंसर खत्म खिलाड़ी चलो भाई डन गया मैं यार उस क्लास चल रही है उसमें कैमरे में आके घुस गया टीचर अरे मैं ही हूँ दूसरे जगह दिख रहा हूँ अलग गीता वर्मा बाबा साहब चाट ब्रांड, राजकुमार यार तुम तो मेरे नाम राशि हो थोड़ा थोड़ा ये मोए मोए कौन है आ गया है कुछ भी ट्रेंड करा देते हैं गधा चले आगे क्लास ने ट्रेंड कराते शेयर करके कभी देखे हो कोई पढ़ाई की चीज ट्रेंड करे नहीं सर गलत बने हैं इकसठ लिखा है इकसठ तो लिखा है क्या गलत बने हैं छः बटा सात की जगह सात बटा छः होगा अच्छा ऊपर गलत लिखा उल्टा लिखा है ओ ठीक है हाँ यहाँ पर इसका वर्गमूल जो है वो सात होगा इसका छः होगा ना कैसे उल्टा लिख दिया यार ये दिमागवा कहाँ हम आचार्य कर सही है वैसे तरीका सही है सब बढ़िया है बट यहाँ थोड़ा सा ये पद बदल गया इनका फोर्टी नाइन का सेवन आएगा इसका सिक्स होगा यार सारा लफड़ा ही तो कर दिया यार सब मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से कर लेता हूँ क्या करूँ मजबूरी है तो दो में जोड़िए सात बटा छ कितना मिनट हो रहा है इसको कट भी करना पड़ेगा बाद में साढ़े नौ ना साढ़े नौ के लगभग कट करना पड़ेगा चलिए ठीक है इनको जोड़िए तो कितना हो जाएगा छूना बारह कुछ भी गलत नहीं है देखो तरीका नहीं गलत जो बताया सब सही है बस यहां उल्टा लिख दिया था इतना सा बाकी जो कुछ भी बताया सब सही उसमें कुछ भी गलत नहीं था सब वही तरीका होगा गिनती चेंज हो जाएगी बस तो ये वन आइस बटा आएगा कितना आएगा वन बटे ए स्क्वायर बी क्यू माइनस ये प्लस में है फिर कुछ कर रहा है क्या यार एक मिनट भाई मेरा ना कुछ डिस्टर्ब लग रहा है आज ये प्लस है ये प्लस है ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा वो घटेगा तो जुड़ा तो सही था फिर जुड़ने वाले में तो कुछ गड़बड़ नहीं था केवल घटाने वाले में था ये घटाने वाला ना ठीक है चलो जोड़ लेता हूं सात बटा दो ना दो न चार तीन कम तीन सात बटा दो ए स्क्वायर और बी क्यूब ये सही है इसमें कोई चेंज नहीं होना था माइनस सात बटा छ ये घटाने वाला गड़बड़ था ये चेंज हुआ है सात दो से सात घटाइए। बढ़िया। चौदह। बारह। घटाइए अगर इसमें से बारह घटा लेते हम तो तीस आ जाता लेकिन चौदह घटा रहे अट्ठाईस आएगा अट्ठाइस बटा बारह आएगा बोलो अट्ठाईस बटा बारह दो, दो फिर डिवाइड होगा चौदह बटे और गिनती बताओ बड़ी चार से चार सत्ते अट्ठाईस चार तीन बारह सात कितना आएगा ये इतना आएगा यार उल्टा पुल्टा हो जाता कभी कभी कोई गड़बड़ नहीं तरीका सब सही था समझ था बस थोड़ा सा उल्टा लिखा था बस इतना पीयूष कुछ समझ में आया कोई दिक्कत विजय चौहान भूपेश चार बटा तीन चार बटा तीन की सात बटा तीन यार अरे भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या हो रहा है सही तो है चार से काटोगे ना इसको यहाँ देखो चार फतेह अट्ठाईस चार तीन बारह सात बटा तीन आएगा ये बताओ कि इसमें से बारह चौदह घटाएंगे तो वही तो आएगा सही है आगे बढ़े चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कितना आएगा इसको कर लेंगे कोई दिक्कत ना इसमें इसको जोड़ लीजिएगा अभी बेसिक जोड़ घटाना सिखाया जा रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है गधा इतना बड़ा बड़ा लिख दिया ये काफी लंबा खिंच जाता है ना टाइम लग जाता है क्योंकि ये जब कुछ प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद ये सब सही है करना चाहिए तो इनको कर लीजिए हल कर लीजिए इनको हम दो पार्ट में जोड़ सकते हैं इतना बड़ा बड़ा काहे को करेंगे इसको आधा मिटाओ इसमें से मना कर रहा था कि अभी छोटा छोटा दो भाई आगे कुछ क्लास चल जाए फिर बड़ा करो ठीक है इसका घनमूल का चिन्ह लगा सत्ताईस का घन कितना होगा तीन चौंसठ का घन कितना होगा चार चौक सोलह चौक का चार।, चार ए बी सी अब ये तो इसमें जुड़ेगा नहीं इनकी घाते भी हमें चेंज करनी पड़ेंगी अब इनको क्या करते हैं आपस में जोड़ सकते हैं छत्तीस ए बी जोड़ लेंगे ना तीन बटा चार में छत्तीस जोड़िए चार छ चौबीस हाफिल दो चार तीन बारह दो चौदह एक सौ सैतालीस बटा चार कितना एक सौ सैतालीस बटे चार ए बी सी इनको भाग भी दे सकते हैं मिश्र भिन्न में जाएगा लेकिन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी जरूरत नहीं है इनकी इसको कर लेंगे पंद्रह नंबर ये होमवर्क रहेगा ठीक है कि बताऊं बढ़िया है देखिए यहाँ पे घनमूल नहीं दिया है स्क्वायर रूट दिया है यहाँ पे घनमूल दिया है ये इसे हाल ही नहीं होगा सर ने लिखा हमारे ये सभी घन वाले ही हैं ये स्क्वायर में चल जाएगा ठीक है ये भी स्क्वायर में नहीं चलेगा ये भी स्क्वायर में नहीं चलेगा घन में चलेगा ठीक है कोई दिक्कत ना किसी को कर लेंगे आप तो बर समझ गए इसको कर लीजिएगा आप लोग घर वर से अब चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन करिए पहले नहीं तो मजा नहीं आएगा बच्चे भागने लगते हैं सभी सजाती है और बिजाती है जान गए ना हम्म तो ये बताइए कि नौ यक्स पांच वाई तीन और सात यक्ष अगर इनको हम ए बी और सी लिखें, तो इनमें कौन कौन पद सजाती है पद हैं मिला करके बताइए कौन कौन पद सजाती है पद हैं चलें कोई दिक्कत ना किसी को बहुत अच्छा बात है कितने समझदार हो गए आप लोग शार्टकट कोड से चैटिंग कर ले रहे हैं नाम नहीं लिख रहे हैं पूरा पूरा एक अच्छा लिख दे रहे हैं वो जान रहे हैं मेरे लिए लिखा जा रहा है चलो बहुत अच्छा अब मैं भी जान रहा हूँ किसके लिए कौन लिख रहा है तो सजातीय पद की बात करें तो ए और फी ए और फी ये दोनों सजातीय पद हैं है ना ए और बी नहीं है क्योंकि इसकी घात यहाँ की तीन है वाई का दो है यहाँ पर अलग अलग है तो दस बजे से भी अगली क्लास है तो मैं ये क्लास यहीं पे बंद कर दूं ये होमवर्क है आइए ठीक है <laughs> पहले सवाल का जवाब बहुत से बच्चों ने दे दिया है कमेंट में देखूंगा मैं इनका गुड़ा करेंगे साथियों तो दो एक्स का क्यूब सॉरी दो एक्स वाई क्यूब जेड होगा सी वाला सही है कौन सा सी वाला आइए अगले का जवाब बताइए चलिए जल्दी करिए बहुत अच्छा वेरी गुड ठीक है एक चर का जब एक चर में गुड़ा करें तो हा? जब एक चर का एक चर में गुड़ा करें तो कैसे इसमें हम कर, आपको चार पांच टाइप का बताएंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में मैंने बांट रखा है जिससे सबको समझ में आए आइए एक्स का एक्स में गुड़ा करेंगे साथियों चीज जानते हो घात वाला सिस्टम जानते हो बताता हूं देखिए अगर कोई भी वेरिएबल है यानी चरपद जानते हो ए बी सी डी ई एफ जेड तक जितने भी लेटर है, सभी हैं सभी चर या वेरियबल कहलाते हैं ठीक है इन पर अगर कोई घात ना लगी हो तो उनको हमेशा एक माना जाता है जैसे यहां पर यस दिख रहा है अगर यहाँ पर हम इसको ऐसे कर दू तो क्या हो गया का स्क्वायर, दो घात हो गई ना इस पर कोई घात नहीं दिख रही बट एक माना जाता हमेशा ठीक है सीखना यहां से कूड़ा करने पर घाते क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, समान समान पद में घाते जुड़ जाती हैं, असमान पद की घाते नहीं जुड़ती है ठीक है तो इनकी एक घात इनकी एक घात जुड़ेगी बच्चों तो यह हो जाएगा यक का पावर एक्स का स्क्वायर ठीक है सेकेंड वाले का कौन बताया हम्म थर्ड वाले का रिसु ममता रानी खुशी सिंह रुके भैया चलो देखो बहुत अच्छा ये सेम सेम लेटर हैं मीन्स सजाती हैं तो इनकी पावर जुड़ जाएगी आपस में ये टू प्लस सेवन इक्वल ए का पावर नाइन ठीक है बढ़िया थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे आगे स्टेप बाय स्टेप बट अभी ऐसे देखते रहिए इसमें भी देखिए पी का स्क्वायर है इस पर कुछ नहीं तो वन माना जाता है ये जुड़ जाएगा टोटल पी का घात तीन होगा पी का क्यूब बोलेंगे कोई डाउट ना किसी को कोई दिक्कत नहीं आइए यहां पर देखो प्यारे साथियों बी और बी का ये नाइन घात कितना होगा मुझे एक बार बताओ सभी चलो देखिए क्लास आप लोग लाइक शेयर जरूर करें बार बार कहना ना पड़े आओ देखो ये टू पावर एंड ये नाइन जुड़ेगा तो बी का कितना आ जाएगा इलेवन घात बस खत्म आगे अभी अलग टाइप बताऊंगा थोड़ा साबर रखिए जेड का स्क्वायर देखो ये माइनस में है घात याद रखना तो यहाँ पर प्लस का साइन लग के ये माइनस पांच रहेगा ये भी याद रखना ठीक है और यहाँ देख लो कि दो और ये माइनस का पांच कितना होगा प्लस माइनस माइनस होता है फाइनल में माइनस तीन होगा कितना होगा माइनस तीन माइनस तीन आएगा जेड का घात माइनस तीन इसके बारे में एक चीज और समझ लीजिएगा प्यारे साथियों समझना ये रूल होता है इसको लिख लीजिए ये अगर यक्स का पावर इसको यन मान के लिख देता हूं देखो यन का पावर अगर यक्स है यक्स का पावर यन है और ये माइनस में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं समझा कि नहीं वन अपान एक्स की पावर कर देंगे तो प्लस हो जाएगी घात ऐसे भी कर सकते हैं फिर ये नया चीज है इसमें आगे बढ़े कोई डाउट ना किसी को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री क्लास का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे आपको मिलेगा पीडीएफ वगैरह सब दो तो से अधिक चर पदों का गुड़ा करना टाइप नंबर सिकेंड अभी तक आपने देखा दो पद थे अब तीन या चार पद या पांच पद खुशबू समझ में आ रहा है कोई बात ना करो भाई बात ना करो डोंट टॉक कोई बातचीत नहीं करेगा नो आयल ब्लॉक हो रहे हो तुम बेटा दस मिनट के लिए दूसरी वाली लाइव सेशन में चले जाओ चल रहा है चैनल पे अगर नहीं पढ़ना वहां जाओ उसमें बातचीत करो इसमें देखिए अलग अलग वेरिएबल्स हैं ध्यान देना ये ए है बी है ये जेड है सभी सजातीय पद नहीं है इनकी कोई घात जुड़ेगी नहीं ये एक साथ में लिख दिए जाएंगे बस ऐसे तो ऐसे आंसर हो जाएगा बस ठीक है यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों एक घात है यहाँ पे पांच है यहाँ पे नौ है ये सब सजाती है पदे सेम है इनकी सारी घातें जुड़ जाएंगी पहले क्या है दो घात फिर एक फिर पांच फिर नौ तो कितना होगा दो एक तीन पांच आठ नौ आठ सत्रह वाई का पावर कितना हो जाएगा सत्रह बस खत्म स्टेप बाय स्टेप देखना है जिनको सीखना है क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा बीच में नहीं जाइएगा सब समझ में आएगा नहीं आएगा बाद में हम आपका डाउट भी बताएंगे ना लास्ट में चलो आठ नंबर का बता दो सभी मनीषा आ रहा समझ में लोकेन्द्र आ रहा है समझ में लोग बेटा तुमको ब्लॉक करने वाले हैं पढ़ाई कर लो चुपचाप तुम पढ़ नहीं रहे हो इसमें देखिए थोड़ा अलग है जब चर और अचर पद दोनों शामिल है तो पहले जितने भी वेरिएबल्स हैं वो तो ठीक है जाने रहे उनके बारे में जो कंस्टेंट है उनको वैसे लिख लेंगे आपस में गुड़ा करके अगर कोई और है तो ये अकेला है कोई और नहीं है तो ऐसे लिख देंगे इसकी एक घात इसकी पांच घात तो ये ऐसे हो जाएगा एक धन पांच तो ये नौ या घात कितना हो जाएगा छे बढ़िया चलो आगे बढ़े नेक्स्ट देखिए बच्चों इसमें दो चरपद हैं और दो अचर पद भी हैं यहाँ पे देखिए क्या है एक चरपद है ये भी एक्स है। ये देखो चार है और पांच है दोनों क्या हैं कंस्टेंट है तो पहले आप कंस्टेंट का गुड़ा कर लोगे चार का पांच में गुड़ा करोगे कितना आएगा बीस चार का पांच में बीस अब इनकी यक्ष घात की एक और इनकी यक्ष की घात सात ये एक घात और ये सात घात जुड़ जाएंगी तो सात एक आठ किसी को कोई डाउट तो मुझे बता दो नो no डाउट ना भैया छापो मीरा गुप्ता बिल्कुल सही जवाब है ममता रानी अंजलि संदीप आइए इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको अलग कांस्टेंट को अलग गुड़ा करेंगे तो जितने कांस्टेंट यानी अचर पद हैं वो तीन और दो हैं तीन माइनस में है तो प्यारे बच्चों माइनस तीन का अगर दो में गुड़ा करोगे तो जानते हो माइनस होगा जानते हो ना माइनस छ इसकी घात देखियो एक है इसकी एक है भैया इसकी बगल में पांच है तो पांच एक एक सब जुड़ जाएगा घात बस खत्म चलिए एक पदीय व्यंजक दुपदीय व्यंजक इसके बारे में तो हम एक नई क्लास में बताएंगे विस्तार से यहां थोड़ा शॉर्टकट दे बता देते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं एक पदीय दो पदीय तीन पदीय का होता है समझना अगर कोई चर और अचर दोनों को आपस में गुड़ा हेलो 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 आ रहा है अब हर्षित आवाज आ रही ना हम्म बढ़िया है गुड कोई दिक्कत ना किसी को चले चलिए भाई आओ चलो डन हेलो एक बार बता दो सभी आ रही आवाज ये हमेशा की प्रॉब्लम है अच्छा ठीक है जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो तो जिंदगी किस काम की है ना आइए तो ये हो गया एक पदीय वंजक समझ रहे हो क्या होता है इस तरीके के जो है एक पदीय व्यंजक है अगर दो पदीय व्यंजक से हम कंपेयर करें एक चीज और देखना जैसे अगर हमने ऐसा लिख दिया तो क्या ये एक पदीय व्यंजक है हाँ या नहीं पहले ये बताओ कमेंट करो सभी फटाफट जो मैंने नीचे लिखा वो एक पदीय व्यंजक है या नहीं क्या कहना आपका बोलिए बताइए नहीं है ना ये नहीं है क्यों क्योंकि ये जुड़ के दस एक्स हो जाएगा दस एक्स एक पद है तो जोड़ना घटाना का जो कंडीशन है उसको भी आप ध्यान में रख के तो करेंगे जैसे नौ यक्ष घात पांच यक्ष घात पांच क्या ये दो है गीता वर्मा भूपेश अंजलि सीमा यादव नहीं है ना क्यों क्योंकि ये इसमें से सॉफ्टवेक होगा तो एट यक्स का पावर फाइव आएगा आया समझ में ये सिर्फ और सिर्फ इतने को आप लेके देखेंगे ये एक पदीय व्यंजक इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे काफी चीजें लगभग जानने वाले जान गए होंगे एक पदीय दो ना हाँ लेकिन अगर कोई दो पद ऐसे हैं जो आपस में जुड़ के तीफरा नहीं बना रहे उनमें इतनी कट्टर दुश्मनी है जैसे इधर देखो नीचे ये दोनों आपस में जुड़ के कोई दूसरा पद नहीं बना सकते ये भी जुड़ के कोई एक नया पद नहीं बनाएंगे तो ये सभी दो दो पदीय व्यंजक हैं आवाज में देखिए बदलाव हो गया ना काफी हद तक माइक कभी छोड़ देता है कभी पकड़ लेता है उसका लफड़ा खत्म मतलब समझ में नहीं आता है चलिए छोड़िए इनको आगे बढ़ते हैं साथियों इस सेशन की सारी रिकॉर्डिंग आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी राजकुमार यादव सर मैथ्स तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्क्रीन शॉट ले लीजिए अभी आगे बढ़े अब हम गुड़ा करने वाले पद में इसमें कुछ और चीजें देखते हैं ठीक है क्या देखना है कुछ और चीजें देखना है क्या देखना है रुको एक मिनट बताता हूं। कुछ मिक्स टाइप के जैसे अभी तक तो मैंने अलग अलग बता दिया अब मिक्स वाला देखो भाई गुड़ा करने वाला मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखा था क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना आसान पड़ेगा जैसे देखो पहला माइनस सेवन क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इसका गुणा करना है किससे माइनस थर्टीन uh, पी क्यू क्यू का स्क्वायर एंड आर क्या आप कर लेंगे इसका गुणा बताइए मल्टीपल करना है सोचो और बताओ चलो आओ देखते हैं आसान है करिए मल्टीपल जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका अलग गुड़ा करेंगे जितने भी हैं उनका अलग गुड़ा करेंगे ठीक है बढ़िया आओ चलो माइनस तो सात का बच्चों माइनस तेरह में गुड़ा कर लोगे तो तेरह सत्तर इक्यानवे होगा माइनस माइनस कितना होगा प्लस तो प्लस नाइनटी वन प्लस नाइंटी वन अब p का गुणा करेंगे p से तो p का यहां घात एक है यहां तीन है तो p का घात कितना हो जाएगा एक धन तीन अब q का q से गुणा करेंगे एक का दूसरे में सेम सेम पद में ठीक है दूसरे में नहीं पड़ोसी में नहीं नहीं देखो q का किस में q में जैसे देखिए अगर किसी फंक्शन में आपकी घरवाली भी गई है और आपके पड़ोसी की भी गई है दोस्त की भी गई है अपने पे नजर रखेंगे बस दूसरे पे नहीं समझना कैसे P का क्या है वन घात हो गया इधर भी P का तीन था हो गया Q का यहाँ दो है, यहाँ कितना है? दो है तो ये दो धन दो। ज्यादा सीरियस नहीं हो ना देख लेना पड़ोसी को भी कोई दिक्कत नहीं चलो आगे अब R का क्या है यहाँ दो घात है इधर क्या है एक घात है अब ये पूरी कहानी बन जाएगी आपका आंसर नाइनटी वन पी का फोर एंड Q का भी फोर एंड R का घात सभी को समझ में आया बस यही करना था मेन यही था बढ़िया हर्षित हर बाबू नंबर चल रहा है ना नीचे ये वहीं पे एडवाइस मिलेगी क्लास में नहीं नंबर नीचे चल रहा है उस पर मैसेज करिए वहीं पे आपको सारी एडवाइस मिलेगी चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सभी कमेंट करके बताओ समझ में आया हम्म आया तो चलो दूसरा वाला यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इनका गुड़ा करना है किसमें सत्रह एक्स वाई जेड कितने लोग कर लेंगे हाथ उठाओ चलो फटाफट अगला तीन नंबर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना मजेदार है बढ़िया है मस्त है अब्दुल समझ में आ रहा है विशाल पासवान ममता रानी अरविंद यादव सबको आ रहा है बढ़िया है मस्त है बैच पुरानी हो गई ना मजा कम आ रही ना आ, मैं भी संख्या ही देखता रहता हूँ चलो तो सत्रह का तीन में गुड़ा करेंगे कितना हो जाएगा इसका इसमें ना सत्रह तेई क्या अब यक्स का पावर यहाँ टू है यहाँ वन है तो टू और वन जुड़ जाएगा बच्चों का पावर थ्री यानी का क्यूब वाई तीन है यहाँ वाई वन है तो कितना हो जाएगा तीन में एक जुड़ेगा कितना चार तो वाई का चार जेड दो है यहाँ एक है तो जेड का पावर तीन खत्म धनंजय समझ में आ रहा है हुँ? पंद्रह का सत्रह में गुड़ा करो बच्चों क्या होगा पंद्रह का सत्रह में कर लो भैया पंद्रह सत्ते कह लो यार पंद्रह सत्ते एक सौ पांच लाया दस पंद्रह एकम एक पंद्रह दस पच्चीस दो सौ पचपन आएगा बता दो पहले गुड़ा करो कर के गलत नहीं ना यक्ष का पावर वन है यहाँ कोई यक्ष नहीं है तो यक्स ही रहेगा वाई स्क्वायर है यहाँ वाई का पावर वन है तो वाई का तीन हो जाएगा दुई घात एक घात जुड़ जाएगी इधर जड अकेले है तो ऐसे रहेगा बस खत्म समझ में आया सभी को कोई दिक्कत ना किसी को सीमा मिश्रा समझ में आ रहा है संदीप बिंद देखिए ये बेसिक अलजेब्रा है इसे एडवांस मैथ में भी शामिल किया जाता है इसके लिए एडवांस दिमाग भी लगता है मतलब क्रिएटिव माइंड थिंकिंग वाला है ना जो इमेजिन कर सके कल्पना कर सके हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया कैसे आया जिसको नहीं आया वो कमेंट में बता देंगे कि मुझे नहीं आया चलिए आगे नेक्स्ट कुछ और भी क्वेश्चन है यहाँ पे हम्म टाइम काफी हो रहा है लेकिन अभी है टाइम दस बजे वाली क्लास भी लेट होगी आज तीन चार नंबर हो गया था ना कुछ भी नंबर लिख लीजिए कर लीजिएगा अच्छा माइनस प्लस वाला एक लफड़ा बता दूं मैं आपको खत्म देखिए इसमें बहुत लोग परेशान होते हैं एक चीज बहुत अच्छी बात है भाई तुम यहीं रुक जा भाई ये गिर जाता है ना छोड़ देता है देखना यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज है अच्छी चीज देखो ए, लिखूं क्या मैं कुछ ना लिखूं जैसे अगर माइनस पांच का गुड़ा हुआ प्लस सात में सवाल ये है कि इसका आंसर माइनस में आएगा प्लस में आएगा बताइए लोग भूल जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं ना मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं देखो अगर प्लस पांच का गुड़ा माइनस सात में तो क्या आएगा चार कंडीशन बनती है बस मैं चारों बताऊंगा एक दो तीन एंड चार अब माइनस का पांच और गुड़ा हो अगर माइनस का सात प्लस का पांच और गुड़ा हो प्लस का सात बस ये चारे कंडीशन है इसकी जगह पर पांच सात की जगह पर कुछ भी हो सकता है ठीक है समझना मेन बात पॉइंट वाली बात मैं बताना क्या चाहता हूँ इसमें कुछ हमसे जलने वाले लोग भी जुड़े हैं ये उन्हीं का सवाल है तो उन्हीं के लिए मैं बता भी देता हूं मुझे याद आ गया उनके कमेंट देख के उनको बड़ी जलन है मुझसे आगे नहीं बोलूंगा चलो देखिए साथियों जब दोनों चिन्ह सेम हो चाहे वो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो तो हमेशा आंसर प्लस आएगा बस जैसे इसमें देखो दोनों प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा ठीक है ये भी माइनस है दोनों तो क्या आएगा प्लस में बस यही तो तुम्हें जानना था और कुछ नहीं अगर दोनों चिन्ह एक समान है चाहे दोनों माइनस है चाहे दोनों प्लस तो आंसर प्लस में आएगा अगर दोनों अलग अलग हैं तो हमेशा उत्तर माइनस में आएगा बस बात खत्म और कुछ नहीं करना इसमें समझ गए ना सभी को समझ में आया शौर्य सागर आया समझ में बढ़िया चलिए ये बढ़िया डन हुआ आगे बढ़े ये बहुत अच्छी चीज थी बहुत काम की चीज थी एक चीज और एक चीज और बता ही रहा हूं, तो इसी में लपेट के सब कुछ देख लो इसके पहले इसका स्क्रीन ले लीजिए जिनको एक महीना में सीखना है वो पीवीआर स्टडी ऐप में बेसिक मैथ 23 दिसंबर से न्यू बैच आ रहा है तेईस दिसंबर से न्यू बैच आ रहा है आइए क्या हाँ अगर ऐसा हो कहीं रुकना माइनस का मान लीजिए यक्स है यक्स तो नहीं समझ पाओगे तुम छोड़ो दो ले लो चलो और माइनस का दो तो इनका उत्तर क्या आएगा प्लस में आएगा ना आएगा लेकिन अगर ये तीन बार हो भैया तब का होगा इनकी संख्या कितनी तीन बार हो गई समझना है मैं जो बताना चाहता हूं वो चीज समझना इनकी संख्या कितनी हो गई चार बार हो गई अभी देखना मैं जो बताना चाहता हूं निकल के आएगा बड़ा अच्छा चीज है इसको कोई बताएगा नहीं आपको कभी ये कितनी बार है पांच बार है ध्यान अगर कभी भी नंबर इस तरीके के माइनस माइनस में है उनका गुड़ा हो रहा चाहे वो नंबर है चाहे वो वेरिएबल्स है यानी पद अगर उनकी संख्या सम बार है सम संख्या विषम संख्या जानते हो ना जीरो दो चार छ आठ है जिनके लास्ट में वो सम होती है अगर संख्या सम में आएगी तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा जैसे देखिए सम में कहा है? एक, दो तीन चार बार है तो इसका आंसर, तो आंसर माइनस में, में आएगा कुछ भी आया आए आंसर उससे नहीं मतलब मैं आपको चिन्ह समझा रहा हूं आंसर भी दिखा देता हूं दो दुना चार दुना आठ दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह यानी दो का घात चार का मतलब सोलह होता है और दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुना बत्तीस इसमें से कितने लोग ये चीज पहले से जानते थे वो कमेंट में हाँ लिखें जो नहीं जानते थे वो ना लिखें मतलब कमेंट में यानी ना चलिए उतारिए छाप लिए सभी समझ में आ रहा है ममता पंकज जूही सभी को आ रहा है ठीक है तो ये चीज़ें समझ में आ गई आ, क्या क्या पढ़ रहे थे पहले इस तरीके का गुड़ा करना ना तो टाइम काफ़ी हो चुका है अगली क्लास चल जानी चाहिए वैसे आज दोनों लेट रहेगी तो फिर दोनों टाइम से कैसे आएंगी बीच में क्लास मिस करनी पड़ेगी ना हुँ? पता नहीं कहाँ चले गए हमारे डी के सर आज क्वेश्चन क्वेश्चन बनाए या नहीं बनाए थोड़ा रुकना नहीं है अभी लगे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं अभी चलिए आगे और भी बताएं अब चलो आंसर बता लोगे ना आप लोग हम्म आप कर लोगे ना चलिए एक बताइए बताइए प्लस सात यक्स वाई का स्क्वायर और इसमें यक्स स्क्वायर वाई इसका गुड़ा करेंगे कितना आएगा इसमें से कोई बता पाएगा ऑप्शन दे दूं क्या चलो बताओ। अगर इसको हम क्वेश्चन नंबर दस मान लू टोटल वैसे तो काफी क्वेश्चन हुआ था ऑप्शन तो बताओ क्या होगा सात एक्स वाई स्क्वायर सात एक्स तीन वाई बताइए जवाब दीजिए टेन ए टेन बी या टेन सी क्या आएगा हम्म आया समझ में कोई डाउट ना किसी को नहीं बढ़िया चलो देखो इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा सात का इसमें कोई नंबर है नहीं सात ही रहेगा एक घात और ये दो घात तीन घात हो जाएगी इसकी दो घात इसकी एक घात तीन घात सी ती वाला सही है कौन सा ऑप्शन नंबर सी तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे और ये क्लास में मुझे लगता है कि गुड़ा आपने सीख लिया अब भाग करना भी बिल्कुल गुड़ा जैसे ही होता है चलो भाग भी बता देता हूँ आज इसी में लगे हाथ भाग करने वाले पद कुछ हमारे पास है आ, रुकना थोड़ा सा मैं देखता हूँ कहाँ गए लिखिए फिफ्टी वन भाग इनका कैसे लिखो भाई फिफ्टी वन डिवाइड बाई स कर लेंगे कितना आएगा बताइए क्वेश्चन होता तो आप बताते पहले से मैंने तरीका बताता हूं साथियों चीज समझ लो कि जैसे अगर कहीं छे और ऐसे डिवाइड बाई दो लिखा है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकता हूँ और इसको फिर ऐसा भी लिख सकता हूं इसमें कोई बुरी बात नहीं है अनुपात के रूप में भी लिख सकते हो भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो ये चीज जानते हो ठीक है जानते हो तो चलो अच्छी बात है आगे देखो तो इसको हम लिख सकते हैं फिफ्टी वन यक्स तीन वाई का स्क्वायर जेड नीचे सत्रह फिर क्या होगा सत्रह से भाग करोगे फिफ्टी वन में तो तीन आएगा अब देखना भाग करने पर घाते घट जाती याद रखना इसकी एक घात है इसकी एक इसकी एक तो तीन तो आप ऐसे लिख लोगे यक्स का पावर ऊपर तीन है बच्चों नीचे एक है तो ये माइनस एक वाई का पावर ऊपर दो है नीचे एक है तो माइनस एक जेड का पावर ऊपर कितना है एक है नीचे भी एक है एक माइनस एक ठीक है समझ गए तो फाइनल में कितना होगा ये तीन यक्स का स्क्वायर बन जाएगा वाई का घात एक यानी वाई पे कोई घात नहीं रहेगी जेड का घात जीरो किसी भी वेरियबल पर अगर जीरो गाता है तो उसका मान एक होता है यानी ये तीन एक्स स्क्वायर वाई आएगा छाप लीजिए फटाफट yeah. लिखिए yeah. लिख yeah. लीजिए yeah. फटाफट छाप लीजिए कोई दिक्कत ना किसी को yeah. नहीं yeah. आगे बढ़े वाई ना अगला प्यारे बच्चों सभी प्रकार के अपडेट के लिए पी स्टडी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा जहां पर नाम एक ही है हर जगह पी स्टडी जिससे आपको सारी क्लास की अपडेट और कोई न्यू बैच वगैरह चले या फिर कोई प्रकार की अन्य जानकारी हो तो मिल सके जिससे आप क्लास रेगुलर देख पाए और जो बच्चे पूरा फ्री क्लास चाहते हैं पी स्टडी ऐप वाली क्लास फ्री वो फीडबैक का वीडियो बनाकर भेजें क्लास के बारे में उनके जो भी विचार हैं अच्छे बुरे जो भी आप कहना चाहते हो कोई कमी कोई अच्छाई ऐसे अपना फोन लेकर तीस सेकंड का या पचास सेकंड का जो भी हो सके आप वीडियो बनाएं और क्लास के बारे में बताएं कि आपको कैसे लग रही क्लास अच्छा या बुरा जो भी कमी है जो अच्छाई है उसे जरूर बताए ठीक है जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें और बेहतर कर सकें ठीक है और इसमें आप सरप्राइज भी पा सकते हैं फ्री का कोर्स भी पा सकते हैं अगर आप वीडियो बनाते हैं तो दोनों मिलेगा आपको दोनों में से कोई एक जरूर मिलेगा और वीडियो बना के नंबर पर भेजें चलिए आगे बढ़े भूपेश जी आपने नहीं वीडियो बनाया ना डिवाइड बाई चौबीस यक्स Y, T, Z. इसका मान कितना आएगा कर लोगे आइए पहले फर्स्ट पद को ऐसे लिख लेंगे जैसे भी लिखा है और फिर क्या होगा इसका एक और भी तरीका है मैं दूसरा तरीका बता देता हूं आपकी देखो नीचे वैसे लिख लेंगे दूसरा वाला अब एक और तरीका बता देता हूं थोड़ा और आसान इनका हम गुणनखंड कर लेंगे इनको एक्सपेंड कर लेंगे फैला लेंगे देखो कैसे नीचे 24 है तो हम 48 को दो गुड़े चौबीस लिख लेंगे जिससे 24 के रूप का आ जाए ये यक्स और वाई देखिए पांच घात है तो वाई को पांच बार गुणा करेंगे इसको जानते हो कि नहीं लेकिन हम एक काम करते हैं पांच बार काहे को करें कर लेते हैं आपको समझाना है ना चलो पांच बार हो गया जेड कितनी बार एक बार ना इसको और भी ज्यादा छोटा छोटा हम गुड़ा कर सकते हैं चौबीस को ऐसे रहने देंगे यक्स, वाई को तीन बार करेंगे क्योंकि तीन घात है एंड जेड ऐसे करते हैं जो अभी घात घटा रहे थे उसका कारण समझना यहां पर आइए चौबीस से चौबीस आप कैंसिल कर सकते हैं यक्स से यक्स वाई से वाई दूसरे वाई दूसरा वाई तीसरे वाई तीसरा वाई एंड जेड से जेड देखो जो बच रहा है उनको लिखेंगे दो बचा नीचे कुछ नहीं बचा सब निपट गए देखो यहां पर वाई बचा है दो बार यानी वाई का स्क्वायर कितना बचा है दो वाई स्क्वायर नो डाउट किसी को खुशबू सीमा मिश्रा कुमकुम सभी को आ गया बढ़िया है ना दिक्कत कोई ठीक है तो आज क्लास का टाइम मुझे लगता हो चुका है एक लास्ट सवाल मैं दूंगा इसका कमेंट करना आंसर में इसका कमेंट करना लास्ट में आंसर चलो इसका मान कमेंट करिएगा स्क्रीन देख लिए होंगे तो फिर मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है ना बहुत प्रतीक्षित क्लास थी ये बहुत प्यार दिया है बच्चों ने लगभग बीस हजार से अधिक बच्चे इसमें कंटिन्यू देख रहे हैं इस बैच में अभी इसका ट्वेंटी एट पार्ट बहुत दिन से बेट था ना बेटिंग में था उन्नीस तारीख को चला था आइए आज जो पढ़ाएंगे एक बात याद रखिए कि जो दिल दिमाग और अपना शरीर आत्मा सब इकट्ठा लेके बैठेंगे उन्हीं को आएगा वरना इसमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि नाम इसका जीरो लेबल है लेकिन कुछ खास है एडवांस है इकट्ठा तो ठीक है अब तो अगर किसी को दे दिए हो तो मांग ले आओ तब तक के लिए थोड़ा सा इधर मुझे लगता है कि ये कटता है ना एक मिनट रुकना चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल चलिए आगे समीकरण का गुणा पढ़ेंगे आज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन अब तक की सत्ताईस क्लास में क्या क्या पढ़ा है उसको मैं दिखा देता हूं यहां पे चंद सेकंड में आप देख लीजिए खुद से पढ़ लीजिएगा ये इतनी चीजें पढ़ा दिया गया अब तक अभी तक जो सत्ताईस क्लास हुई है उसमें ये सब पढ़ा दिया गया है एक एक पॉइंट में किसी किसी में दो दो तीन तीन क्लास हुई है ये सब पढ़ा दिया गया अब तक कमेंट करिएगा प्ले मिल जाएगी पीछे की सारी क्लास मिल जाएंगे टोटल यूट्यूब पर फ्री और ये बैच में पूरा कंप्लीट करूंगा फ्री यूट्यूब पे जवाब दीजिए पहले का क्या आंसर होगा कोशिश करिए क्या आएगा बताइए नहीं आ रहा तो नो लिख के कमेंट करिए लेकिन करिए जरूर अभिषेक पाल सैलेश शाइता परवीन आंचल सुनील दीपू रोहित अमनदीप मयंक, पिहू मास्टरमाइंड, ये सब अलग अलग नाम है ठीक है इसका आंसर क्या होगा साथी मेरे दिस इज द करेक्ट आंसर ए बट कैसे मैंने बताया ना दिल दिमाग शरीर आत्मा सब लेके बैठोगे तभी आज समझ में आएगा बताऊंगा कैसे इसका ऑप्शन होगा ए क्या आप इसका मल्टीपल कर लेंगे हम्म देखो भैया अगर मैं ये मल्टीपल करने को कहता तब तो तुम आराम से कर लेते कर लेते ना पांच दूना दस हाफी लवा एक और पांच तीन पंद्रह एक हो जाए सोलह ये एक सौ साठ होगा ही तोरे सब ही समझ में बड़े आराम से आ जाए लेकिन इधर देखा बेकवा अगर हम यहाँ पे तीन यक और एक एक गुड़ा यक्स में करी तो कहा समझ में आवा तोरे सब न ही इसमें क्या होता है गुड़ा करने पे घाते जुड़ जाती हैं वन वन घात जुड़ जाएगी तीन एक्स का स्क्वायर एक चीज और समझ लेना लगे हाथ इसमें क्या होगा गुड़ा होता है गुड़ाकों का सात का दो में करोगे तो कितना हो जाएगा चौदह फोर्टीन घाते जुड़ती हैं इनकी एक घात इनकी दुई घात जुड़ के तीन घात हो जाएगी की तो क्या हो गया इसी को कहते हैं वेरिएबल्स का मल्टीपल इसे कुछ लोग एडवांस मैथ भी कहते हैं नाम मैंने जीरो लेवल रखा है तो जो रेगुलर फॉलो करेंगे उनको पता चलेगा कि जीरो लेवल में हम क्या पढ़ाते हैं कुछ लोगों का भ्रम है कि जीरो लेवल में दो में तीन जोड़ के पांच लिखते हैं बस यही जीरो लेवल है इस भ्रम में ना रहिए ये सब बेसिक मैथ है जो पढ़ा रहे हैं बहुत सारे डिग्री धारक इसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि डिग्री आजकल रेवड़ी की तरह बहुत जगह मिल रही है बटती है भैया पेपर देने भी नहीं जाते फार्म भरने भी नहीं जाते रिजल्ट उनके घर आ जाता है होता है सच है कड़वा लग रहा होगा कुछ लोग को होता है तो उनको कुछ नहीं आने वाला है फिर वो बेरोजगारों की लाइन में सरकार को करिए आएंगे बस चलो तो अगर वो चीज समझ में आ गया तो इसको कर लोगे एक मैं छोटा सा पूछ लेता हूं फिर मैं इस पर चलूंगा ठीक है एकदम छोटा सा ये बता मुझे नो एक्स वाई का वाई स्क्वायर यक्स स्क्वायर वाई इसको अगर कंप्लीटली गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा एक बार बताओ सुनील बहुत अच्छा वेरी गुड सिंपल पाल सुनील ठीक है आचा लोकुस चल भैया आओ चला देखी थी फिर इसका गुणांक क्या है नाइन है इसका गुणांक वन है तो नाइन वन जा नाइन की घात एक और इधर है दो घात 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 तीन इधर है वाई घात दो इधर एक तो दो एक तीन यानी नाइन की भी तो कोनो घात नहीं की तीन और वाई की तीन सूर्या बहुत अच्छे आइए आप पॉइंट पर चलते हैं मेन पॉइंट पर चलें Point. एक मिनट रुकना नहीं कोई आवाज नहीं हम्म चलिए आइए बताता हूं मैं तुम्हें समझो इसमें क्या करेंगे साथियों पहले एक एक पद पकड़ते हैं ठीक है और पूरे में गुड़ा करते हैं यानी यक्ष का स्क्वायर से हम गुड़ा करेंगे इस पूरे पद में मीन्स इसमें ठीक है ये तरीका होता है ईमानदारी से जो सीखेंगे बिल्कुल दिल लगा के दिमाग लगा के उन्हीं को समझ में आएगा नहीं कभी समझ में नहीं आएगा फालतू तो टाइम बर्बाद ना करें पहले भाग जाओ जो बिल्कुल ईमानदारी से नहीं पढ़ना चाहते वो पहले भाग जाए और जो बिल्कुल सीखना चाहते हैं जिन्होंने प्रण कर लिया है कि जान लगा दो या जाने दो तो जान लगा दो आ जाएगा पक्का जान लगाने का मतलब मर नहीं जाना है बिल्कुल दिल लगा के यहां देखना है बस चलो देखो इसका गुड़ा करेंगे इसमें ठीक है स्क्वायर का गुड़ा करेंगे यक्ष स्क्वायर में साथियों बहुत ही आसान है ये ये अपन बिरादरी में क्या है जुड़ जाते हैं मीन सजाती है आपन बिरादरी का मतलब तो एक दु घात एक दो घात का होती है आपस में जुड़ जाती है तो ये हो जाता है यक्ष का घात फोर बस इतने तो है माइनस ये यक्स का स्क्वायर और ये तीन इनका गुड़ा होता आपस में इनके साथ कौनों घातवात नहीं है एक का गुणांक एक है गुणांक में गुड़ा होती है तो तीन एक्स का स्क्वायर यानी ये मिल गया इतना ये जो पियर का वाला है ना इतना इतना लाख यहां रखेंगे पावर फोर माइनस तीन एक्स का स्क्वायर अभी इसमें तीन पद में से सिर्फ एक से गुड़ा हुआ है अभी देखते जाना इनका हो गया इनका हो गया अभी ये है इनका भी होगा अब जिनको अंडरलाइन किया उनको पकड़ो बाकी जाने दो तो अब ये तीन का गुड़ा इस पूरे में फिर होगा चल भैया एनाओ हो जाए बारी बारी सबके हो तो तीन यक्स का गुड़ा होगा यक्स स्क्वायर में इसकी घात एक यक्स की घात एक और यक्स की घात दो तो तीन यक्स की घात तीन हो जाएगा ये दो और ये एक जुड़ जाता है घात ठीक है गुड़ा करने पे घाते जुड़ जाती हैं घातांक का नियम भी होता है देखो कैसे भैया हो ई घातांक का नियम होता है का सीख ले दिमाग में बसा ले इ घातांग का नियम होता है इसी के अनुसार होता है आधार बराबर है घाते अलग अलग है गुड़ा करने पे जुड़ जाती है वैसे यहां देखो घाते अलग अलग है आधार सेम तो क्या आएगा तीन यक्स का पावर थ्री फिर तीन यक्स का गुड़ा तीन में होगा तो हो जाएगा नौ यक्स नहीं समझ में आएगा कमेंट करना दोबारा बताऊंगा तिबारा बताऊंगा सौ बार बताऊंगा जब तक तुम सीख नहीं जाओगे तब तक बताऊंगा तो किसमें आएगा प्लस माइनस समझना यहां पे प्लस का साइन था यहां पर भैया भाई इधर है पूरे में हो रहा है ना यहां पर प्लस का था यहाँ पर भी प्लस का ठीक है तो प्लस रहेगा तीन का तीन माइनस नौ एक्स अभी देखिए एक और बचा है एक और बचा है कौन सा अब इसका गुड़ा हो गया इसका हो गया अभी तीन बचा है तीन का भी पूरे में होगा नहीं तो कहेगा हमारा नंबर है नहीं हवा ऐसे कैसे अन्याय नहीं होना चाहिए अब समझना है यहां से इसके पहले प्लस का चिन्ह है तो तीन, इसका गुड़ा पूरे में होगा आई से शुरू में इतना डिस्क्राइब किया हूं मैं उसके आगे बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तीन का गुड़ा होगा तो तीन एक्स का स्क्वायर यहां का प्लस चिन्ह यहां का माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तीन तरीका नौ ठीक है तीन एक्स स्क्वायर माइनस नौ क्या हो जाएगा ये कहानी हुई खत्म इसके पहले ये माइनस प्लस का मल्टीपल का क्या लफड़ा है वो समझ लो अच्छे से ठीक है समझिए बताता हूँ समझ में आसानी से नहीं आने वाला नहीं मजाक मतलब मजाक में लोगे तो नहीं आएगा भाई देखो इधर समझो 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 जिन जिनको सीखना है ना सिर्फ वही रुकेंगे आज कोई रुकेगा नहीं अगर एक बंदा भी रुक गया तो मैं मान लिया कि उसी जाएगा तो मैं पता नहीं है सिंपल सी बात है यूपी पुलिस में साठ हजार दो सौ चौवालीस वैकेंसी आई है फार्म पड़ा है पचास हजार पचास लाख के प्लस यानी साठ लाख मान लो तो छे साठ हजार पे साठ लाख फार्म पड़ा 1, 1, 1, है एक हजार पे एक लाख लोग हैं उनमें सब थोड़े पढ़ने वाले हैं जितना फार्म पड़ा है ना कुछ फार्म ऐसा डाल देते हैं कि बाबू पैसा दे रहे हैं कमरा लेके कर रहा था ही फार्मा डाल दे देख ली कैसे पेपरवाह हुए चला जा कम से कम घूम ही नहीं आओ दूसरे शहर में हो तो वैसे इसमें भी आते हैं लोग ऐसा थोड़ा ऐसा पढ़ने आते हैं पाँच सौ लोग आएंगे तो उनमें पच्चीसें लोग पढ़ने वाले आएंगे मैं उन्हीं को देखता हूं बस बाकी तो चल इसलिए भी आते चलो सेटिंग हो जाएगी कोई चैटिंग वैटिंग करते हैं कोनो मिल जाएगी मिल जाएगा नंबर नंबर मिल जाएगा बस जिंदगी आगे बढ़ेगी क्या मतलब पढ़ने लिखने से चलो देखो आगे तो जरूरी है जानना आइए अब इसमें सजातीय पद जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे ठीक है बाकी के जो पद हैं वो ऐसे लिख दिए जाएंगे सजातीय पद मिलाते हैं इसमें चार घात है बाकी किसी में चार घात नहीं है तो ये बेचारा अकेले रहेगा इसमें चीज देखो ये माइनस तीन एक्स का स्क्वायर है ये प्लस में है भैया सब कुछ सेम है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा ऐसा कह सकते हो आप और कहीं किसी का कुछ नहीं हो सकता है इन्हीं का उद्धार हुआ बस और कुछ नहीं तो आप यस का फोर प्लस तीन एक्स का क्यूब माइनस नौ एक्स और माइनस नौ ये आंसर लिखोगे यही क्या है आंसर है समझ में आया ये मैंने क्या किया था गुड़ा किया था अच्छा एक इसमें सवाल है कि ये कितने घात का समीकरण है ये बताओ कितने घात का समीकरण है बताओ कोई बता पाएगा भैया एनी वन अधिकतम घात फोर है तो चार घात का है बात खत्म चलो कुछ लोग कहते हैं आवाज नहीं आ रही भाग गया क्या नहीं कहीं नहीं गया मैं कुछ मिल गया था मुझे कुछ मिल गया था मुझे खाने को इसलिए बीच बीच में हमारे साथी लोग थोड़ा बहुत कृपा करते रहते हैं चलो देखो आगे अब देखिए इसको क्या करेंगे इसको भी गुड़ा कर लेंगे चलिए आइए पहले सिर्फ पढ़ाई भी ध्यान देते हैं आप एक चीज समझिए कि हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे कमेंट पे नहीं कमेंट बाद में पढ़ेंगे हा। चलो ये दो दो पद वाला है आसान होगा यक्ष का गुड़ा करेंगे पूरे में मुझे इसका गुड़ा करके बताओ कितना आएगा जल्दी से चलो बताओ कितना आएगा कर लोगे ना पक्का देखो यक्ष का गुड़ा यक्ष में करोगे घात एक एक है जुड़ जाएगी घात फिर यक्ष का गुड़ा पांच में करोगे तो पांच यक्ष. फाइनल में से यक्ष का प्लस फाइव खत्म हाँ चिन्ह वाला बताऊंगा अभी मैं जो लोग कंफ्यूजन में होंगे कि चिन्ह वाला क्या सिस्टम है बताऊंगा भैया यक्ष का हो गया खत्म अब दो का गुड़ा करोगे पूरे में माइनस दो है वो चिन्ह के साथ ही करते हैं मल्टीपल वैसे सेम जैसे इस दुनिया में जितना अच्छा या बुरा कर्म कर रहे हो ना जब इस दुनिया से जाते हैं ना तो सब अच्छे बुरे कर्म के साथ जाते हैं ऐसा नहीं एक वैसे चले जाते हैं उसको छोड़ के जो किया धरा है लेके जाते हैं तो वैसे इनका जब गुड़ा करते हैं तो चिन्ह के साथ ही करते हैं छूटता नहीं है साथ में लगा रहता है देखो तो माइनस दो का एक्स में गुड़ा करेंगे दो एक्स माइनस पांच का गुड़ा सॉरी माइनस दो का गुड़ा प्लस पांच में करोगे तो प्लस माइनस माइनस दस माइनस दो एक्स माइनस दस समझ रहे हो ना चलो क्या इसमें कोई सजातीय पद है अगर है तो जुड़ जाएगा या घट जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा भाई साहब है ना ये दोनों बिरादरी तो है, है। तो ये प्लस है, ये है, तो प्लस है है माइनस माइनस घट जाएंगे क्या होंगे घट जाएंगे दोनों में अलग अलग प्रकार के आवेश हैं है ना और विपरीत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कमेंट में देख लो विपरीत लिंगी है वो आवेश तो उनमें जो है वो तो जानी रहे है क्या है चलो तो प्लस ये तीन यक्स और माइनस का दस ये आंसर हो गया ये द्विघात समीकरण है एक प्रकार से अगर बराबर जीरो कर दें, इनका गुणनखंड करोगे तो फिर से वो आ जाएगा भूपेश आया समझ में सभी साथी फटाफट लाइक करें और ये सीरीज विंटर बैच वाली टोटल यूट्यूब पर फ्री आएगी पूरा प्लेलिस्ट आप देखिएगा ईमानदारी से और लाइक शेयर करिएगा बस सब पढ़ाएंगे कोशिश करेंगे तीन चार महीने के अंदर उसके पहले पहले खत्म हो जाए सब बिल्कुल फ्री क्योंकि कुछ तो जिंदगी में फ्री करना चाहिए बहुत पैसा आ गया अब बच्चे ने बहुत कोर्स खरीद लिए बहुत बैच खरीद लिए ना न अब तक अट्ठाईस क्लास हो चुकी है ज्यादा से ज्यादा सत्तर क्लास होगी बस उतने में बेसिक बहुत अच्छे से एकदम एक्सप्लेन हो जाएगा नाम बेसिक है बस बाकी बेसिक से काफी ऊपर तक जाता है ये ये बिल्कुल जीरो लेवल नहीं है जोड़ घटाना ऐसे कंपटीशन में भी आते हैं छोटा मोटा ठीक है चलो हाँ चिन्ह वाला जो लफड़ा है उसको पहले क्लियर कर देता हूं देखो यहां पे चिन्ह वाला इनका कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है समझना जरा प्यार से जैसे माइनस में एक संख्या है और एक संख्या है प्लस में इनको तीन ले लो अच्छा लगता है ये माइनस है ये प्लस है तो इनका मल्टीपल होगा तो माइनस आएगा अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इनका गुड़ा होगा तब भी माइनस आएगा अगर ये प्लस है रुका रहा भैया ये एक मिनट माइनस है और यो माइनस है वो तो आएगा प्लस और एना हूँ प्लस है और एना हूँ प्लस है तब क्या होगा उल्टा कहे को लिख रहा है प्लस आप ये समझ लो कि अगर चिन्ह दोनों सेम है चाहे वो दोनों माइनस है या दोनों प्लस है तो आंसर प्लस में आता है क्या आता उससे नहीं मतलब है आता क्या है ये बड़ा डाउट होता है, है ना तो अगर चिन्ह अलग अलग हैं, तब हमेशा माइनस आता है बस इतना जान लो और यही जानना था मेन तो ये आएगा क्या पंद्रह पंद्रह तो सब में आएगा तुम्हें पता ही है बस डाउट ये था प्लस माइनस वाला इसको लिख कर रख लो जिंदगी में नोट कर लो कभी नहीं भूलना चाहिए और भूलेगा भी नहीं समझ रहे हो कि नहीं जो लोग ये कमेंट में लगे हैं ना अगर तुम किसी प्रकार के रिलेशन में हो विशेष रूप से किसी लेडीज के साथ तो तुम्हारी अगर गलती है तो तुमको तो सॉरी बोलना ही है अगर उसकी भी गलती है तब भी तुम्हें को सॉरी बोलना है और नहीं बोला तुमने तो खाने को नहीं मिलने वाला आगे दाना पानी बंद तो वैसे समझ लो और आगे मैं क्या एक्सप्लेन करूं तुम लोग ज्यादा समझ जाते हो थोड़ा बताता हूं इसलिए ज्यादा नहीं बताता हूं चलो ठोका छोड़ो ये सब आगे बढ़े तो ये इतना हो गया अब जो है इसमें एक चीज और एक चीज और बताना है रुकना थोड़ा सा सबर करना बताता हूं देखो यहां पे जैसे अगर यहां पर प्लस पच्चीस है और माइनस का दस है तो इसका आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा अगर यहां पर पच्चीस है यहां पर दस है तो इसका आंसर माइनस में आएगा इसका मतलब जानते हो हम्म इसका मतलब ये होता है कि जो संख्या बड़ी है उसके सामने जो चिन्ह है आंसर में वही चिन्ह लगता है इसको कोई बताता नहीं कहीं कहीं नहीं बताता है और अगर ये आपको नहीं आता तो कैलकुलेशन कभी नहीं आता है सब सत्यानाश हो जाता है एक चिन्ह गड़बड़ हुआ कि पूरा सवाल का आंसर उलट गया आ? अगर एक चिन्ह अंतर हुआ गणित में तो सैंतीस की जगह तिहत्तर उत्तर हो जाएगा जान लेना और सैतीस और तिहत्तर में बहुत अंतर है यह छोटी चीज मत समझना जिनको नहीं आता ना उनके लिए ये अदृश्य चीजें हैं ये अमूल्य कोई बताता नहीं है तो चिन्ह वही लगता है प्यारे जो संख्या बड़ी होती उसके पहले जो चिन्ह होता है बस सिंपल सा ये चीज जान लो अगर माइनस वाला है तो माइनस प्लस वाला है तो प्लस ऐसा नहीं अगर ऐसे भी होता ये माइनस -10 और प्लस का 25 ये तब भी घटता ये तब भी घटता आंसर प्लस में आता क्यों क्योंकि ये संख्या बड़ी है इसके पहले प्लस का चिन्ह है ये माइनस वाले से मतलब नहीं है तो यहां पे क्या आता प्लस में आएगा तो हर जगह 15 प्रियंका समझ में आ रहा है लक्ष्मी कुमारी नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए ईमानदारी के साथ अगर चाहे तो ना चाहे तो कोई बात ही नहीं है आइए अब मेन पॉइंट पर चलते हैं लाइन पे आओ भाई सभी तक तो, तो लाइन के बाहर चले गए थे ये बहुत ही फेवरेट क्लास है क्योंकि ये यूट्यूब पर टोटल फ्री आ रही है इसके सारे पार्ट YouTube पे आएंगे मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ आपको याद रहे ठीक है आप इसे फॉलो करें आइए सबसे पहले इनको पकड़ेंगे इनकी खोपड़ी पकड़ के और इनके साथ इनको जोड़ देंगे इनका ब्याह करवा देंगे मतलब मतलब जबरदस्ती वाला तुम्हें पता है कैसे किडनैप करके बिहार में होता है बिहार में इसे पकड़ा हुआ बियाह कहते हैं कौन कौन बिहार से है बताना अभी जिन लोगों की नौकरी लगी ना टीचर में लड़की वाले पकड़ ले जाएंगे देखना मजाक नहीं कर रहा हूं बुरा ना मानना गरियाना नहीं सर्च करना गूगल पे मिल जाएगा पकड़ा हुआ ब्याह बिहार में होता है अभी एक न्यूज पे आके रो रहा था लड़का कह रहा था उसके घर वाले मुझे पकड़ ले गए थे और ब्याह करवा दिए जबरदस्ती मैंने रखूंगा तो सावधान रहना अगर नौकरी वोकरी मिल जाए तो चलो इनका गुड़ा करेंगे पूरे में नहीं भाई हमारे सुल्तानपुर में नहीं होता है चलो देखो इधर इसका वन अपन यक्ष स्क्वायर का गुड़ा करेंगे पांच में समझना कैसे होगा या समझना इसे अच्छे से ठीक है तो ये धीरे धीरे कहा होंगे ये ऊपर हो जाएंगे या हो जाएंगे नीचे इतना एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ना एकदम चीड़ फाड़ करके जैसे पोस्टमार्टम करके दिखा देता वैफे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं इसको यक्ष की घात तीन एक्स का क्यूब बोलते हैं लेकिन आएगा कैसे कहां से आएगा वो दिखा रहा हूं पांच घात है तो इसको हम पांच बार लिख सकता हूं दिख रहा किनारे तक नीचे दो घात है भाई साहब तो दो बार इसको लिख सकते हो और एक यक्ष से एक दूसर के फिर दूसर का निपट गया ऊपर का बचा तीन बार यक्ष बचा है गिन ले सब ईमानदारी से तो तीन बार बचाया तो गुड़ा कर बात एक्स तो का तीन हो जाए तो क्या हुआ इसका गुड़ा जब इसमें किया तो हमें जो मिला उसका नाम यक्स का पावर थ्री क्यूब ठीक चलो आगे हो गया अब देखना भैया देखना अभी तो हो रहा है अभी हुआ नहीं अब इसका पकड़ के गुड़ा इसमें सारे करेंगे इसके साथ में ठीक है चलो दूसरे जगह दिखाता हूं ये एक एक स्टेप ही अपने में एक क्वेश्चन है अगर सब कुछ यही करेंगे तो ये ओवर हो जाएगा इसलिए यहां फिर निकाल निकालना जैसे वो देखो नहीं मलाई निकालते हैं दूध में से उबालते हैं फिर जमाते हैं दही बनती है फिर नैन निकलता मक्खन निकलता फिर घी निकलता लास्ट में तो यहाँ घी के रखना बस दूध नहीं यानी दस लीटर दूध से एक किलो घी निकलेगा क्या बताना भूल गया पहले हम करते थे बचपन में आइए इनको पूरे को पकड़ेंगे वन एक्स का स्क्वायर गुड़ा करेंगे सेवन एक्स में तो ये सेवन एक्स अपान एक्स का स्क्वायर देखो भैया यहां से एक एक्स कम हो जाएगा ऊपर का एक एक्स कट जाएगा कैसे होता है अब सब में नहीं एक्सप्लेन करूंगा नहीं तो रो बाद में का, आप तो नहीं बता रहे हो एक ठोरे में बता दे रहा हूं एक यक्ष से एक यक्ष निपट जाएगा सात बटा यक्ष बचेगा कहीं थोड़ा सा भी छूटा तो सब गलत हुआ याद रखना बस इतना मेन है यही मिला यही लिए इतना कुछ हुआ इतनी ओझाई के बाद ये मिला है यक्ष का क्यूब धन सात बटा यक्ष मिटा रहा हूं हो गया खत्म इनका सबका काम अभी आंसर नहीं आया अभी तो तुमने आधा का आधा किया है समझा रहा हूं तब तो इतना लंबा जा रहा है ठीक है पहले स्टेप का हो गया सेकेंड स्टेप का देखो बबू आपका होगा इसको पकड़ के मैंने पूरे में गुड़ा कर दिया जो कुछ मिला वो सामने है अब इनको हटाओ अब इनको पकड़ के इनमें पूरे में गुड़ा करेंगे मीन्स तीन का गुड़ा करेंगे ठीक है सात का गुड़ा सॉरी तीन का करेंगे तो तीन एक्स घात पांच और तीन का सात में तीन सतह इक्कीस एक्स ये हो जाएगा थ्री एक्स का फाइव प्लस ट्वेंटी वन एक्स और चिन्ह क्या रहेगा सब प्लस है तो प्लस है प्लस रहेगा हो गया खत्म आगे बढ़े चलिए इसमें क्या कोई सजातीय पद है अगर सजातीय पद है तो जुड़ घट जाएंगे नहीं है भैया सब अलग अलग बिरादर हैं। मीन्स कोई भी सजातीय नहीं है बिरादर की बात हाँ, इसीलिए हो रही है तो तीन एस घात पांच सबसे बड़की घात वाला फिर उससे कम घात वाला फिर उससे कम फिर लास्ट में सबसे कम घात वाला लिख देंगे हो गया काम खत्म आज ना बिल्कुल दिल से पढ़ाने का इसलिए मन कर रहा है क्योंकि आज ना एक ऐसी बैच चल रही है जिसमें बच्चे बड़ा इंटरेस्टेड और ये फ्री इसीलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि ना लोग लाइन लगा के लेते हैं अरे कभी काम ही आएगा लेके रखे रहेंगे कोई बात नहीं हम भी वहीं के हैं लेकिन सच्चाई है <laughs> चलिए आइए देखिए ये हो गया ना कोई डाउट नहीं ये छोटी चीज नहीं है जिनको मैथ नहीं आती ना जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से और उनकी उम्र हो गई अट्ठाईस साल छब्बीस साल ये किसी गुप्त तो रोग से कम नहीं है किसी से कह नहीं पाते है, अंदर अंदर घुटते हैं घर में भी नहीं कह पाते हैं अपनी वाले अपने वाले से भी नहीं कह पाते है, हमें नहीं आता ये सब क्योंकि बड़ी बजती महसूस होती है लेकिन ये इस तरीके के बीमारी का इलाज हमारे यहाँ होता है बिल्कुल सीक्रेट तरीके से कोई जान नहीं पाता है आप आके प्यार से पढ़िए कोई नहीं जानेगा ऋषभ पाल बेटा पहले तो तुम क्लास को क्लाफ लिखो गिलाफ लिख रहे हो चले आगे हो गया ये खत्म तो कोई डाउट ना किसी को हाँ इसमें एक चीज और बताना था क्या बताना था पता है हे यहां आया है ना ठीक देखा एक लंगड़े को कहा है इसका मतलब समझना सात बटा यक्स इसको हम लिख सकते हैं सात गुड़ा एक बटा यक्स समझना इसको इसके आगे हम लिख सकते हैं सात गुड़ा सात का माइनस वन अगर कहीं ऐसा लिखा सरमाना नहीं समझ लीजिए बहुत जरूरी चीजें हैं बेसिक बेसिक पॉइंट है ये कहीं मिलेगा नहीं एक चीज और देखो अगर ये सात बटा घात पांच लिखा होता तो इसे हम लिख सकते थे ऐसा और फाइनल में हम इसे ऐसा भी लिख सकते थे ठीक है ये सब एक का चीज है तो चाहे कहूं ई वाला लिखा है चाहे ये लिखा है मतलब एक का है दोनों संजना आपके वीडियो से पढ़कर ही दूसरे को पढ़ाती हूँ जी बहुत अच्छी बात है संजना जी वेरी गुड पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया पढ़ाना चाहिए बाकी की लड़कियां तो देखो सोशल मीडिया पे आज क्या पढ़ा रही जरूरत ही नहीं कहने की लड़के आवाज़ बंद करके देखते हैं गार्जियन ना सुन जाए ऐसी ऐसी पढ़ाई पढ़ा रही क्या ही कहूं मैं अपने मुंह से तुम सब समझ रहे हो और लोग उस कंटेंट को देखते हैं वो बहुत प्रमोट होता है यूट्यूब को लगता है बहुत अच्छा वीडियो है एक चीज़ बताऊं यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाने का तरीका अगर तुम किसी वीडियो में अगर याद हो तो लोग उसको सबको शेयर करेंगे है देखो वो तो रहा ऐसा कैसे करी आ रहा, रहा है लेकिन तुम कितने भी ज्ञान की बात बताओ अच्छी बात उसको नहीं शेयर करेंगे ना अभी मैं यही घरिया चार छह गाली नहीं नहीं देखो ये वीडियो वायरल हो जाएगा फिर कर रहे ये तो मास्टर होके रहा है ऐसे कैसे और है मजा आता है इंटरेस्टिंग होता है भैया ये सब ये क्या होता है इससे गलत चीजें प्रमोट होती है लेकिन मैं कुछ क्या ही कहूं चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ये कहां पहुंच गए हम आइए इसको कितने लोग कर लेंगे ईमानदारी से बताइए कितने लोग कर लेंगे इसको बताइए संजीत पांडे कह रहे हैं क्या सैंतीस के बाद मैथ सीख सकते हैं संजीत जी हमारे यहां पढ़ने वाले कैंडिडेट में पैंसठ साल के भी लोग हैं जो हमें खुद आशीर्वाद देते हैं वो अपने नाती पोते को पढ़ाते हैं अभी प्रतापगढ़ से एक दादाजी कॉल किए थे एक दिन मैं खुद ही बात किया था इसके पहले अभी मध्य प्रदेश के सिवनी से एक दिन कॉल आई थी वो भी बोल रहे थे कि मैं पचास साल का हूं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूं। सर मैं देखता हूं मैं आर्मी से रिटायर हूं तो ऐसे ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चों के बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी देखते हैं ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ नहीं आता उनका कुछ अलग रास्ता था वो जब इस उम्र में थे तो उनके जमाने में ये सब इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं था जी जी आज के पचास साठ साल पहले समझ रहे हो तो इसमें उम्र का कोई दोष नहीं है सीखने की कोई उम्र नहीं होती लिख के रख लीजिए कुछ भी भी चीज कभी सीख सकते हो माननीय प्रधानमंत्री कितनी उम्र में बने वो अठारह साल में नहीं बने ना इतने देश का दौरा किए जहां जाते हैं वहीं की वेशभूषा वहीं की भाषा में बात करते हैं बोलते हैं कैसे मुझे तो लगता है काफी चीजें सीखा उन्होंने क्यों दिमाग हमेशा है वही रहता है आत्मा वही रहती है शरीर पुरानी होती है ठीक है तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है हाँ एनर्जी बॉडी में कम ज्यादा हो जाती है वो अलग बात है तो ये मत सोचना कभी कि ज्यादा उम्र हो गई इसलिए नहीं सीख सकते हैं सीखने को आप कभी भी सीख सकते हो कुछ भी सीख सकते हो फीडबैक वाले सेक्शन में जाके देखिएगा बहुत से युवाओं ने वीडियो बना के भेजा है हमारे यहाँ पढ़ने वाले कक्षा पाँच के नहीं होते हैं अठारह प्लस होते हैं और यहाँ अठारह प्लस का कंटेंट का मतलब लोग कुछ और समझते हैं लेकिन हमारे यहाँ जितने भी लोग पढ़ते हैं स्पेशली अप्लीकेशन में डेढ़ लाख से अधिक बच्चे कोर्स लिए होंगे जो भी आज तक सब अठारह प्लस होते हैं अठारह बाईस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चालीस पैंतालीस साठ सत्तर सत्तर तक तो, तो नहीं ज़्यादा फेंक दिया मतलब जो मैंने बताया था ना साठ तक ऐसे ही क्योंकि मेरे पास कॉल आई इसलिए मैं जानता हूँ नहीं तो मुझे नहीं पता था तो वो खुद थोड़ी कोई परीक्षा देंगे बच्चों को पढ़ाते हैं नॉलेज के लिए पढ़ते हैं इंटरेस्ट है घर में बैठे हैं खाली हैं, तो क्या करें कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, अच्छी बात है आइए इसको कर लेंगे कितने लोग कर लेंगे बताइए चलिए वाई स्क्वायर का गुड़ा करेंगे किस में पूरे में करना है ठीक है तो ये एक ही स्टेप में हो जाएगा पूरे में क्योंकि इसके साथ और कोई नहीं अकेला है वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर देखो भैया ऐसे हो गुड़ा करने पे घाते जुड़ जाती हैं तो इसकी दो घात और इसकी दो घात जुड़ जाएगी प्यारे तो ये दो धन दो ये वाई का पावर फोर हो जाएगा कितना हो जाएगा फोर तो यहां पे आप लिखोगे वाई का पावर फोर गणित में सबसे कठिन यही चीज है मुझे जहां तक लगता है जो बेसिक वाले हैं सबसे कठिन यही है इससे आसान सब कुछ है सबसे कठिन वाला यही है अगर आप ये सीख गए ना पांच परसेंट भी सीख गए जान लो आप सीख गए मैं इसको फिर से पढ़ा दूंगा कोई बात नहीं इसका बहुत सारा क्लास है आप कमेंट करना दे देंगे कुछ लोग सोच रहे होंगे लगातार पढ़ा का बीच में बोलते काहे को क्योंकि यहाँ भागम भाग थोड़ी लगी है जिसको जल्दी थी वो चले गए समझ रहे हो जल्दी नहीं है बस सीखना है आइए इसका इसमें हो गया अब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो इसका गुणांक वन है तो दो का गुणा वन में होगा तो दो ही रहेगा y का स्क्वायर और y का पावर वन गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं तो दो घात एक घात जुड़ेगी तो y का घात हो जाएगा तीन कितना हो जाएगा भैया तीन हो जाएगा बीच में चिन्ह कौन सा रहेगा हिया भी प्लस था ये भी प्लस ही था ना तो प्लस ही रहेगा दुवाई तीन खत्म का खत्म अभी एक और बचा है अब इसका गुड़ा करोगे लास्ट वाले में वाई स्क्वायर का तीन में गुड़ा करोगे भाई साहब तीन वाई स्क्वायर क्या इसमें कोई सजातीय है जो जुड़ घट सके नहीं ना कोई सजातीय पद नहीं है और ये सीरियल से भी है घटते क्रम में इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे बस यही आंसर हो जाएगा इसमें फिर से वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो फिर से ऊपर वाला आ जाएगा कॉमन लेना जानते हो बताऊंगा वो भी आएगा टाइम तो ठीक है किसी को कोई डाउट तो कमेंट करिए एनी डाउट नीचे नंबर चल रहा है बाबू जिनको कुछ भी कहना है इंक्वायरी करिएगा दिन में मैम आपको सब कुछ बताएंगी इसीलिए वो हैं ठीक है दिन में फोन करना या मैसेज करना इसे प्यार से देखिए स्क्रीन ले लीजिए जल्दी से ये बैच में आपको 2500 हजार पाँच नहीं जमा करना बिल्कुल फ्री होगा बस आपको सिर्फ लाइक शेयर करना है ईमानदारी से झूठ बोलना नहीं है क्योंकि झूठ बड़ी खतरनाक चीज़ होती है आइए इसका कितने लोग कर लेंगे ईमानदारी से बात बताना हाँ या ना अगर आपको लगता है ये मल्टीपल कर लोगे तो एक बार हाँ बोलना कमेंट में नहीं लगता है नहीं कर पाओगे तो ना लेकिन बोलना जरूर मुंह में दही जमा के ना बैठना वैसे भी ठंडी का माहौल है आइए देखिए ये सबसे पहला पद हम पकड़ेंगे इसको पकड़ेंगे और इसके साथ इसका गुड़ा करवाएंगे जिनको घेर रहे हैं ठीक है इन दोनों का बंधन हो जाएगा देखो कैसे समझना मैंने आपको पहले भी बताया एक बार फिर से बता दूं क्योंकि आसान टॉपिक नहीं है थोड़ा सा दमदार है अगर हमें ऐसे गुड़ा करना है भैया ऐसे करना है ना तो गुड़ा में हमेशा गुड़ांक का गुड़ा होता है और तुम कहोगे ये गुड़ांक कौन सा नया नाम है गुड़ांक को इंग्लिश में कॉपीसियंट बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉपीसियंट जितना हमें अंग्रेजी आवा था इतने बोल सके बस अब गुड़ांक का आएगा देखो जैसे नौ घात पांच इसमें यक्ष का पावर फाइव का गुणांक क्या है अरे यक्ष का पावर फाइव के साथ में जो लगा हुआ वही मीन्स ये नौ है यक्स फाइव का गुणांक क्या है नाइन है अच्छा इतना गंदा का है को लिख रहा है ये वाई है लास्ट में ये बता इसमें वाई का गुणांक क्या है वाई का गुणांक क्या है कॉफिशियंट क्या है अरे वाई के साथ जो लगा है वाई को छोड़कर ही सब गुणांक है जैसे आप नहीं सोचते हो हम ही को छोड़कर पूरी दुनिया खराब है हम ही सबसे अच्छे हैं हम अच्छे हैं स्वाभिमान की बात है लेकिन हम ही अच्छे हैं सिर्फ हम ही अच्छे हैं ये अभिमान की बात है। चले आगे तो ये क्या हो जाएगा ये इसका गुणांक है नौ एक्स का क्यूब आप समझना गुणांक समझ गए चलो पीछे आओ बैक हाँ तो मैं ये कह रहा था कि गुड़ा करने पर सिर्फ गुणांक का गुड़ा होता है बस तो यहां गुणांक सात है यहां तीन है तो ये हो जाएगा ये खत्म घातांक जो होते हैं अगर आधार बराबर है तो जुड़ जाते हैं ठीक है जैसे देखो इसमें आधार क्या है यक्स है इसमें भी यक्ष है तो जुड़ जाएगा इसकी एक घात इसकी दो घात हो जाएगा तीन घात तुमको क्या लगता है ये छोटी चीज थी का इतना लाना जिनको नहीं आता किसी ये अच्छा प्रश्न से कम नहीं है समझ में आ गया ना अगर तुम्हें ये इतना सिर्फ समझ में आ गया तो जान लो गणित आ गई सिर्फ इतना बस छोटी छोटी चीजों से ना जीत हासिल करिए बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे अगर साइकिल से भी जा रहे हैं ना आगे कार जा रही अगर ब्रेकर आ गया और रुकी तो हम उससे आगे हो गए मुझे लगा मैंने कार को पीछे कर दिया ये रियल वाली खुशी है समझ रहे हो तो वैसे छोटी छोटी खुशियों में खुश रहिए आइए इनका गुड़ा करेंगे तो दो पंचे दस सही कर रहा हूं ना मैं हाँ बता दिया मैंने पॉइंट की बात अब इसको देखो दो पंचे दस इसमें दो घात है इसमें एक घात है तो दो घात और एक घात क्या होगी जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा यक्स का पावर थ्री और वाई का इसमें कुछ नहीं है तो वाई ऐसे रहेगा फाइनल में ये दस यक्स थ्री और वाई हो जाएगा ठीक है आया समझ में नो डाउट अच्छा कुछ लोगों के मन में एक भ्रम है वो कहा है कि भैया अगर ये सजातीय नहीं है तब का होगा अगर ये सजातीय नहीं है तब का होगा तब का होगा देखो इनका गुड़ा कर लेंगे अंकों का ये पंद्रह हो जाएगा क्या इसमें और वाई की घात जुड़ेंगे आपस में नहीं जुड़ेंगे ये अलग अलग बिरादरी के हैं समाज नहीं मानता इनका भी नहीं हो सकता है अशुभ हो जाएगा तो क्या होगा पता है ये मैं इसलिए बोल रहा हूं अलग अलग यहाँ बिरादरी का मतलब ये है जो यक्ष वाले जितने पद हैं वो एक बिरादरी के हैं मतलब एक जाति के हैं अगर अगला भी यक्ष में है तो उसको सजातीय है बोलते हैं लाइक टर्म्स लेकिन ये यक्ष में है वो वाई में है ये यक्ष में है वो पी में है ये यक्ष में है वो डी में है तो ये सब बिजाती हैं उनकी घाते दूसरे से नहीं जुड़ती हैं समझ रहे हो कि नहीं हाँ मान लीजिए कि आपके कोई दोस्त हैं कोई फ्रेंड है दोस्ती किस में होती है जो या तो नित दोनों दुष्ट टाइप के हैं या तो दोनों बहुत अच्छे हैं अगर एक बहुत पढ़ने लिखने वाला है और एक बहुत लखा टाइप का है समझ रहे हो लत्ता टाइप का तो दोनों में ज्यादा दोस्ती नहीं चलने वाली है लेकिन या तो दोनों बहुत बढ़िया मेहनत करने वाले हैं या दोनों बर्बाद हैं ज्यादातर यही होता है ना मैं सिर्फ सेम जेंडर की बात कर रहा हूँ अपोजिट जेंडर में तो कुछ और वजह से हो जाती है वो अलग बात है तुम सब समझ रहे हो उसमें चाहे तुम्हारे बात विचार मिले या ना मिले लेकिन उद्देश्य कुछ और मिलने का होता है है ना तो सेम चीजें कुछ मैच होती हैं तभी कुछ बात आगे बढ़ती है ऐसी चीजों में तो यहां पर क्या है इसमें यक्ष का पावर क्या है दो है वाई का क्या है तीन है वो अपनी अपनी जगह रहेगी ये गुड़ा ऐसे रहेगा ऐसे मतलब घात आपस में ना जुड़ेगी ना घटेगी अपने अपने साथ रहेंगे सब बस बात समझ में आया ना हम्म नो डाउट अगर सेम घाते होती तो जुड़ जाता ये भी एक्स ये भी होता तो घात टोटल पांच हो जाती एक्स की लेकिन वाला के जुड़ेगा नहीं सब एक दूसरे से संबंधित हैं अगर सीखोगे तो आओ चलो आगे खत्म तो मैंने इसका गुड़ा पूरे का इसमें कर दिया था यह स्टेप खत्म हो गया था अब आगे बढ़ेंगे पहले का गुड़ा मैंने इसमें कर दिया अब इसको पहले को फिर से पकड़ेंगे इसमें गुड़ा करेंगे भाई साहब तो दो यक्स स्क्वायर वाई इसका गुड़ा सात में करेंगे सात का दो में गुड़ा होगा चौदह इसके साथ कोई यक्स वाई नहीं है तो ये आफे का ऐसे उतर जाएगा और ये प्लस में था ये भी प्लस में था तो प्लस हो जाएगा फोर्टीन खत्म अब तुम्हें क्या लगता है इतना ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे दिन भर? हो गया? एक स्टेप खत्म। अब हमने इसको पकड़ के दोनों में गुड़ा कर दिया अब इस सात से भी दोनों में गुड़ा कर देंगे ठीक है तो सात एक्स का पांच में गुड़ा करेंगे तो सात पचे पैंतीस एक्स का स्क्वायर और सात एक्स का गुड़ा सात में करेंगे तो सात सता उनचास होता है जल्दी से हल करना सजातीय पद कोई है यक्ष का तीन घात है इसमें कहीं तीन घात नहीं है भैया दो घात में घात, लेकिन वाई, है, इसमें वाई नहीं है कोई सजातीय नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा ये बहुत आसान नहीं है हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक बार सिर्फ एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पी स्टडी में और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और मेरी आवाज क्लियर आ रही है एक बार कमेंट करके बता दें यस सब बढ़िया चल रहा है आपकी बहुत ही फेवरेट और यूट्यूब की टोटल फ्री वाली बैच है इसमें आपको वो सब फ्री पढ़ाया जाएगा जो आपको पैसे जमा करके यहां पर कोर्स लेना पड़ता है बस आपको सिर्फ और सिर्फ इस बैच को फॉलो करना है इस थमनल के अकॉर्डिंग विंटर बैच नाम है इसका कल आपने यह पढ़ा था क्या पढ़ा था कल आपने पढ़ा था कि अगर तीन यक्स स्क्वायर का गुड़ा कर दें वन अपॉन यू फाइव वाई से तो इसका आंसर क्या आएगा ये आप सीख चुके हो ईमानदारी के साथ बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बताओ कि समझ में आया कि नहीं पक्का सीख गए ना भैया किसी को कोनो डाउट कोनो तकलीफ है हमें दुख दर्द नहीं कोनो तकलीफ तो बता दो हाँ ऐसी दिक्कत है हमें बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बताओ कि समझ में आया चलें फिर आगे हम ठीक है आइए लगभग बच्चे कमेंट कर दिए हैं नहीं किए कोई बात नहीं अभी स्टार्ट हुआ है जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको भी आ जाएगा बहुत अच्छा अब आ रिटर्न होगी तो बता देना यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर खत्म तीन का पांच में गुड़ा हो जाएगा तो पंद्रह और वाई ये अकेले आंसर आएगा ठीक है इसमें कुछ नहीं था बहुत ज्यादा आज पढ़ेंगे इन्हीं का भाग करना क्या पढ़ेंगे भाग सेकेंड जैसे नौ एक्स वाई स्क्वायर इंटू वन अपान एक्स इंटू तीन वाई ये कितना आएगा मेरी आवाज थोड़ा रिटर्न हो रही तो मैं थोड़ा सा सही करता हूं रुकना आधा मिनट इसको बताओ तब तक सभी कितना चलो बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आओ चलो उन्तीस नंबर क्लास है ये बच्चा पिंकी कमेंट आ रहा है खुशी सिंह अमनदीप ललित नैना यादव मोहित पंकज प्रदीप टून कुमार राहुल सिंह और पंकज ड्रीम गर्ल समर खान आकांक्षा सभी जाग रहे हो कोई सोया तो नहीं ना अभी चलो इसमें यक्स से यक्स आप क्या करोगे डिवाइड कर सकते हो तीन का नौ में गुड़ा होगा तो नौ त्रिक सत्ताईस वाई का पावर यन है यहां पर टू है सॉरी वन और टू कितना जाएगा थ्री वाई का थ्री यक्स हो गया खत्म यही आंसर है आज पढ़ेंगे भाग करना क्या पढ़ेंगे बच्चा भाग करना पढ़ेंगे ठीक है आइए ठीक है भाग करना सीखते हैं फिर चलो हेडिंग लिखिए चाहे ऐसे समीकरणों या बहुपदों का भाग एक चीज समझ लीजिए यह बहुत जीरो लेवल नहीं है बहुत स्टैंडर्ड लेवल का है एक प्रकार से अगर आप बहुत ईमानदारी के साथ नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ये को पहले क्लियर कर लो जो कमेंट में सोना बाबू कर रहे हैं और वैसे भी कुछ कर रहे हैं इस तरह की हरकत उनको कभी नहीं आएगा इसलिए सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो चलो देखो जैसे पहला जैसे 18 एक्स वाई ठीक है इसको अगर डिवाइड करेंगे प्यारे साथी से तो कितना आएगा बहुत छोटा सा है एकदम स्टार्टिंग वाला देखो बताता हूं बहुत इजी है इसको करने का दो तरीका है फर्स्ट मेथड है कि आप इसको लिख सकते हो अठारह एक्स वाई अपान छे एक्स इनका आप गुणनखंड कर दीजिए कुछ उस रूप में तोड़िए जिस रूप में नीचे वाला नंबर है जिससे वो डिवाइड हो सके आप चाहें तो इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ें लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है हल करने का सही तरीका यही है कि इनके रूप में तोड़ो छ के रूप में तो अठारह को छ के रूप में हम ऐसा लिख सकता हूं और यक्स वाई को दो बार गुड़ा कर दिया नीचे इनको भी क्या किया मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया अब छे से छे खत्म क्स से यक्स खत्म भैया वो तीन बचा है और वाई बचा है तो कितना हो जाए तीन वाई जिनको गणित नहीं आती बड़ा गुप्त रोग से ज्यादा समस्या वाला चीज है ये ना? बहुत अच्छी चीज नहीं है ये मतलब जिनको नहीं आती उनके लिए बाकी इंपॉर्टेंट तो बहुत है बिना इसके कहीं कुछ होने वाला नहीं है कुछ लोग इसको एडवांस मैथ्स में बोलते हैं बातचीत करने वाले सावधान रहे ब्लॉक हो जाएंगे और नंबर नीचे चल रहा है कुछ भी इंक्वायरी है उस पर पूछिए कमेंट पढ़ूंगा लास्ट के दस मिनट अगर अगले तीस मिनट तक रहोगे तब नहीं तो जाना है तो जाओ चलो इसको बता दो भैया इसी में लगे हाथ फोर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई मेरे भाई है सेवन एक्स वाई क्या इसको आप बता लोगे अब इसको मत देखो इसको मैं इसे छाप लिया हूं चलो उसको देखो बता लोगे क्या मुश्किल है क्या गड़बड़ है आ जाएगा देखो बहुत आसान है पहले एक तरीका बता रहा हूं दूसरा तरीका बताऊंगा आगे दिए गए नंबर को आप ऐसे प्यार से लिखोगे पूरी इज्जत सम्मान के साथ जैसे लिखा है ठीक है क्योंकि आपको पता है भाग का चिन्ह लगा है सब बटा में लिख सकता हूं अब इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए उसके पहले जगह कर लीजिए यहां सकेत हम ध्यान कर रखे हैं सात के रूप में इसको ओपन करेंगे तो सात गुड़े छह लिख सकता हूं और इसको यक्स यक्स और वाई ऐसा इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि यक्स का स्क्वायर है तो उसे टू टाइम लिखा जा सकता है और वाई अकेला था अकेला लिख दिया कोई तकलीफ किसी का कोई दर्द इसको लेकर दुख दर्द नहीं ना पक्का आ गया चलो मैंने यक्स वाई को मल्टीपल लगा के लिख दिया बात खत्म अब कहा खत्म अब तो सब बाकी है सेवन से सेवन कैंसिल एक्स से एक, और एक वाई से एक वाई जितना बचा है वह एक बटोर के लिख दिया बस खत्म आंसर है ना कितना आसान तो ऊपर बचा है सिक्स और एक यक्स बचा है तो भैया हो हो जाए यही आंसर हुए हो। और कुछ नहीं है ना आसान मजेदार पहले बताओ एक बार देख लो एक बार में एक नजर में देखो एक नजर में देखो लिख लो भैया स्क्रीन ले लो वो भी समझ में आ रहा है गुड्डी आ रहा है समझ में आरिफ मलिक जिनको सीखना है क्लास को पूरा देखना मैं बार बार यही कहूंगा और जिनको नहीं सीखना है कुछ भी कर लो जिंदगी में हमसे कहा मतलब चलो अगला आइए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं अगर तुम्हें लगता है कि आ गया तो कोई बात नहीं बता दो एक ठीक और नहीं लगता नहीं आया तो फिर आइए हम आपके साथ हैं इसका मान क्या होगा भाई साहब आपके ऑप्शन आप ले लो थी तुम चलो ये ऑप्शन है बताओ हो चलो जिनको लगता है थ्री में नाट इनमें से कोई नहीं है तो वो लिखेंगे थ्री डी कमेंट में जिनको लगता है ये वाला आंसर है वो कमेंट में लिखेंगे थ्री ए तुम्हें इतना पूरा नहीं लिखना है आइए बहुत अच्छा इसका सबसे पहला अगर कोई जवाब दिया है तो उनका नाम है आ, सुमन कुमार सत्या राहुल ने गलत बताया है तरीका भी गलत था आरिफ बहुत अच्छा बच्चा वेरी गुड एक बार मैं फिर से याद दिला दूं ये विंटर बैच यूट्यूब पर टोटल फ्री पढ़ाया जाएगा अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो हम इसमें पूरा पेमेंट वाली क्लास जो आप करते हो पेड बैच पूरा फ्री देंगे आपको पहले तो क्लास को लाइक करना होगा डेली और दूसरा आपको कम से कम पांच सात जगह शेयर करना होगा जो भी आपके ग्रुप वगैरह हो। व्हाट्सएप स्टेटस में लिंक लगाएंगे क्लास के कोई डाउट होगा कमेंट करेंगे इस बैच का सारा कमेंट रिप्लाई हम खुद करते हैं बाकी और का तुम्हारे तो साथ ही लोग करते हैं टीम लोग टीम वाले अगर आप एग्री हैं इतना करेंगे तो आपको सारे बैच इसके सारे पार्ट मिलेंगे लाइव सत्तर क्लास के अंदर सारे खत्म हो जाएंगे तीस क्लास लगभग हो रही ना? आज नंबर बाकी आपकी इच्छा अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो एप्लीकेशन में सिर्फ -फट। पढ़ना है, कुछ नहीं करना इसको हम ऐसे नीचे जैसे लिख रहे हैं ऐसा लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं इनको थोड़ा सा ओपन करेंगे नीचे कोई नंबर तो है नहीं तो इन्हें हम ऐसा लिख सकता हूं चौवालीस को मैंने इसलिए तोड़ा नहीं भाई साहब से यक्स खत्म हो जाएगा वाई से वाई निपट जाएगा जेड से जेड निपट जाएगा यक्स से एक यक्स ऊपर का कैंसिल हो गया बट ये दो भाई थे अभी छोटका भैया इनका बचा है तो चौवालीस यक्स आंसर आएगा सब एक समझ में आया तो एक बार हाँ बोल दीजिए और पूरा स्क्रीन देख लीजिए जल्दी देखिए स्क्रीन साढ़ लीजिए आगे बढ़ते हैं दीपक समझ में आ रहा है ठीक है राम यादव तो आ रहा है समझ में चलिए बहुत अच्छा वेरी गुड तो ये बहुत ही स्टार्टिंग वाले फंडे हैं अभी जो हो रहे हैं मुझे लगता है आपको अभी समझाना चाहिए क्वेश्चन बाद में देना चाहिए अभी आप नादान हैं थोड़ा छोटे छोटे हैं हम्म चलो थोड़ा रंगीन कर देते हैं ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में थोड़ा रंग भरते हैं आइए ये बताइए बारह एक्स पी एंड जेड का स्क्वायर और इसको अगर हम डिवाइड बाई कर दें क्या चौबीस एक्स जेड तो क्या आएगा आंसर कितने लोग कर लेंगे बहुत आसान है एकदम हलवा है देखो ना कैसे करेंगे आओ समझो सबसे पहले आपको दिया गया जो फर्स्ट पद है उसको लिखना है बिल्कुल पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ और आपको सबको पता है कि अगर डिवाइड बाई एफ ए तीन लिखा है तो इसको हम छः बटा तीन लिख दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है और हाँ अगर एक हम छः अनुपात तीन लिख दी तब वो सही है कोनो दिक्कत नहीं है ये तीनों एक है तीनों मतलब एक है आइए तो उसी क्रम में हम इस भाग वाले को इसके नीचे ला सकते हैं ठीक है भैया थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा नीचे वाला क्योंकि नीचे वाली गिनती बड़ी है ऊपर वाले में जेड दो बार था तो मैंने इसको स्क्वायर था दो बार लिख दिया चौबीस को हम बारह के रूप में तोड़ेंगे तो बारह कूड़े दो लिख सकते हैं नीचे यक्स था फिर पी था फिर जेड था जेड से जेड कैंसिल पी से पी निपट गए यक्स से यक्स निपट गए बारह से बारह निपट गए भैया बचा कहा हो गिनती में अगर आप देखो आचर पद में तो एक बटा दो बचा है इधर एक बचा है इधर दो बचा है तो क्या बचा एक बटा दो यक्ष जो है ये तो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं इनका खानदान खत्म हो गया और पी का भी कोई नहीं बचा ये भी सब खत्म जेड के अभी एक बचे हैं तो एक बटा दू जेड इसका आंसर आएगा किसी को कोई डाउट नहीं कोई तकलीफ नहीं कोई दुख दर्द नहीं नो डाउट नो दिक्कत नो no तकलीफ चलो फिर आगे बढ़े नहीं समझ में आ आगे आएगा क्यों आ रहा समझ में दीपक यादव साजदा परवीन पांच नंबर में आ जाओ आइए देखिए नौ बटा पांच ए स्क्वायर बी सी डिवाइड बाई अठारह बटा पच्चीस बी स्क्वायर सी का मान बताओ कितने लोग कर लोगे एक बार मैं फिर से याद दिला दू कि अगर आप रियल में गणित सीखना चाहते हैं तो क्लास को पूरा देखना छोड़ के न जाना सिखाने की पूरी गारंटी होगी और अगर आप नहीं टिक सकते हो नहीं रुक सकते हो नहीं धैर्य है तो आगे कुछ हो नहीं सकता है पूरे दावे के साथ कह सकता हूं यूट्यूब पर देखना तो पी स्टडी में साढ़े पांच लाख से अधिक बच्चे जुड़े हैं सिर्फ बेसिक पढ़ाते हैं और डेली क्लास चलती है बाकी कोई चैनल पे अगर कितना भी बड़ा होगा आपको पूरा खिचड़ी मिलता है हर एक क्लास का हर एक कोर्स हर एक सेमेस्टर हर चीजें क्योंकि वहां पर पैसा ज्यादा मिलता है हुँ? तो यहाँ पर एक ही टारगेट है कि हर किसी को गणित सिखाना है जिनको गणित में कुछ भी नहीं आता भले वो अड़तालीस साल के हैं पचास साल के हैं फिर भी उन्हें सिखाना है वो सीख सकते हैं अगर पूरा देखोगे किन हो जाएगा बाकी आपकी इच्छा आइए इसको हम ऐसे पूरा का पूरा उतार दिए भाग का चिन्ह की जगह पे हम इसे बटन में लिख देंगे कोई डाउट नहीं इतने में किसी को नहीं साजदा परवीन ठीक है बहुत अच्छा राहुल आरिफ संदीप चलो भैया ऑलराउंडर इसको थोड़ा सा अब हम एक्सप्लेन करेंगे मीन्स इसको थोड़ा सा एक्सपेंडिंग फॉर्म में करेंगे तो नौ बटा पांच पहले तो आप इसको हल कर लीजिए जो भिन्न भिन्न है फ्रैक्शन पहले हल कर लीजिए फिर जो आंसर आए लिख देते हैं ठीक है तो हम नौ बटा पांच और अठारह बटा पच्चीस पहले हल करते हैं समझिए एक्चुअली क्या है ये एक दूसरे के भाग के रूप में है बताओ है ना ये भाग के रूप में है नीचे ऊपर है हमने और चीजें छोड़ दिया अभी समझने के लिए तो हम इन्हें ये भी तो कर सकते हैं भैया अगर ये भाग के रूप में है तो हम इन्हें ऐसे भी तो लिख सकता हूं लिख सकता हूं ना यहां पर मैं भाग का चिन्ह लगा सकता हूं अभी सिर्फ समझना मैं क्या कर रहा हूं अभी मैं सिर्फ इतना हल कर रहा हूं इतना इतना कर रहा हूं बाकी चीज छोड़ के आओ भाग का चिन्ह हटाते हैं तो गुड़ा का चिन्ह लग जाता है सबको पता है और ये फ्रैक्शन जाएगा पलट नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे हो जाएगा ये तुम्हें सबको पता है नाइन से डिवाइड करोगे नौ एक कम नौ नौ दू ना अठारह पांच एक कम पांच एंड पचम पच्चीस भैया पांच बटा दो आएगा फाइनल में इसकी जगह पे और कुछ नहीं ठीक क्या आएगा पांच बटा दो तो अब यहां के अकॉर्डिंग आप एक चीज और समझ लो पता है क्या है ये समझ लो कि ऐसी स्थिति में हम पांच से पच्चीस काट सकते हैं और क्यों काट सकते हैं उसका नमूना सामने है यानी दोनों भिन्न के हर से हर आपस में डिवाइड हो जाएंगे अंश से अंश डिवाइड हो जाएंगे समझ रहे हो भाग में है तो, तो नौ एक कम नौ नौ दूना अठारह ठीक अब यह पलट जाएगा एक मिनट पाँच एक कम पांच पचम पचीस ये पांच आएगा नीचे यार ठीक समझ में आया फिर जो बचेगा वो भिन्न पलट जाती है जैसे यहाँ पे दो बट दो पाँच बचा है ना तो दो पाँच क्या होगा पलट जाएगा ये तो कितना आएगा पांच बटा दो ये क्यों पलट जाएगा मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ इसको अलग किया हूँ जो परिणाम आया दिख रहा है आपको ठीक समझ गए भैया तो क्या होगा ये पांच बटा दो बचेगा अब इसको यहाँ नहीं लिखेंगे ये समझने वाला भाग था तो पांच बटा दो हम फाइनल में लिखेंगे एक चीज और समझना यहां पर सी है सिंगल सिंगल सी से सी डिवाइड हो जाएगा खत्म बी की घात देखो यहां पर एक है यहां पर दो है समझना बी बटा बी का स्क्वायर है देखो यहां पे समझो आ रुक जा यार देखो बी बटा बी का स्क्वायर का मतलब क्या है इसे आप ऐसा लिख सकते हो बी से भी डिवाइड हो जाएगा तो वन अपान बी बचेगा क्या बचेगा वन अपान बी ठीक है इनकी मुसीबत दूर हो गई इन्हें लिख लो वन अपान बी भैया ए में देखो तो नीचे कुछ नहीं ऊपर अकेले ये लहरा रहा है ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर ऐसे इसी के साथ में आप लगा दोगे खत्म ये हो तो गया फाइनल बट इसको अभी हम सीरियल क्रम में लिखेंगे ठीक है ए बटा बी भी, भी आप लिख सकते हो उसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो किसी को कोई डाउट नहीं जिनको रियल में गणित सीखना है उनके लिए है जो ऐसे टाइम पास करने आए हैं थोड़ा सा बातचीत हो जाए चैटिंग वेटिंग हो जाए थोड़ा सेटिंग वोटिंग हो जाए कहीं तो फिर उनके लिए कुछ नहीं है मनीषा समझ में आ रहा है दीपक आ रहा है समझ में एक बार फिर से याद दिला दें ये बैच यूट्यूब पर टोटल फ्री पढ़ाया जाएगा इसमें कोई चार्ज कभी नहीं लगेगा अगर आप इस बैच के सारे भाग देखेंगे तो मैथ पूरा सीख जाएंगे नहीं मिलता है कोई पार्ट वीडियो में कमेंट करिए इसमें फ़ोन वाली कोई हेल्प नहीं मिलती इस पार्ट में कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई मैं खुद करता हूँ फ़ोन में लिए रहता हूँ जितना कमेंट आता मैं खुद देखता रहता हूँ वीडियो का लेकिन नंबर पर मैं नहीं बात करता हूँ और ना मैं मैसेज रिप्लाई करूँ चलो अगला है सिंपल सा नंबर ले लो भाई पच्चीस ए बी सी डिवाइड भाई पचास पी स्क्वायर ए बी स्क्वायर का मान क्या आएगा नहीं कर पाओगे मैं बता रहा हूं समझने की बात है बस टेंशन नहीं लेना किसी को चलो भैया आगे बढ़ते हैं आइए दिया गया ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम टू सेम वैसे लिख लेंगे जैसे लिखा है नीचे क्या करेंगे बटे का चिन्ह लगाएंगे मीन्स भाग करेंगे पचास पी स्क्वायर ए बी स्क्वायर जो भी था मैंने लिख दिया अब पहले इनमें जो चर पद है उनको हल कर लेंगे गिनती वाले तो ऊपर पच्चीस नीचे पचास इनको पहले निपटा ले आके जो आए उसको लिख लो फिर आगे कुछ करते हैं बाद में तुम्हें सबको पता है टू आएगा कितना आएगा वन अपान टू काम खत्म देखो बी का स्क्वायर यहां भी है यहां भी है यह खत्म कुछ नहीं बचा यहां पर सी है यहां पर कहीं सी नहीं दूर दूर तक यहां पर ए है यहां पर भी ए है तो ए से ए भी खत्म वेरिएबल्स में देखो कुछ और बचा है ऊपर सी बचा है नीचे पी का स्क्वायर बचा है तो हम लिखेंगे सी बटा पी का स्क्वायर फाइनल में यू कैन से सी अपॉन टू पी स्क्वायर आंसर कोई डाउट ना किसी को तो बता दो कुछ लोग सी को नीचे दिखा रहे हैं अरे गधा सी ऊपर है तो नीचे कहाँ से आ जाएगा वो तो आंस में है महबूबी बेगम बेगमारा समझ में सुमन कुमार सत्या अनिल यादव बताइए कुछ कहना है कोई दिक्कत है कमेंट करो ना मैं देख तो रहा हूं खड़ा तो हूँ कमेंट देखने के लिए मुझसे नहीं बोल पाओगे उधर बोल रहे हो फलानी खाना खाई कि नहीं खाई तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो मैं सारा कमेंट देख रहा हूँ तुम्हारा जो चल रहा है लेकिन मुझ मैं बोल रहा हूँ बोलो तो नहीं बोल रहे हो हाँ उधर कमेंट में कमेंट जा रहा है फलाने बोलो कहाँ चले गए भूल गए चलो अगले सवाल की तरफ देखो सात नंबर आइए नाइन्टी फाइव पंद्रह क्स स्क्वायर वाई जेड डिवाइड बाई उन्नीस एंड पंद्रह यक्स का पावर फोर देन वाई जेड इसको कितने लोग हल कर लेंगे सबके समझ में नहीं आएगा मैं फिर से बता दूं जो क्लास को पूरा देखेंगे और कल भी पढ़ाया था इसको कल वाला भी देखेंगे और फिर मैं अभी रिपीट भी कराऊंगा उसको भी देखेंगे तो आएगा ये थोड़ा सा कठिन है मैं कह सकता हूं मुश्किल नहीं है कि नहीं आएगा थोड़ा सा मतलब अलग है नॉर्मल मैथ से तो जिनके अंदर बिल्कुल क्रिएटिव माइंड एक्टिव नहीं है हम नहीं कहेंगे नहीं है होता सबके अंदर है एक्टिव नहीं होता क्योंकि कभी वो यूज नहीं करते हैं जहाँ थोड़ा दिमाग वाला थोड़ा लफड़ा वाला काम हुआ वहाँ से हार्ट लेते हैं दिमाग नहीं लगाते हैं तो उनके दिमाग में थोड़ा जंग लगा है चलो आओ देखो सबसे पहले हम कांस्टेंट को हल करेंगे यानी ये ये और सबसे पहले इनका निपटारा करेंगे बाकी चीज बाद में करेंगे चलो देखो जैसे एंड डिवाइड और पंद्रह पहले इनको निपटा लो भैया इनको हल कर लो जो आएगा लिख दो फिर बाद में और चीज़ें। और करेंगे और चीजें भाग का चिन्ह हटा के गुड़ा लगाएंगे और ये पलट जाएगा डाउट no किसी को चलो बहुत इजी है फिफ्टीन से फिफ्टीन डिवाइड उन्नीस पंचे पंचानवे होता है क्या बताओ 5. होता है नाइनटीन फाइव या फाइव तो यहां पे फाइनल आंसर नाइन फाइव अपान वन आया है फाइव अपान वन यू कैन से ओनली फाइव क्या आया है सिर्फ पांच आया है यानी गिनती वाले का सारा लफड़ा इतना कुछ करने के बाद क्या मिला है पांच वेरिएबल वाला पार्ट पकड़िए एक्स का स्क्वायर वाई जेड इनको नीचे भिन्न के रूप में लिखेंगे पहले आंसर निकाल ले रहे हैं फिर बाद में लिखने वाला काम कर देंगे हाँ अभी आंसर निकाल रहे हैं नीचे एक्स का पावर फोर वाई जेड ठीक जेड से जेड निपट जाएगा मीन्स कैंसिल हो जाएगा मैथ की भाषा में और कट जाएगा आप लोग की भाषा में y से वाई कैंसिल हो जाएगा अब x का घात दो है यहां पर यक्ष का घात चार है कहते हैं भाग करने पर घातें घट जाती हैं तो दो में से जब माइनस चार घटाओगे तो माइनस दो आएगा हा? या फिर आप ऐसे एक काम और कर सकते हो यक्स की पावर फोर को आप x का स्क्वायर इंटू यक्स का स्क्वायर कर सकते हो बोलो कर सकते हो चार घात है नीचे इसको दो दो घात में तोड़ दिया अब ये एक निपट जाएंगे एक बचेंगे अकेले फना ले इतना बस फलाने मतलब जानते हो कि नहीं कितने लोग जानते हैं ये बचे हैं बस यानी कितना बचा और वन अपान एक्स की स्क्वायर सो so, फाइनल में आंसर आएगा पांच बटा एक्स का स्क्वायर बस यही उत्तर है लेकिन पूरी कहानी तो लिखा ही नहीं फिर आंसर ला दिया डायरेक्ट लिख देता हूं कहा जाता है समझ गए हो तुम एक बार में तो किसी को कोई डाउट नहीं नो डाउट फाइव एक्स इनवर्स भी लिख सकते हो पांच घात माइनस दो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा चलो आओ आइए आपका ही इंतजार था भैया ये आंसर है ये सही है जो कुछ है इसको नीचे थोड़ा सटा देंगे लाके इनको हम लिख सकते हैं 95 फाइव फिफ्टीन एक्स स्क्वायर वाई जेड भाग का चिन्ह लगा है तो उन्नीस बटा पंद्रह पावर फोर वाई जेड इनको हल करने के बाद नीचे वाला पार्ट मिल रहा है, तुम्हें सबको पता है अंश से अंश हम काट सकते हैं दोनों का हर से हर डिवाइड कर सकते हैं ठीक बाकी चीजें तो मैं दिखाई चुका हूं अभी हाल ही में कैसे हुआ था यक्स से यक्स वाई से वाई कैंसिल कंप्लीटली कैंसिल यहां पर इसको कैंसिल करने के बाद बचेगा यक्स का स्क्वायर बचेगा ये भी अलग कलर में नहीं जा रहा गधा क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर ऊपर सिर्फ पांच बचा है नीचे एक्स का स्क्वायर बचा है इसलिए पांच बटा एक्स का स्क्वायर हो गया ये फाइनल आपका या फिर यू कैन से फाइव एक्स माइनस दो जो घात ऊपर जाती है तो माइनस लग जाती है अनिल यादव माइनस चिन्ह नहीं हटाया जा सकता है माइनस लगाओगे तभी ठीक है अन्यथा गलत है चले आगे बढ़े ठीक है सभी को समझ में आ रहा है आज समझ में आ भी जाना चाहिए नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना चलो थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर देते हैं कल जो आप पढ़े थे उसको एक बार थोड़ा सा इसमें तड़का लगा देते हैं देखो चल भैया बताओ इसका मान क्या आएगा जरा बताओ एक बार इसका मान क्या आएगा हम्म पहला आंसर है दूसरा ऑप्शन है जरा ध्यान से देखना तीसरा ऑप्शन है रुके रहना थोड़ा सा एक डी वाला है नॉन ऑफ दीज देखो आंसर भी यही सोचना पड़ता है ना हल करके क्या आएगा तभी तो सही आंसर देंगे अब इसे एक समझ में आ रहा है आरिस बलिक आइए बताता हूं जाने दो तो छोड़ो चलो देखो आसान है बहुत आसान है सिंपल सा है देखो कैसे करते हैं जरा समझना यहां से चलो आँग देखो। आँग देखो। आ देखो एक्चुअल में बात ये है कि पहले हम भिन्न को हल करेंगे निपटाएंगे इनको जो भी लिखा है तो इतना था ये तीन एक तीन, तीन दूना चार दो थारा। तो इससे तो ये क्लियर होता है कि चार दूना आठ आठ बटा नौ यानी जो भिन्न आएगी एट अपन नाइन आएगी बाकी कुछ भी आए तो ऐसे तो ऑप्शन सी सही हो गया बट अभी पूरा क्लियर कर लो स्क्रीन शार्ट ले लो लेना चाहो देखो ये अचर पद वाला हो गया चर पद का हिस्सा करते हैं यक्स वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एक्स ठीक है यहां पर देखना बच्चा यक्स का घात एक है यहां पर एक है तो x घात दो हो जाएगा वाई का घात दो वाई का घात दो तो वाई घात चार हो जाएगा यानी फाइनल में यक्स का स्क्वायर वाई पावर फोर हो जाएगा आपका आंसर क्या होगा ये हो जाएगा सी वाला दीपक समझ में आया ये कल का था जो कल पढ़ाया था मैंने इसमें से सिर्फ आपसे सवाल पूछा है बस आपको एक बार फिर से बता दूं विंटर बैच यूट्यूब पर टोटल फ्री पढ़ाया जाएगा अगर इसके सारे पार्ट आप देखेंगे तो आपको कोई कोर्स नहीं परचेज करना होगा बिल्कुल जीरो से पूरा इनके सारे पार्ट के लिए नीचे नंबर चल रहा है उस पर मैसेज करें बिंटर बैच फ्री क्लास लिख करके आपको प्ले मिल जाएगी आज तक की उनतीस क्लास प्रजेंट टाइम में आज तक उनतीस क्लास चली है ट्वेंटी इनको बता भैया कहा चलो आइए मैं हल करके बताता हूं तो दिए गए नंबर को आप लिख लेंगे ऐसे अगली लाइन में आप एक काम करेंगे जैसे हर में है नंबर वैसे ही उसी रूप में ऊपर वाला तोड़ लेंगे तो इसे हम दो गुड़े चौसठ लिख सकता हूं यक्स का स्क्वायर वैसे लिख लेंगे जैसे है क्योंकि नीचे भी ऐसा कुछ सिस्टम है उससे छोटा है ऊपर तो इसलिए उसको वैसे लिख लेंगे इंटू वाई और जेड का स्क्वायर भी वैसे लिख लेंगे क्योंकि नीचे भी जेड का स्क्वायर वैसे है नीचे वाले में थोड़ा बदलाव करेंगे चौंसठ चौंसठ ही रहेगा क्स का घात फोर को हम दो बार ऐसा लिख सकता हूं बताओ X की घात फोर को मैं X का पावर टू इंटू एक्स पावर टू लिख सकता हूं दो दो घात में तोड़ के वाई वैसे रहेगा जेड का स्क्वायर वैसे रहेगा समझने वाली बात है कि चौसठ से चौसठ कैंसिल यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल वाई से वाई कैंसिल जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल ऊपर बचा है बच्चा दुई बचा है कुल और कुछ नहीं बचा है कहीं सब खत्म नीचे यक्स का स्क्वायर बचा है तो टू अपान यक्स का स्क्वायर दिफिद आंसर बस बाकी कुछ नहीं सब खत्म किसी को कोई डाउट नहीं किसी को कुछ कहना है कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए और कमेंट जरूर करेंगे हर कोई एक बच्चा बच्चा कमेंट करेगा कमेंट करके बताओ कोई डाउट कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं कुछ है तो बताओ और इस तरीके का आप लोग जो है करेंगे कुछ होमवर्क लिख लीजिए ज्यादा टाइम नहीं है चालीस मिनट बहुत क्लास चली बहुत अच्छा चलो भैया इसको लिखो नौ एक्स स्क्वायर वाई जेड डिवाइड बाई, बाई

ये तीनों होमवर्क है कर कहते हैं ना कि जीत की खातिर जुनून चाहिए और जिसमें उबाल हुआ फखून चाहिए और ये आसमा भी आता है जमी पर बस आपके इरादों में जीत वाली गूंज चाहिए ये बैच बिल्कुल टोटल फ्री चल रहा है जिसका नाम विंटर बैच है YouTube वीडियो में आपको कमेंट करना होता है डाउट का रिप्लाई मैं खुद करता हूं और अगर कोई प्रकार का आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो नीचे नंबर होते हैं उन पर संपर्क करिए बाकी क्लास को लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है अगर आप इसे करते रहेंगे तो इसको पूरा यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएंगे जिम्मेदारी आगे आपकी भी है हमारी भी है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजिता नियम विभाजिता नियम क्या होता है क्या आप जानते हैं लगभग लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे तो हम बता देता हूं कोई दिक्कत नहीं दो से लेकर ग्यारह तक का विभाजिता नियम पढ़ेंगे डीएलएड की क्लास आप थोड़ा लेट हो सकती है लेकिन बेसिक वाली बहुत मस्त चलेगी आइए दो का विभाजिता नियम कितने लोगों को पता है बताओ कितने लोगों को पता है ठीक है बहुत से बच्चों को दो का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो अभी अभी क्लास शुरू हुई है ऐसी संख्या जिसका लास्ट का अंक जीरो दो चार छः आठ होता है वो क्या होती है दो से डिविजिबल होती है इसमें कोई बड़ी बात है नहीं लगभग हर किसी को ये पता है हम्म जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला ये वाला नंबर ये वाला लास्ट का अंक जो है वो जीरो दो चार छ या आठ इनमें से कोई भी होगा तो दी गई संख्या दो से डिविजिबल होगी इसमें बताइए आज जवाब दीजिए पहला सवाल जिनको लग रहा है कि ये वाला सही है वो कमेंट में लिखेंगे वन ए जिनको लग रहा है ये सही है वो कमेंट में वन डी लिखेंगे बताओ कौन सा सही लाइक शेयर करें जरूर कर दें भाई देखो आपकी जिम्मेदारी है फटाफट सभी शेयर करके आ जाएं आज मैंने टेलीग्राम में भी नहीं शेयर किया है कहीं नहीं शेयर किया मैंने बहुत अच्छा वेरी गुड ठीक है तो कह रहा है कि कौन सी संख्या दो से पूर्णता विभाजित नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए सही है ए सही है क्योंकि ए में लास्ट में जीरो दो चार से आठ नहीं है है ना ओके बस आधा मिनट रुकना ठीक है ए वाला सही दूसरे का जवाब दीजिए सेकंड में बताइए सेकेंड है सीकेंड या सेकेंड या सेकेंड सी क्या कह रहे हो बहुत अच्छा वेरी गुड प्रिया कुशवाहा आयुषी त्रिपाठी अभिषेक विकास ठीक है गुड बहुत अच्छा रुद्र सिंह निरंजन ठीक है आइए तो ये सभी समझ गए इसका सही जवाब है दो से पूर्णता विभाजित है इसका सही जवाब है बी वाला। सेकंड में बी सही तीन नंबर में आ जाओ तीन नंबर मतलब तीन का विभाजिता नियम तीन का विभाजिता नियम क्या होता है जरा इसको भी देखो प्यार से भैया कोई भी संख्या जिनके अंकों का योगफल तीन से डिवाइड होता है वो संख्या तीन से फुली डिवाइड मानी जाती है और अगर अंकों का योगफल तीन से डिवाइड नहीं होता है तो वो संख्या तीन से डिवाइड नहीं होती है आइए इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं किसी को कोई डाउट है तो बताओ नहीं ना बस मैं आया पढ़ाई तो रहा हूं बस मुझे क्या है ना कि आज बहुत सारा काम बचा रह गया शेयर वेयर करने वाला और हमारे साथ कोई है नहीं सैटरडे संडे रहते हैं लोग छुट्टी पे काफी लोग और हम ही रहते हैं ड्यूटी पे चलो किसी भी संख्या जिसके लास्ट के सॉरी सभी अंकों का योगफल तीन से डिवाइड हो वो संख्या तीन से डिवाइड होती है यहां पर लिखा है जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल वाले देख लो जैसे पहला ये क्या तीन से पूरी डिवाइड है तीन से पूर्णता विभाजित है क्यों है क्योंकि इनके अंकों का योगफल तीन से पूर्णता विभाजित हो रहा है जैसे जरा देखना पहली बात जो मैं बता रहा हूं ट्रिक देखना फिर बेसिक चार तीन दो और तीन जोड़ो सबको चार तीन सात दो नौ और नौ एक दस दो बारह बारह क्या है? तीन से डिवाइड है इसलिए पूरी संख्या तीन से डिवाइड होगी अब जिनको डाउट लग रहा है वो देख ले यहां पे क्लियरली आओ इनको तीन से भाग करो तीन एकम तीन भाग करना तुम्हें सबको पता है बोलो भैया सही है ना देखो हो गया खत्म बस यही था और कुछ नहीं ठीक है क्लियर नो डाउट बढ़िया समझ में आया तो कोई भी संख्या जिसके अंकों का योगफल तीन से डिवाइड होगा वो तीन से डिविजिबल है अगर यहां पर हम दो कर देते तो इसका योगफल ग्यारह हो जाता तो ग्यारह अगर यहां होता भाग करने पर लास्ट में दो होता तो कटता नहीं अब बताइए फिर इसी आधार पे थर्ड नंबर सवाल जवाब दीजिए बताइए निरंजन वेरी गुड निरंजन बहुत अच्छे एक मिस्टर शैलेष जी हैं ये रोज नाम बदलते रहते हैं आज नाम बदल दिए पीएम नरेंद्र मोदी जी कल अमेरिका के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और पढ़ते कभी नहीं है निम्नलिखित में कौन सी संख्या तीन से पूर्णता विभाजित है अंकों का योगफल करने पर जो तीन से डिवाइड होगी वही संख्या तीन से डिवाइड मानी जाती है करके देख लो भैया तो तीन दो पांच पांच दस एक ग्यारह बारह तेरह तीन सोलह दू अठारह ये तो है फिर तो पहला वाला है क्यों है ना दूसरा वाला भी देख लो क्या और भी कोई है क्या इसमें बहुत अच्छा रुद्रा वेरी गुड अभिषेक शंकर फोर नंबर में आ जाओ छोड़ो उसके आगे जाने दो उसको फोर नंबर में आ जाओ आइए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीन से फुल डिवाइड है इसका बी वाला सही है कौन सा बी वाला करके देखो अंकों का योगफल इनके अंकों का योगफल करते हैं तीन पांच आठ सात पंद्रह एक सोलह सोलह तो तीन से डिवाइड है नहीं इसलिए पहला कैंसिल नौ आठ सत्रह तीन बीस पांच पच्चीस पच्चीस भी तीन से डिवाइड नहीं है इसलिए भी कैंसिल चार दो छह चार दस पांच पंद्रह पंद्रह तीन से डिवाइड है तो ये सही है अगला भी नहीं होगा किसी को कोई डाउट नहीं कुछ कुछ एग्जाम्पल के साथ सब सीख लेंगे आज ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे प्रैक्टिस के लिए अलग से क्लास चलाएंगे एक एक टाइप के तीन तीन सवाल कर लीजिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस चार का विभाजता नियम बताइए चार का विभाजता नियम महबूबी बेगम समझ में आ रहा है अभिषेक समझ में आ रहा है रामजीत यादव आपको भी आ रहा है रुद्र सिंह आयुषी त्यागी सभी को आ रहा है बहुत अच्छा आसान है देखिए चार का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी संख्या जिसमें लास्ट के दो अंक से जो संख्या मिलकर बने वो या तो जीरो जीरो हो और या तो चार से डिवाइड हो बस यही देखना है लास्ट के दो अंक इकाई और दहाई वंस और टेंस प्लेस तो इसमें लास्ट के दो अंक से मिला करके दुई जीरो बन रहा है अगर जीरो आता है इस तरीके का तो वो चार से डिवाइड होगी ठीक है रुकना भैया ठीक है नो डाउट किसी को बढ़िया चलिए आइए ठीक है तो ये क्या है चार से डिवाइड है लास्ट का जो दो अंक है वो या तो जीरो आ जाए और या फिर जो आए वो चार से डिवाइड हो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देख लो ये भी है अगर इसमें नहीं मजा आ रही थी इसको भी देख लो इसमें लास्ट में क्या है जीरो चार है लास्ट का दो अंक जीरो चार है तो ये भी क्या होगी चार से डिवाइड होगी इसमें ट्वेंटी फोर है ये भी चार से डिवाइड होगी भाग करके देख लीजिए सोच रहे होंगे इसे हवा में बता रहे हैं चलो भाग करके के एक थी दिखा देता हूँ कितनी बड़ी संख्या चलो सी वाला करके दिखा देता हूं क्या है सी वाले में तिहत्तर पच्चीस नौ सौ चार ये चार फे फुली डिवाइड है भाग करिए फोर वन जा फोर दिख रहा है ना तीन आया ऊपर से आप थ्री उतार लेंगे फोर एट जा थर्टी टू वन आया अब चार तियाई बारह आइए इनको घटाएंगे जीरो ऊपर से आप देखो तो दो तक उतर गया है पांच अब फोर वन जा फोर घटाओगे एक आया ऊपर से नौ उतार लीजिए चार चौक सोलह घटाओगे तीन आएगा ऊपर से जीरो उतार लीजिए चार फतेह अट्ठाईस देखो लास्ट में घटाने पर दो आया है थोड़ा छोटा कर दूँ और दिख रहा है ठीक है हाँ यहां पे क्या आ गया आप देखो ट्वेंटी ना अब आगे क्या होगा खत्म मैंने क्या किया ऊपर से जीरो उतारा था लास्ट टाइम में अभी ऊपर फोर बचा था कितना फोर ना तो पांच बार जाएगा चार पंचे बीस ये खत्म हो गया लास्ट में आप फोर उतारोगे और चार का भाग फिर एक बार चला जाएगा मतलब ये खत्म जीरो आया ना कैलकुलेटर से करके देख लो आ जाएगा कोई दिक्कत ना किसी को हम्म चलिए आठ की जगह पर चार कर दिए कहां ये यहाँ पे थोड़ा सीधा सीधा में नहीं घटाया हूं बाकी ये आएगा दो ही घटा के आप देख लीजिए ठीक है।, है ये यहां पे अगर आप सब करोगे तो दो जो आएगा इसके नीचे आएगा बस इतना ही फिर आएगा बेस ही वही होगा ठीक है चलिए कोई कुछ छूटा है तो बताओ कोई अंक नहीं ना चले आगे कहीं कुछ चेंज हुआ है क्या क्या आठ की जगह पे चार कर दिए तिहत्तर पच्चीस नौ सौ चार चार कम चार अच्छा ये चार अठे बत्तीस है ना ये चीज ओ सॉरी हाँ ये ठीक है ये 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 ये, ये, ये. बस ना बोला तो मैं आठ ही था लेकिन लिखा चार था ना शायद थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है बाकी तो आप समझ ही रहे हो इतना तो जन्मे करते हो है ना चार आठे बत्तीस फोर एट जा थर्टी टू बाकी सही है ठीक है आइए देखिए गणित सीखने का उद्देश्य होना चाहिए इंसानी हर कोई है छोटी मोटी ऐसे भूल हो जाती है अब इसका यह मतलब नहीं कहा तो गलत पढ़ा रहे हैं क्या करोगे इंसान ही है तो थोड़ा बहुत होता है सुधार भी किया जाता है आइए निम्नलिखित में कौन सी संख्या चार से पूर्णता विभाजित नहीं है जवाब दीजिए पांच में विभाजित नहीं है मीन्स एक है ऐसा है जो नहीं है बाकी सब है अगर आपको लगता है वो ये वाला है तो आप कमेंट में फाइव बी लिख दो अगर आपको लगता है ये वाला है तो आप कमेंट में फाइव डी लिख दें जल्दी करिए पक्का ठीक है बहुत अच्छे अमनदीप वाहिद वेरी गुड गौरीशंकर नहीं है मीन्स चार से विभाजित होने के लिए लास्ट के दोनों अंक जो है उनको हम पकड़ पकड़ के देखेंगे तो भैया ये ये तीनों चार से डिवाइड है बट इलेवन नहीं है सो ए वाला सही है कौन सा ए वाला बताइए छह नंबर में चार से विभाजित है बताओ उस समझ में आ रहा है प्रीति आ रहा समझ में सिक्स में जिनको लगता है कि इसका जवाब ये वाला होगा वो कमेंट में लिखेंगे सिक्स सी सिर्फ इतना लिखना है बस तुम्हें इतनी बड़ी गिनती नहीं लिखनी अगर आपको लगता है ये नहीं है ये वाला है तो कमेंट में लिख दो ऐसे सिक्स बी और सिर्फ ए या सिर्फ बी ना लिखना गलत है गलत बात चलिए बहुत अच्छा कह रहा कि चार से विभाजित है तो साथ ही मेरे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें लास्ट में 96 सिक्स है इसमें ट्वेंटी वन है इसमें लास्ट में 73 थ्री है इसमें वन फोर फोर्टीन है इन चारों गिनती में अरे जो सफेद की कलर से लिखे की वाला सिर्फ नाइन्टी सिक्स ही चार से डिवाइड होगा बाकी नहीं होगा? तो डी वाला सही पांच का विभाजिता नियम दुनिया का सबसे आसान पढ़ाई है क्या कहता है ये कि देख लो मुझे बस एक बार प्यार से जान जाओगे तुम कभी नहीं याद करना पड़ेगा लास्ट में हम दो ही आते हैं हम दो पर या तो हम या तो वो बाकी कोई नहीं किसी भी दी गई संख्या के लास्ट का अंक यानी अंतिम अंक या तो जीरो होगा या तो पांच होगा क्या होगा या तो जीरो होगा या तो पांच होगा वही क्या होता है पांच का विभाजता नियम ठीक है कोई भी अंक ले लीजिए लास्ट में या तो जीरो होगा या तो पांच होगा बस खत्म जैसे ये ये भाग करके देख लीजिए अगर नहीं यकीन है, है तो कैलकुलेटर सबके पास है मोबाइल कर लेना ये सभी क्या है इनके एग्जांपल है लास्ट का अंक सिर्फ देखना है लास्ट में या तो जीरो होगा या तो पांच होगा यानी यही दो प्राणी रहते हैं तीसरा कोई नहीं अगर तीसरा कोई है तो पांच से विभाजित नहीं होगा फिर फॉर एग्जाम्पल आइए जवाब दीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पांच से पूर्णता विभाजित है बड़ा अलग दिख रहा है जिनको लगता है ये वाला सही है वो कमेंट में सेवन ए लिखेंगे जिनको लगता है ये वाला सही है वो सेवन बी लिखेंगे और जिनको, जिनको कुछ और लगता है वो उसको लिखेंगे बहुत अच्छा वेरी गुड सबसे पहला जवाब इसमें कोई दिया है तो उनका नाम है संदीप महबूबी बेगम कमाल खान हाँ कुछ लोग कह रहे हैं इसको पढ़ा चुके हो भैया बात यह है ना ये बैच है बैच के अकॉर्डिंग चल रहा है विंटर बैच में नहीं पढ़ाया है बहुत सारी बैच चली पढ़ाया हूं तो मुझे पढ़ाना पड़ता है क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो वो बैच को फॉलो करते हैं पर्टिकुलर हर एक बैच नहीं देखते हैं तो इसको बात को अपने दिमाग में बसा लें कि ये जो बैच है ये यूट्यूब पर टोटल फ्री चल रहा है विंटर बैच इसमें सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे आपने किसी क्लास के डेमो में इसको देखा होगा तो हम कूद तो नहीं पढ़ा पाएंगे कोई भी बैच पढ़ाते हैं अगर कोई एक बच्चा पर्टिकुलर बैच को फॉलो करता है तो उसमें हम सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे अगर वो रेगुलर बैच है अगर वो सिर्फ डेमो है तो फिर उसका आगे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा एप्लीकेशन में मिलेगा ठीक है लेकिन ये डेमो नहीं है ये रेगुलर बैच है सी वाला सही है क्योंकि लास्ट में इसमें क्या है पांच है नंबर बताइए वेरी गुड संजीव तिवारी बहुत अच्छे संदीप रावत ठीक है विनय कुमार देखिए कमेंट्स अभी क्या आ रहे हैं लगभग लोगों के कमेंट्स हम देख लेते हैं लेकिन आगे कुछ पढ़ाना भी पड़ता है ना यार चलो कहरा विभाजित नहीं है मीन सबके अंतिम अंग पकड़ो बहत्तर सत्तर जीरो जीरो पांच नहीं है नहीं है मीन्स वही ए वाला आठ में ए क्योंकि उसमें बहत्तर है लास्ट में टू है किसी को कोई डाउट तो बता दो जल्दी फट से नहीं ना सभी को आ रहा समझ में आठ का विभाजिता नियम नहीं पांच का है पांच का विभाजिता नियम लास्ट में या तो जीरो होगा या तो पांच होगा बस कोई भी संख्या अगर लास्ट में जीरो है या पांच है या जीरो पांच दोनों है या पांच जीरो दोनों है तब वो पांच से विभाजित है अन्यथा अगर और कुछ है तो नहीं है कुछ भी है इनको छोड़ के तो नहीं है अच्छा एक और मैं बता रहा हूं चलो ये बताओ क्या ये ई वाला फाइव से डिविजिबल है यस या नो सिर्फ इतना लिखना है हाँ या ना अच्छा एक और बताओ एक पांच तीन दो सात दो जीरो जीरो क्या ये है पांच से डिवाइड हाँ या ना आसान है बहुत आसान है ये नहीं है क्यों क्योंकि लास्ट में नाइन है जीरो या पांच कुछ होना चाहिए या तो जीरो या तो पांच ये है क्योंकि लास्ट में क्या जीरो है तो क्या क्या होगा भैया या तो जीरो होगा या तो पांच होगा या तो जीरो पांच होगा या पांच जीरो होगा ये पांच से विभाजिता के लिए इनमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट भले आओ फलाने आइए छ का विभाजिता नियम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सिक्स ये थोड़ा सा टिमटम टाइप का है मतलब थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाने का कहता है बस ये कहता है कि अगर दो से विभाजित होगा और तीन से भी होगा तब है छे से होगा यानी अगर कोई संख्या किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों से विभाजित है तो वो उस बड़ी संख्या से भी विभाजित होती है इस पर यह भी एक चीज कह सकते हो जैसे आइए पहली बात तो यह जान लो कि छह से कोई संख्या विभाजित होगी तो उसका लास्ट का अंक जीरो दो चार छ आठ होगा लेकिन ये सौ परसेंट नहीं है क्यों क्योंकि किसी किसी में ये होने के बाद भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि वो तीन से विभाजित नहीं होगा तो एक मोटा मोटा पहले जो है प्रथम दृश्य प्रथम दृश्य ये होगा एक चीज और समझ लो अगर किसी भी संख्या का लास्ट का अंक इनमें से कुछ भी नहीं है तो ये तो मान लो कि वो छह से विभाजित नहीं होगी पहले ही मान लो ठीक है अगर कोई संख्या दी है जिसका अंतिम अंक इसमें से कोई भी अंक नहीं है तो वो छह से विभाजित नहीं होगी लेकिन अगर इसमें से है तो यह सेवर नहीं है कि छह से विभाजित होगी ही होगी तब भी उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि उनके अंकों का योगफल तीन से डिविजिबल होना चाहिए ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली कंडीशन यह है इसमें ये सभी सही उतर रहे हैं खरे उतर रहे हैं तीनों पहली कंडीशन में ठीक है दूसरी कंडीशन में इनके अंकों का योगफल करेंगे आइए चार तीन सात दो नौ एक दस दो बारह इनका योगफल क्या रहा अंकों का बारह अब चूंकि बारह तीन से डिवाइड होगा और दो से तो ऑलरेडी है इसलिए यह पूरी संख्या छह से विभाजित होगी भाग करके देख लीजिए तिरालीस दो सौ बारह को यह छह से भी विभाजित है दो से भी है और तीन से भी है बाकी और भी किसी से हो सकती है लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे इनके अंकों का योगफल करिए सात पांच बारह एक तेरह दो पंद्रह अब पंद्रह तीन से डिवाइड है दो से भी डिवाइड है तो पंद्रह थोड़ी दो से डिवाइड है दो से डिवाइड ऊपर वाला है नंबर टोटल मतलब क्यों क्योंकि लास्ट में दो है ठीक है तो ये दो और तीन अगर दोनों से डिवाइड है तो छ से भी होगा वैसे ये वाला भी बताओ हाँ या ना क्या ये तीन से डिवाइड छह से है या नहीं मतलब तीन से डिवाइड है या नहीं छह से डिवाइड है या नहीं दो से डिवाइड है या नहीं बोलो अगर है तो वाई और नहीं है तो यन? इतना लिखने में कहा जा रहा है लिख तो जल्दी से चलो रोहित अभिषेक एम डी शाहबाज अच्छा बेटा देख रहा हूं तुम्हारा कमेंट ठीक है देखता हूं कोई जुगाड़ लगाता हूं तुम्हारा भी चलो आगे देखो नाइन नंबर में इसी का जवाब है ये कह रहे हैं कोई पट जाए बस इनको इतना चाहिए और कुछ नहीं वन थ्री बी वन टू कह रहा है इसमें कि b का न्यूनतम मान क्या होगा यदि दी गई संख्या छह से पूर्णतः विभाजित हो तो पहला नंबर तो यह जान लो आप कि 6 से विभाजित होने के लिए दो वाली कंडीशन ये क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि लास्ट में दो है अब तीन वाला करना है यानी इनके अंकों का योगफल ऐसा लाना है कि जो तीन से डिवाइड हो जाए ठीक है देखो इनको जोड़ो तीन एक चार एक पांच दो सात सेवन प्लस बी अब सेवन में क्या जोड़ दें ऐसा कि जो आए वो तीन से डिवाइड हो जाए बताओ छोटी सी छोटी संख्या अगर सेवन में जीरो जोड़ोगे तो सेवन ही रहेगा तो काम नहीं बनेगा क्योंकि सेवन फिर से जो है नाइन से डिवाइड नहीं होगा सेवन में अगर हम चार जोड़ें तो चार जोड़ देंगे तो ग्यारह हो जाएगा अब ग्यारह भी क्या होगा यह भी छह से डिवाइड नहीं होगा अगर हम सात में नौ जोड़ दें तो सोलह हो जाएगा सोलह भी छह से डिवाइड नहीं होगा तो वही एक ही बचा है दो क्या सात में दू जोड़वा भैया तो नौ हुए और नौ जो है तीन से डिवाइड हो जाएगा हमें तीन से डिवाइड देखना है ना अगर तीन से हो गया तो दो से ऑलरेडी है इसलिए छह से भी फिर होगा बस खत्म दस नंबर बताओ चलो आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बात मैं याद दिला दूं कि अगर आप गणित सीखना चाहते हैं रियल में वास्तव में तो आप क्लास को पूरा देखना छोड़ के ना जाना और ना वीडियो डाउनलोड करना लाइक करना और ऑनलाइन पूरा देखना इसमें लगभग से पचहत्तर क्लास होगी पूरा बेसिक कंप्लीट खत्म हो जाएगा और बेसिक अगर खत्म कर लोगे तो कोई एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो मैथमेटिक्स का बेसिक में से थोड़ा आता है कैसे क्वालिफाई होगा इसके माध्यम से होगा अगर बेसिक आएगा तो आप कोई भी एग्जाम का अपना टेट सी टेट सुपर टेट एस एस पुलिस आर्मी एस का मैथ पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा दिमाग में घुसेगा मतलब ये दिमाग का दरवाजा खोलने के लिए काम करता है हाँ किसी घर में जाना है तो पहले दरवाजा खोलोगे ना गेट तबियत घुसोगे और तुम्हारा गेट है बंद है तो फिर कैसे घुसोगे तो ये गेट खोलने काम करता है बेसिक मैथ जब गेट खुल जाएगा तो आगे कंपटीशन वाली मैथ जा सकेगी समझ रहे हो कि नहीं कह दो कि हम गेट खोल दिए अंदर गए ही नहीं तो तो तुम बेसिक सीख लिए कंपटीशन का पढ़े नहीं तो तब वो कुछ नहीं होगा ये सच्चाई है झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है ठीक है तो बेसिक पढ़ना जरूरी है लेकिन सिर्फ बेसिक पढ़ने से ही खुश हो जाओ कि और कुछ नहीं करना तो वो भी नहीं सही है आइए इसमें लास्ट का अंक तीन है आ, तो ये तो पक्का है कि नहीं होगा भैया फिर कौन हुए हो डी वाला होगा कौन सा डी वाला डी वाला डी वाला ना हम्म अगर मोटा मोटा दो से देखें तो दो से तो तीनों क्वालिफाई हैं अब तीन से ट्राई करते हैं तो नौ पांच चौदह चार अठारह अठारह दो बीस छः छब्बीस चौंतीस छ चालीस तीन से डिवाइड नहीं होगा यानी ये वाला गलत इनको जोड़ो नौ पाँच चौदह चार अठारह छत्तीस तीन से डिवाइड तो हो हो होगा और दो से तो ऑलरेडी डिवाइड है क्योंकि लास्ट में चार है तो तीन और दो अगर दोनों से डिवाइड है तो फिर छह से भी डिवाइड होगा कोई रोक नहीं सकता आवा कुछ समझ में देखा था अच्छा लगा है लिए देखा था आता है ना पक्का चलो इसको भी देख लो फिर इसी में लगे हाथ प्रीति आरा समझ में अभिषेक आरिस मलिक आर्यन पांडे अमनदीप सबका आवता है भैया अच्छे से आवता है एकदम बढ़िया से ना अच्छा कितने लोग ऐसे देखा था बस अच्छा लगाता है लिए देखा और कितने लोग इसलिए देखा था सभी देखा था हुँ? बता 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 कितना लोग ऐसे हैं कि देखा था एलिए जोने सभी देखा था तो हमू देखा था और कितना लोग ऐसे देखा था है कि क्यों चैटिंग करके मिल जाए मौका मिले बात कर लिए थोड़ा बहुत हाल चाल ले लिए। बहुत उद्देश्य से लोग पढ़ते हैं ऐसा थोड़ा सा पढ़ने के लिए आए हैं ये ढेर लोग के अलग अलग उद्देश्य है आइए ठीक है हम के समझ में आवत है अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं इसको फिर से बताने के लिए देख लो समझ लो फिर से बता देता हूं <coughs> क्या है भैया कि तीन से विभाजित नहीं इसको हम वापस लेते हैं अपनी बात मैं तो थोड़ा उल्टा बोला नेता लोग तो गरिया देते हैं दूसरे को तो बाद में जब वो चिल्लाता है हमको गरिया है हमको गरिया है तो कहते हैं हम अपनी गाली वापस लेते हैं देखे नहीं ये केवल हमारे भारतीय राजनीति में हो सकता है बस और कहीं नहीं किसी को गरिया देते हैं फिर कहते हैं अपनी गाली वापस ले लिए चलो देखो इधर में छे से विभाजिता हमें देखना है तो छे से विभाजिता के लिए आपको दो से विभाजित देखना है और तीन से ठीक है दो और तीन दोनों से अगर डिवाइड है तब वो छह से डिवाइड होगा अन्यथा नहीं होगा तो कोई भी संख्या छह से डिवाइड है उसको चेक करने के लिए पहले देखेंगे कि दो से डिवाइड है या नहीं है तीन से है या नहीं है अगर दोनों क्वालिफाई होगा तो छह से है आप ऐसे समझ लो कि जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आई लोगों ने फॉर्म भरा है मैं छोटा सा एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं बस तो उसमें रिटर्न भी होगा मेडिकल भी होगा तो किसी को अगर क्वालिफाई होना है पुलिस में भर्ती होना है तो उसको रिटर्न क्वालिफाई होना है और मेडिकल भी क्वालिफाई होना है मतलब दौड़ भाग वाला जो भी और भी चीजें है ना तभी होगा ना अगर वो रिटर्न में तो पास हो गया और दौड़ने में वो बैठ गया तो गड़बड़ अगर वो रिटर्न में नहीं पास हुआ दौड़ने में सबसे आगे पहुंच गया तो तबो नहीं होगा तो दोनों होना चाहिए ना तो वैसे ही समय भैया भाई सेम एग्जाम्पल बहुत अच्छा है दोनों होना चाहिए दो और तीन दोनों से तभी छह से विभाजित होगा उसके लिए आपको दोनों कला आनी चाहिए एक तो पढ़े लिखे भी होना चाहिए और दूसरा थोड़ा फिजिकली फिट भी होना चाहिए समझ में आवाता है ना के? देखा समझा। तो दो वाला तो बहुत आसान है कोई भी दी गई संख्या दो से डिवाइड होती है अगर उसमें लास्ट का अंक जीरो दो चार छ या आठ हो मतलब अंतिम अंक इनमें से कुछ भी है तो दो से डिवाइड होती है तो पहली वाली कंडीशन पे तो ये तो फेल हो गया ये वाला क्योंकि लास्ट में इसमें तीन है खत्म लेकिन ये तीनों कंफ्यूजन में डाल रहा है क्योंकि इसमें सब में दू चार छ है, है तो तो ये तो तीनों दो से डिवाइड है यानी ये समझ लो कि इन सबका रिटर्न निकल गया अब देखो मेडिकल में किसका निकलता है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो बताया था अब सबके अंकों का योगफल करोगे तीन का विभाजिता नियम कहता है कि अंकों का योगफल ऐसा आए जो तीन से विभाजित हो अगर ऐसा है तो संख्या तीन से विभाजित होगी अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगी ठीक तो अंकों का योगफल मैंने किया जोड़ के देखो नौ पांच चौदह चार अठारह अरे इनको जोड़ना भैया इसे जोड़ना है पांच धन नौ धन चार धन आठ धन छा धन छा ऐसे ठीक तो नौ पाँच चौदाह चार अठारह अठारह में आठ जोड़िए छब्बीस छब्बीस में छ जोड़िए बत्तीस बत्तीस में छ जोड़िए अड़तीस सही जोड़े एक ना बतावा ईमानदारी से पक्का ना हाँ ऐसे इसे जोड़ेंगे अड़तीस तीन से डिवाइड नहीं होगा तो अड़तीस तीन से डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम कह है सकते हैं कि यह संख्या फिर छः से डिवाइड नहीं होगी कैंसिल क्योंकि दो से तो है लेकिन तीन से नहीं हो रही ठीक है ऐसे ऐसे आप सब ट्राई करेंगे जितना है ठीक है इसी तरीके से अगला भी टेस्ट कर लेना कहा चाहते हो यही लेके बैठा रही एक का सवाल एक एका पढ़ लीजिए ईमानदारी से दिल से फिर ना कहना कि ये बैच काहे आगे नहीं आ रही अगर आप लोग लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फिर ये बैच आगे ना आए और हम सबको जानते हैं कौन करता है कौन नहीं करता है ये मत सोचना कि हम नहीं जानते हैं बहुत से साथी हमारे करते हैं ऐसी नहीं है जो मैं कहता हूं सब करते हैं लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो ना मासूम चेहरा निगाहें फरीवी लबों पे हंसी और दिल में दगा है क्या समझा आपने धीरे धीरे समझोगे आओ क्लास में आ गए हो सब समझोगे चलिए <laughs> देखिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो मैं बताऊंगा पहले ये एक इंटरेस्टेड फैक्ट देखिए वो क्या है कि कोई भी संख्या जो छह बार पुनरावृत्ति करती है वो सात से डिवाइड होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो कोई भी अंक ले लो जो लगातार छह बार रिपीट हो जैसे वन को ले लिया मैंने लगातार छह बार ये सात से डिवाइड है भाग करके देख लीजिए कैलकुलेटर से कर लीजिए दो को ले लिया लगातार छह बार ये भी सात से डिवाइड है करके देखो मान लो मैंने नौ को ले लिया सात बार सॉरी तो छह बार ये भी क्या है है सात से डिवाइड भाग करके देख लीजिए कोई भी अंक ले लो आप लगातार छह बार होना चाहिए सिंगल अंक ये सात से डिवाइड है याद कर लीजिए जिंदगी में बहुत अच्छा चीज है ये काम आएगा हर जगह तो इस तरीके का कोई भी अंक आप कर सकते हैं ना पक्का अगला इसका एक और भी फैक्ट है कोई भी दो अंक की संख्या है अगर लगातार तीन बार लिखी जाए तो वो भी सात से डिवाइड होगी आंख बंद करके कर सकते हो कि नहीं याद कर लो बस समझ रहे हो नहीं ऐसे बहुत सारे फैक्ट जो बचपन में लोग पुराने ज़माना के याद करते थे कि आज जो है रविवार है तो आज नहाना नहीं चाहिए आज मंगलवार है तो बाल नहीं कटाना चाहिए लेकिन काहे नहीं चाहिए उसको कोई नहीं जानता जानते हो नहीं कुछ लोग जो पुराने जमाने के होंगे उनको मालूम होगा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए कोई नहीं पूछता न पूछता ना जाना आज तक रात में अंगूठ अंगूठे का वो क्या बोलते हैं रात में नाखून नहीं काटना चाहिए काय नहीं करना चाहिए याद कर लीजिए जो मैंने बताया ये कैसे होता है क्यों होता है वही मैं अभी नहीं बता रहा हूं वो बताऊंगा मैं जब एक्सप्लेन करूंगा इसको अलग से सात का विभाजता नियम तब क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा ठीक है तो कोई भी संख्या जो दो अंक की संख्या है लगातार तीन बार होगी तो वो सात से डिवाइड होगी जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया फोर एट तो फोर एट तीन बार है ये सात से डिवाइड है भाग करके देख लीजिए कोई भी अंक ले लीजिए मान लीजिए मैंने सेवेंटी थ्री ले लिया इसको तीन बार लिख लो एक बार हो गया ये दो बार ये तीन बार से भाग करिए देखिए जीरो आएगा इसको देखिए जीरो आएगा कोई भी दो अंक की संख्या लगातार अगर तीन बार लिखेंगे तो वो सात से डिवाइड होगी सभी को क्लियर छाप ले भैया जल्दी जल्दी सभी लोग मंगरू आ गया तू फिर से तो रहत इंतजार रान कहां रहा तक बलाक चलो आगे अगला ये भी उसी से संबंधित है कोई भी तीन अंक की संख्या को अगर लगातार दो बार लिखा जाए पीछे वाले संबंधित नहीं है उसमें दो अंक की संख्या तीन बार लिखी जाती थी और तीन अंक की संख्या दो बार लिखी जाए बिल्कुल अलग हो जाएगा ये तो वो भी क्या होगी एक चीज और पीछे छूट रहा था काफी चीज अभी बताता हूं रुको 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 रुको, रुको। भाई देखो ये जो पहला कंडीशन था कि लगातार क्या किया जाए छह बार किसी भी अंक को रिपीट किया जाए इसमें सिर्फ सात से ही डिवाइड नहीं होता है उसके साथ साथ ग्यारह सैतीस और एक सौ एक से भी डिवाइड होता है ठीक है या यहां नीचे देखो ग्यारह सैतीस और एक सौ एक यानी जो ये वाला यहां प्राणी आपको दिख रहा है यह ना ही सिर्फ सेवन से डिवाइड होगा बल्कि इलेवन से थर्टी सेवन से एंड वन हंड्रेड वन से भी डिवाइड होगा यानी आप एक तीर से चार निफाना लगा रहे हो कहोगे कि ये तो तक का विभाजता नियम पढ़ाना था तो ये कहा एक सौ एक तक पहुंच गए अब जब फ्री में मिल रहा है तो क्या जरूरी है इतना बहस करने से पुराने जमाने के लोग कहा करते थे कि दान के के दांत तो नहीं देखा जाता अब कुछ लोग कह बच्छी मतलब ना मालूम हुए मतलब कुछ फ्री में मुफ्त में मिल रहा है तो उसमें ज्यादा तीम ताम नहीं करना चाहिए समझ रहे हो चलो देखो तो मुफ्त में इसलिए मिल रहा है कि हम पढ़ रहे हैं सात का विभाजित नियम लेकिन उसमें ग्यारह उसमें सैतीस और एक सौ एक का फ्री में हो जा रहा है तो आप इसको याद कर लीजिएगा समझ लीजिएगा दूसरे वाले पर देखिए कोई भी अगर दो अंक की संख्या है लगातार तीन बार रिपीट हो रही है तो वो सात से तो डिवाइड होगी लेकिन वो इसके साथ साथ तीन तेरह और सैतीस से भी डिवाइड होगी नहीं यकीन है तो भाग करके देख लेना मुझे बताना अगर गड़बड़ लगता है तो ये संख्या हो गई ये हो गई या ये इनको सात से भाग करना तीन से करना तेरह से करना सैंतीस से करना जीरो से फल ना है तो बताना करके देख लीजिएगा नीचे नंबर चल रहा है अगर कहीं कुछ भूल चूक होती है कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो मुझे बताइएगा आगे चलें अगले पे आइए कह रहा कि कोई तीन अंक की संख्या अगर लगातार जो है रिपीट करे दो बार जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए वन टू वन वन टू वन कितने बार सिर्फ दो बार तो ये क्या होगा सात से डिवाइड होगा इसके साथ साथ ग्यारह से तेरह से व एक सौ एक से भी डिवाइड होगा मतलब जो ऊपर गिनती लिखी है यह सात से भी डिवाइड होगा ग्यारह से भी तेरह से भी एक सौ एक से भी ठीक है भाग कर लेंगे ना सभी पक्का चलो करके तुम्हें दिखा देता हूं आज भैया अगर हम जो है हाथ से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये इसलिए कैलकुलेटर से कर ले रहे हैं एक सौ इक्कीस और एक सौ इक्कीस इसको डिवाइड करिए लास्ट में एक सौ एक से करके देखिए फटाफट सबसे नहीं हो रहा है क्या तीन अंकों की संख्या दो बार रिपीट हो एक सौ सत्ताईस देखिए जो एक्स्ट्रा लिखा गया वो नहीं मैच कर रहा है क्या चेक करना जरूरी है सात से तो हो रहा है ग्यारह से भी हो रहा है तेरह से भी हो रहा है बट एक सौ एक से नहीं हो रहा है ये यह। गड़बड़ है ठीक गड़बड है।, है कौन सा एक सौ एक वाला गड़बड़ है यहां पे एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था चेक करना जरूरी है ये वाला गड़बड़ है एक सौ एक से नहीं होगा ठीक है ये इस पर लागू नहीं होता पीछे वाले के लिए था ठीक है चलिए बाकी सही है तो जरूरी था चेक करना बाकी आप करके देखिएगा किसी में सब में होता है ये सात का दूसरा डिविजिबिलिटी रूल है मींस वो तो था एक तुक्का तुक्का वाला ये जो है सब में लगेगा क्या होगा ये सब में लगेगा भैया सात का विभाजता नियम इसमें क्या कहता है कह रहा है यदि कोई संख्या के इकाई अंक का डबल करके शेष बची संख्या से घटाया जाए तो जो आए वो या तो जीरो आए और या फिर ग्यारह का क्या आए सॉरी सात का गुणा जाए मल्टीपल आए यानी सात से डिवाइड हो तो पूरी पूरी संख्या सात से डिवाइड मानी जाती है ठीक है यहीं तक एक दिन में हो पाता है अगली क्लास गड़बड़ हो जाएगी कि छोड़ दूं अगली क्लास रहने हम्म आइए इसको देख लेते हैं सात वाला तो कम से कम सात से पूर्णता विभाजित है था इनमें से कौन बताइए जवाब दीजिए टाइम हो गया ना ओवर आइए इसको तो समझ लेते हैं समझिए एग्जाम्पल जैसे सात सौ कहता है कि दी गई संख्या का जो लास्ट का अंक है उसको डबल करिए और बाकी बची संख्या से घटा दीजिए तो बाकी बची संख्या सेवेंटी नाइन है क्या है भैया सेवेंटी नाइन है लास्ट अंक डबल करिए यानी सोलह हो जाएगा आठ का डबल तिरफट आएगा आप बताओ तिरफट सात से डिवाइड है ना हाँ सेवन नाइन जा तो सो आप कह सकते हो कि ये सात से पूरी तरह डिवाइड है अगर संख्या बड़ी सी है तो ये एक्टिविटी एक से अधिक बार करेंगे आप अभी वो भी दिखाऊंगा ठीक है वैसे एक सौ उन्नीस लास्ट के अंक का डबल करिए लास्ट के अंक का डबल अठारह हो जाएगा अठारह को ग्यारह से घटाइए क्या आएगा माइनस सात आएगा अब ये भी तो सात से डिवाइड होगा ना भले माइनस में आए एक तो ये भी क्या होगा सात से डिवाइड होगा भाग करके देखिए किस संख्या से गुड़ा करने पर एक सौ नौ एक सौ उन्नीस आता है सत्रह सत्तः एक सौ उन्नीस आता है हाँ सत्रह सत्तर एक सौ उन्नीस ठीक है जो कॉपी पेस्ट करता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है आधा घंटा के लिए बीस मिनट के लिए कभी कभी चौबीस घंटा के लिए और जो बहुत अति करता है एकदम उसको परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाता है तो ये बात याद रखना